बॉलीवुड की हिस्ट्री में टाइगर जिंदा है ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है जिसे अभी तक बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई। एक था टाइगर की तीसरी कड़ी की कहानी क्या होगी। एक था टाइगर के तीसरे सीक्वल का बजट अभी तक की एक्शन फिल्मों से कितने करोड़ अधिक है। इस फिल्म को बॉलीवुड हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म क्यों माना जा रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है बॉलीग्रेड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। फिल्म एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है से सभी के दिलों को जीतने वाले बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान एक बार फिर से अपने फैंस और टाइगर सीरीज के दर्शकों को चौंकाने वाले हैं। जल्दी ही टाइगर सीरीज की तीसरी फिल्म की घोषणा की जा सकती है। खबरों के अनुसार टाइगर सीरीज की दोनों फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद मेकर्स ने इसका तीसरा सीक्वल बनाने का फैसला किया है। बताया ये भी जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने जैसे ही सलमान के सामने टाइगर सीरीज का तीसरा सीक्वल बनाने की बात कही वैसे ही सलमान ने उसके लिए हाँ भर दी है। वहीं अभी टाइगर के मेकर्स ने आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से मना कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि तीसरे सीक्वल को लेकर अली अब्बास जफर की पूरी टीम इसकी तैयारी में जुट जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस साल के अंत तक फिल्म की कहानी को तैयार कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि टाइगर सीरीज की पहली फिल्म एक था टाइगर साल 2012 में आई थी। इसके बाद पिछले साल टाइगर जिंदा है रिलीज हुई। दर्शकों को सलमान और कैटरीना कैफ की ये फिल्म काफी पसंद आई। दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला। रेस 3 के बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के बाद सलमान खान ने अपनी हिट फ्रेंचाइजी एक था टाइगर सीरीज की तीसरी कड़ी बनाने की तैयारी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने फिल्म बनाने के लिए हामी भर दी है। बता दें टाइगर जिंदा है की 2 सीरीज सफल रही है, ऐसे में इसकी तीसरी कड़ी का फैंस को भी इंतजार है। टाइगर की नई कड़ी की कहानी क्या होगी इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर सलमान खान इस जासूसी ड्रामा फिल्म में टाइगर का किरदार निभाएंगे। सलमान इन दिनों भारत फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके बाद दबंग 3 की शूटिंग की तैयारी में हैं। इन दोनों फिल्मों के शेड्यूल पूरे होने के बाद सलमान टाइगर की नई कड़ी में जुड़ेंगे। बता दें कि पिछली दोनों ही फिल्मों में सलमान के साथ कैटरीना कैफ ही लीड एक्ट्रेस थी और इन दोनों की जोड़ी ने खूब धमाल मचाया था। ऐसे में संभव है कि इस सीरीज की तीसरी फिल्म में भी ये दोनों स्टार्स एक साथ पर्दे पर दिख सकते हैं। कैटरीना सलमान की जोड़ी इंडस्ट्री में हिट है, यही वजह है कि टाइगर जिंदा है के गाने स्वैग से स्वागत ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है का सॉन्ग स्वैग से स्वागत बहुत ही पॉपुलर हुआ। स्वैग से स्वागत बॉलीवुड की हिस्ट्री में यूट्यूब पर 500 मिलियन व्यूज मिलने वाला पहला सॉन्ग बन गया है। बता दें कि आज तक किसी भी इंडियन सॉन्ग को यूट्यूब पर 500 मिलियन व्यूज नहीं मिले हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्म ने कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए। फिल्म ने 6 दिनों के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। सलमान खान के फैंस के अंदर उनकी दीवानगी अभी भी खत्म नहीं हुई है। ईद पर इसी साल रिलीज हुई सलमान की ट्यूबलाइट बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, मगर टाइगर जिंदा है ने इसकी भरपाई कर दी है। पहला रिकॉर्ड टाइगर जिंदा है ने पहले ही दिन 33.75 करोड़ की कमाई की है। ये रिकॉर्ड इससे पहले आमिर खान की धूम 3 के नाम था। दूसरा रिकॉर्ड बॉलीवुड के दबंग खान 100 करोड़ क्लब के बादशाह माने जाते हैं। टाइगर जिंदा है भी इस क्लब में शामिल हो चुकी है। यही नहीं बल्कि सबसे तेजी से 150 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन चुकी है। तीसरा रिकॉर्ड अक्सर देखा जाता है रिलीज होने के बाद हर बढ़ते दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आती है, मगर ये बातें टाइगर जिंदा है के साथ लागू नहीं होती हैं। फिल्म ने तीसरे दिन 45.53 करोड़ की कमाई की जो किसी भी फिल्म द्वारा रिलीज के तीसरे दिन अभी तक नहीं की गई। चौथा रिकॉर्ड टाइगर जिंदा है रिलीज के बाद हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म 3 दिन के वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है। पांचवा रिकॉर्ड क्रिसमस के चलते वीकेंड और लंबा हो चला। फिल्म इस लंबे वीकेंड का फायदा उठाने में नहीं चूकी। फिल्म 4 दिन के वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। टाइगर जिंदा है पूरी तरह से सलमान खान की फिल्म है और जो उनको चाहने वाले हैं उनको इस फिल्म से किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी। उनकी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट की नाकामी को इस बार उनके फैंस पूरी तरह से भुला देंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहना जरूरी हो जाता है कि फिल्म सलमान के फैंस को ही लुभाएगी, बाकी लोगों के बारे में ये बात कहना थोड़ा मुश्किल होगा। टाइगर जिंदा है पूरी तरह से एक कमर्शियल फिल्म है। जाहिर सी बात है कि लॉजिक को कई बार बगल में रखा जाता है। अगर एक मिशन में रॉ और ISI के एजेंट एक साथ मिलकर उसको अंजाम दे सकते हैं तो इस फिल्म में कल्पना की उड़ान किस हद तक भरी गई है इस बात का अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में सिर्फ इसके आधार को छोड़कर सभी कुछ काल्पनिक है।
अब आते हैं इसकी स्टोरी पर। इस फिल्म की कहानी टाइगर के बारे में है, जो क्यूबा मिशन पूरा करने में ऑस्ट्रिया की बर्फीली वादियों में अपने परिवार के साथ शांत जिंदगी बिता रहा है। अब वो एक 8 साल के बच्चे का बाप भी बन चुका है, जब इराक के इरकिट शहर में ISI के आतंकवादी 40 नर्सेज को एक अस्पताल के अंदर बंधक बना लेते हैं, तब टाइगर का मिशन शुरू हो जाता है। नर्सेज के ग्रुप में कुछ एक पाकिस्तानी भी हैं, लिहाजा ये पूरा आगे चलकर मिशन रॉ और ISI का जॉइंट मिशन बन जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि टाइगर इस मिशन में सभी परेशानियों के ऊपर फतेह पाकर नर्सेज को वहां से छुड़ा लेता है और देश की लाज रखता है। तेजी से आगे बढ़ती कहानी। लगभग 2 घंटे 45 मिनट की ये फिल्म आपके धीरज का कई बार इम्तिहान लेगी, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म आपको ज्यादा बोर नहीं करती है, क्योंकि इस फिल्म के घटनाओं का घटनाक्रम काफी तेजी से चलता है। अगर ये फिल्म किसी वजह से देखने लायक है तो वो निश्चित रूप से इसके प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से, जो जाहिर सी बात है इसके बजट की वजह से ही आता है। धमाकेदार है फिल्म के एक्शन। फिल्म देखते वक्त वाकई में इस बात का एहसास होता है कि आप एक रेस्क्यू मिशन देख रहे हैं। निर्देशक अब्बास अली जफर की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने बड़े स्केल पर उन्होंने फिल्म बनाने की सोची और उसको एक अच्छा दिखने वाला रूप दिया। हिंदी फिल्मों के इतिहास में इससे पहले हम कई जासूसी वाली फिल्म देख चुके हैं, उसके मुकाबले इस फिल्म का कद काफी ऊंचा है। हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर। विदेशों में जिस तरह से स्पाई फिल्मों को बनाने का ढर्रा होता है, ये उसके काफी करीब है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि आखिरकार टाइगर जिंदा है एक बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म है, इसलिए लॉजिक को कहीं ना कहीं तो गोली मारनी ही पड़ेगी। दिल दहला देने वाले एक्शन सीक्वेंस। टाइगर को फिल्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उनके एक एक्शन सीक्वेंस में उनकी भिड़ंत एक खूंखार भेड़िए से होती है। अब पेपर पर इस बात में काफी दम लगता है, लेकिन इस सीन को फिल्माते वक्त निर्देशक इसमें जान नहीं डाल पाए। फास्ट कट्स और कैमरा मूवमेंट से आप किसी भी सीन में जान नहीं डाल सकते हैं, लेकिन इसी के साथ फिल्म में कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसे भी बन पड़े हैं जिसको देखने के बाद आपके मुंह से वाहवाही निकलती है। जब सलमान अपने हिंदुस्तानी एजेंट से मिलते हैं और वहीं पर एक बच्चा ह्यूमन बम के रूप में मिलता है, तब उसको बचाने के बाद जो एक्शन शुरू होता है वो काबिले तारीफ है। अगर बात करते हैं अभिनय की, तो सलमान खान के बारे में यही कहूंगा कि वो अपनी पिछली फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में काफी सुधरे हुए नजर आते हैं। फिल्म के कई सीन्स में स्लिप वॉक कर जाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है और टाइगर जिंदा है कोई अपवाद नहीं है। एक्शन सीन्स में वो विश्वसनीय लगते हैं, लेकिन कटरीना कैफ इस फिल्म में बाकी कलाकारों के मुकाबले पूरी तरह से उभर कर सामने आती हैं, बावजूद इसके कि उनका रोल इस फिल्म में इतना बड़ा नहीं है। उनके एक्शन सीन्स कमाल के हैं और उनकी मेहनत साफ नजर आती है। महज उनके एक्शन अंदाज को देखकर आपका पैसा वसूल हो जाएगा। अंगद बेदी और कुमार मिश्रा सलमान की टीम के सदस्य हैं और उनका काम भी ठीक है। अब्बू उस्मान के रोल में सज्जाद डेलफ्रूज हैं और उनका काम भी काफी सदा हुआ है। और अब एक नज़र इस साल की सफल फिल्मों पर। पद्मावत 300 करोड़, पैडमैन 80 करोड़, सोनू के टीटू की स्वीटी 101 करोड़, रेड 98 करोड़, हिचकी 47 करोड़, बागी 2 161 करोड़, अक्टूबर 41 करोड़, 102 नॉट आउट 43 करोड़, राजी 122 करोड़, परमाणु 65 करोड़, वीरे दी वेडिंग 80 करोड़, रेस 3 165 करोड़ और संजू अनुमानित 350 से 375 करोड़। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप भी सलमान के साथ कटरीना कैफ को ही टाइगर जिंदा है के तीसरे सीक्वल में देखना चाहते हैं? अगर हम बात करते हैं टाइगर जिंदा है के पहले सॉन्ग स्वैग से करेंगे सबका स्वागत की, तो एक हफ्ते के जमकर प्रमोशन के बाद आखिरकार अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है का ये सॉन्ग रिलीज कर दिया था। रिलीज के 24 घंटे के भीतर इस ट्रेलर को 29 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे, जो अपने आप में ही रिकॉर्ड तोड़ है। मेकर्स ने दावा किया था कि टाइगर जिंदा है ने पिछले सभी फिल्मों के ट्रेलर व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डायरेक्टर अली अब्बास जफर की ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हो गई थी। क्यों है ये सॉन्ग इतना खास? फिल्म के एक क्रू मेंबर के मुताबिक इस गाने से ही फिल्म के शूट को रैप अप किया गया था। इस गाने के लिए दिन में हम जी जान से मेहनत करते थे और शाम को सलमान कैटरीना के साथ जमकर पार्टी करते थे, जिसमें बेहतरीन म्यूजिक भी शामिल होता था। तो असल में ये गाना हमारी पूरी शूटिंग टीम के लिए एक पार्टी थी, जिसका पूरा क्रेडिट सलमान और कैटरीना को जाता है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइगर जिंदा है के बारे में। टाइगर जिंदा है सीक्वल है एक था टाइगर की, और एक था टाइगर फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा कलेक्शन किया था। और अब बारी है टाइगर जिंदा है की। टाइगर जिंदा है इंडियन स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा है अली अब्बास जफर और नीलेश मिश्रा ने,
और डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। निलेश मिश्रा एक इंडियन जर्नलिस्ट, ऑथर, रेडियो स्टोरी टेलर, स्क्रिप्ट राइटर और लिरिकिस्ट हैं। निलेश जाने जाते हैं अपने रेडियो शो यादों का इडियट बॉक्स विद निलेश मिश्रा ऑन बिग एफएम 92.7। ये को-फाउंडर एडिटर हैं गॉन कनेक्शन इंडिया रूरल न्यूज़पेपर। अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान मूवी डायरेक्ट की थी सलमान के साथ। टाइगर जिंदा है सीक्वल है फिल्म एक था टाइगर की, जो 2012 में रिलीज हुई थी, और ये फिल्म टाइगर की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। टाइगर जिंदा है में सलमान खान, कैटरीना कैफ और सज्जाद डेला फ्रूज लीड रोल में है। सलमान खान ये नाम तो सब जानते हैं, लेकिन सलमान खान का रियल नेम बहुत कम लोग जानते हैं। सलमान का रियल नेम है अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। सलमान खान और कैटरीना कैफ 5 साल बाद हमें फिर से एक साथ देखने को मिलेंगे। इससे पहले इन दोनों ने एक साथ एक था टाइगर फिल्म की थी 2012 में। फिल्म में सज्जाद डेला फ्रूज विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। सज्जाद एक ईरानियन एक्टर हैं और शादीशुदा हैं। इससे पहले सज्जाद बेबी फिल्म में डॉक्टर के रोल में नजर आए थे। अब देखना यह है कि फिल्म में आगे क्या होता है और एक इंडियन टाइगर के सामने कितना टिक पाता है ईरानियन टाइगर। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। सलमान खान और कैटरीना कैफ 5 साल बाद फिर से एक साथ आ रहे हैं अपनी पांचवी कोलैबोरेशन को लेके। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म एक था टाइगर के मुकाबले फिल्म में डबल फन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। फिल्म में एक्शन, रोमांस और भाईजान के दमदार डायलॉग्स भी सुनने को मिलेंगे। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और स्टोरी है उन 25 नर्सों की जिसे अबू इस्मान ने किडनैप कर लिया था। तो बात आती है कि छुड़ा के लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर यानी कि सलमान खान का। फिल्म की स्टोरी टोटली फ्रिक्शन है क्योंकि असल में उन 25 नर्सों को छोड़ दिया जाता है, कोई बचाने नहीं जाता, लेकिन फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ बचाने जाते हैं। ट्रू इवेंट में यह था कि 25 नर्सों को ISI ने टिक्रिक इराक में एब्यूडेंट किया था और बाद में छोड़ दिया था, और इसी स्टोरी लाइन पे मलयालम की फिल्म टेक ऑफ बनी है। टेक ऑफ एक इंडियन ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी जिसको लिखा है महेश नारायण और PV ने और डायरेक्ट किया है महेश नारायण ने। फिल्म की स्टोरी ट्रू स्टोरी बेस्ड है और ये बात है 2014 की, जब नर्सों को एब्यूडक्शन किया गया था टिक्रिक इराक में। महेश नारायण इस फिल्म से अपना पहला डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म का बजट था 25 करोड़ और ये फिल्म 24 मार्च 2017 को रिलीज हुई थी। सलमान की एंट्री और एक्शन इट्स अमेजिंग। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सलमान खान को इतने इंटेंस लुक में पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर में सलमान और कैटरीना दोनों ही एक्शन करते नजर आ रहे हैं। ट्रेलर देख के लगता है कि हमें फिर से एक बार एक्शन देखने को मिल सकता है। एक था टाइगर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन पब्लिक को टाइगर जिंदा है से और हाई एक्सपेक्टेशन है। फिल्म की रिलीज से पहले ही टाइगर जिंदा है ने पद्मावती को पछाड़ दिया है। टाइगर जिंदा है ने पद्मावती को ट्रेलर व्यूज में पीछे कर दिया है। टाइगर जिंदा है का ट्रेलर व्यूज 24 घंटे में 20 मिलियन से ज्यादा था और फेसबुक और यूट्यूब को मिलाकर ट्रेलर को लगभग 30 मिलियन व्यूज मिले हैं, जो कि एक न्यू रिकॉर्ड है बॉलीवुड के लिए। फिल्म के ट्रेलर ने ऐसे बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि ट्रेलर बन गया है सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला यूट्यूब वीडियो। 24 घंटे में 6.5 लाख लाइक्स मिले हैं यूट्यूब पे। यही नहीं बल्कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं। यही नहीं बल्कि ट्विटर और फेसबुक पे भी ट्रेलर ने रिकॉर्ड बनाया है, जैसे कि फेसबुक पे 2 लाख से अधिक शेयर मिले हैं 24 घंटे में। और भी बहुत से रिकॉर्ड है इस ट्रेलर के नाम। फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटे में 6.5 लाख लाइक मिल चुके हैं, जिसने बाहुबली के हिंदी ट्रेलर को पीछे कर दिया है। सलमान खान की फिल्मों में से ये पहली फिल्म है जिसका ट्रेलर 24 घंटे में 30 मिलियन गया है, मतलब कि सलमान ने अपने सभी पिछले मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। टाइगर जिंदा है का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों की बेसब्री को और बढ़ा दिया है। मंगलवार को जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, वैसे ही ये सोशल मीडिया पर नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड करने लगा। और मेकर्स का ये दावा है कि टाइगर जिंदा है ने पिछले सभी फिल्मों के ट्रेलर व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टाइगर जिंदा है का ट्रेलर धमाकेदार एक्शन से भरा हुआ है, जिसमें सलमान खान गोलीबारी, घुड़सवारी, दिमागी खेल, कैटरीना के साथ रोमांस और जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। फिल्म में एक्शन तो है ही, लेकिन फिल्म में एक सीन में सलमान बर्फीली पहाड़ियों में वुल्फ से भी लड़ते नजर आएंगे। दिसंबर में 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी, टाइगर जिंदा है और पद्मावती, लेकिन पद्मावती की रिलीज डेट शिफ्ट हो गई है विवादों के चलते।
पद्मावती एक इंडियन पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसको लिखा है संजय लीला भंसाली ने और डायरेक्ट किया है संजय लीला भंसाली ने। पद्मावती में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर लीड रोल में हैं। पिछले महीने फिल्म पद्मावती का ट्रेलर रिलीज हुआ था और 24 घंटे में ट्रेलर को सिर्फ 15 मिलियन ही व्यूज मिले हैं। वही 24 घंटे के अंदर सलमान की फिल्म ने पद्मावती के ट्रेलर से 2 गुने व्यूज पाए हैं। इस लिहाजा से देखा जाए तो टाइगर जिंदा है ने ट्रेलर के मामले में शाहिद, दीपिका और रणवीर की फिल्म को पछाड़ दिया है। पद्मावती काफी चर्चे में थी, कभी कास्ट को लेके तो कभी सेट पे हुए हंगामे को लेके, और आए दिन पद्मावती से रिलेटेड न्यूज सुनने को मिलता रहता है। फिल्म में इन्वॉल्वमेंट से बहुत से एक्टर्स ने मना कर दिया है, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान और भी बहुत से। फिल्म इंडस्ट्री के लोग काफी नाराज है जो भी फिल्म को लेके विरोध हो रहा है, लेकिन सभी फिल्मी जगत के महान हस्ती भंसाली के सपोर्ट में है। टाइगर जिंदा है में और पद्मावती में एक कॉमन बात है, दोनों ही फिल्म में अनुप्रिया नजर आएंगी। पद्मावती में रानी नागमती के किरदार में, टाइगर जिंदा है में एक नर्स के किरदार में। सलमान ने फिल्म के एक्शन सीन के बारे में खुलासा किया कि फिल्म के एक्शन सीन को डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड की टीम टॉमस थ्रूथर की हेल्प ली गई है, ताकि एक्शन सीन्स को एक अलग लेवल मिल सके। फिल्म में घोड़े, टैंक और बड़े हथियार यूज किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आर्मी मिलिट्री की ड्रॉपबैक भी है। टॉमस थ्रूथर एक एक्शन डायरेक्टर है और एक्शन सीन्स के लिए बहुत मशहूर भी हैं। उन्होंने इंसेप्शन, बैटमैन डार्क नाइट और भी बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की हैं। ट्रेलर में सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि रोमांस भी देखने को मिलेगा हमें सलमान और कैटरीना का। ट्रेलर में एक सीन में सलमान खान हॉर्स राइडिंग करते हैं और उस घोड़े का नाम है वाडो, जो कि एक हाईली ट्रेन और हाईली स्किल घोड़ा है। सलमान के मोरक्को में शूट का शेड्यूल था 11 दिन और उसी में सलमान को घोड़े से दोस्ती करनी थी और उसके साथ स्टंट करना था, और सलमान ने केवल 3 दिन में ही घोड़े से दोस्ती कर ली। टाइगर जिंदा के ट्रेलर की चर्चा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद हॉलीवुड के रैम्बो सिल्वेस्टर स्टैलोन ने ट्वीट करके कहा कि वो बहुत इंप्रेस्ड है एक्शन सीन्स देख के। सिर्फ वही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार भी काफी इंप्रेस्ड है सलमान के एक्शन से। फिल्म के प्रमोशन के लिए सलमान के फैन ने भी सलमान की हेल्प की है। फैन के पास एलईडी टीवी का शोरूम है और दिन भर शोरूम में ट्रेलर चलता रहता है। अब जो भी आता है ट्रेलर जरूर देखता है, तो सलमान के फैंस ऐसे कर रहे हैं सलमान की फिल्म का प्रमोशन। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों रॉ एजेंट हैं। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है कि सलमान जो कि इंडियन रॉ एजेंट है और कैटरीना जो कि पाकिस्तानी रॉ एजेंट है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं अपने अपने तरीके से। अब देखना ये होगा कि ये लोग कब और कहां कैसे मिलते हैं और कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है, या फिर फिल्म में आगे क्या होता है, अब ये तो नेक्स्ट ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में सलमान खान पहली बार बियर्ड लुक में नजर आएंगे और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सलमान ने अपना वेट लूज किया है, इसलिए सलमान पहले से यंग और डैशिंग लग रहे हैं। सलमान के फैंस का मानना है कि जो उन्हें नॉन मैचो के अवतार में स्वीकार करने में असमर्थ थे, तो ट्यूबलाइट के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन ने सबको ये दिखा दिया है कि भाई नॉन मैचो के अवतार में भी हिट थे। टाइगर ने अपने फैंस के लिए किया वादा कि वो इस बार हाई ऑक्टेन स्टंट के साथ आएंगे। टाइगर जिंदा है 5 देशों में शूट हुई है, इंडिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, अबू धाबी, पेरिस और मोरक्को। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक था टाइगर भी 5 देशों में ही शूट हुई थी, जैसे कि इंडिया, टर्की, रीलैंड, क्यूबा और थाईलैंड में। फिल्म का पहला शूट लोकेशन था ऑस्ट्रिया के ट्रायोल में और सलमान खान की युवराज मूवी का भी पहला शूट लोकेशन था ऑस्ट्रिया ट्रायोल। सलमान ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही फिल्म के लिए हाँ कह दिया जब उन्हें पता चला कि ये फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल है। फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ को काफी स्टंट सीक्वेंसेस करने पड़ रहे हैं और इसीलिए दोनों कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के वक्त सलमान ने बताया कि मुझे कैटरीना के साथ काम करके मजा आ रहा है। कैटरीना अपने रोल को प्रिपेयर करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही हैं और फिल्म में मैक्सिमम स्टंट वो खुद कर रही हैं। मिड डे न्यूज की बात माने तो अली अब्बास जफर को सलमान और कैट पर पूरा भरोसा है कि अगर फिल्म में ये दोनों रहे तो फिल्म जरूर सुपर डुपर हिट जाएगी। फिल्म में सलमान खान 125 करोड़ फीस ले रहे हैं और वही कैटरीना कैफ 20 करोड़ और फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर 5 करोड़ फीस ले रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट है 22 दिसंबर। फिल्म में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैकियम ने। टाइगर जिंदा को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और प्रेजेंट कर रहे हैं YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। फिल्म में टोटल 5 सॉन्ग है। फिल्म का हाल ही में एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका नाम है स्वैग से करोगे सबका स्वागत। स्वैग से करोगे सबका स्वागत को लिखा है इरशाद और कामिल शेखर ने।
और गाया है विशाल डडलानी और नेहा भासिन ने। स्वैग से करोगे सबका स्वागत का शूट ग्रीस में हुआ था और इस अकेले गाने का बजट काफी हाई है। स्वैग से करोगे सबका स्वागत में सलमान खान और कैटरीना कैफ दोनों डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया है वैभवी मर्चेंट ने। बॉलीवुड हिस्ट्री में पहली बार सलमान खान ने सब जीरो डिग्री पे फाइट सीन शूट किया है। फिल्म में रियल मिलिट्री वेपन्स यूज किए गए हैं और एक फाइट सीन में सलमान खान MG-42 के साथ दिखाए गए हैं, जिसका वेट है 25 से 30 किलो। मूवी के लिए सलमान खान ने 20 किलो वेट लूज किया है अपना। फिल्म के लिए कैटरीना ने स्पेशली स्वॉर्ड सीखा है एक्शन सीक्वेंसेस के लिए। सलमान की ये सेकंड फिल्म थी यशराज प्रोडक्शन के साथ और सलमान की पहली फिल्म थी एक था टाइगर। फिल्म में सलमान खान ने 125 करोड़ रुपए लिए हैं और इसी के साथ सलमान बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए हैं। टाइगर जिंदा है इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है और इसी की वजह से आगे का रास्ता पूरा साफ रखा गया था, लेकिन सलमान खान से टक्कर लेने के लिए हॉलीवुड के पूर्व रेसलर ड्वेन जॉनसन सामने आ रहे हैं। ड्वेन जॉनसन एक एक्टर, प्रोड्यूसर और प्रोफेशनल रेसलर है। ड्वेन जॉनसन अपनी फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल लेके आ रहे हैं। जुमांजी की रिलीज डेट है 29 दिसंबर और टाइगर जिंदा है की रिलीज डेट है 22 दिसंबर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। फिल्म को आने में अभी एक महीना है और अभी से फिल्म की एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है और मुझे जहां तक लगता है कि स्टार्टिंग का एक वीक हाउस फुल जाएगा। वैसे आपको बता दें कि फिल्म की बुकिंग सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही शुरू की गई है। सलमान है मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड स्टार, ऑल ओवर में सलमान के सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं और इस लिस्ट में बाहुबली के सक्सेस के बाद प्रभास 7वें नंबर पर आते हैं। अपनी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बनाने में सलमान कोई भी कमी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि फिल्म में सलमान का कोई भी डांस नहीं होगा। ट्यूबलाइट के फ्लॉप के बाद लोगों को लगता है कि सलमान को इस उम्र में डांस सूट नहीं करता और सलमान इस बात को लेकर काफी सीरियस है। उनके आने वाली किसी भी फिल्म में हमें सलमान का डांस देखने को नहीं मिलेगा। सूत्रों की माने तो सलमान ने डायरेक्टर अली अब्बास जफर को पहले ही मना कर दिया था कि फिल्म में कोई भी इंटीमेट सीन नहीं होना चाहिए। सलमान नहीं चाहते कि फिल्म में इंटीमेट सीन की वजह से या किसी भी सीन की वजह से दर्शकों का ध्यान भटके। वो चाहते हैं कि दर्शक फिल्म के प्लॉट पर ज्यादा ध्यान दे। फिल्म का सबसे लंबा शेड्यूल था अबू धाबी में और वो था 65 दिन का और ये हिंदी फिल्म्स के लिए सबसे लंबा शेड्यूल है। वाडो के एक फिल्म का चार्ज है 2 करोड़ रुपए और इसने बहुत से हॉलीवुड फिल्मों में स्टंट्स किए हैं। सलमान खान के फैंस के लिए क्या है फिर से गुड न्यूज? टाइगर जिंदा है का सीक्वल कब रिलीज होगा? टाइगर जिंदा है सीक्वल फिल्म का नाम क्या होगा? फिल्म की स्टोरी क्या होगी और बॉलीवुड की वो पहली कौन सी मूवी थी जिसका सीक्वल बना था? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, सलमान खान की तरफ से एक गुड न्यूज है उनके फैंस के लिए। आप सभी को 2012 में आई फिल्म एक का टाइगर तो याद होगा ही। फिल्म में थे सलमान खान और कैटरीना कैफ। उसके बाद उस फिल्म का सुपरहिट ब्लॉकबस्टर सीक्वल टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है सलमान खान की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों में से एक है। ताबड़तोड़ एक्शन से सजी इन फिल्मों में सलमान खान ने रॉ एजेंट का रोल निभाया था। यशराज की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। अब इसी फ्रेंचाइजी से जुड़ी एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर होश ना उड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन खुशी तो जरूर होगी। नई फिल्में कम बन रही हैं लेकिन सीक्वल्स एक के बाद एक रिलीज होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी रेस 3 को ही देख लेते हैं और फिर गोलमाल, राउडी राठौर 2, हाउसफुल 4 और भी बहुत सी। अब ऐसे में सलमान खान कैसे पीछे रहेंगे? लेकिन क्या आपको याद है कि वो पहली मूवी कौन सी थी जिसका सीक्वल बना था? शायद नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो फिल्म थी हंटर वाली 1935। उसके बाद आई हंटर वाली की बेटी 1943, मतलब कि 8 साल बाद। फिल्म में लीड रोल में थी फियरलेस नादिया। ये एक ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी जिनका नाम था मैरी एन इवांस, जो 5 साल की उम्र में 1913 में अपने फादर के साथ इंडिया आई थी, लेकिन वापस चली गई। उसके पीछे एक लंबी कहानी है और वो है वर्ल्ड वॉर की। तो उस टॉपिक पे ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। 1915 में वापस जाने के बाद 1928 में दोबारा इंडिया आई। उन्होंने अपना नाम बदल कर नादिया रखा। हंटर वाली के बाद फिल्म आई जेवल थीफ 1967 और सीक्वल था रिटर्न ऑफ जेवल थीफ 1996। उसके बाद सीक्वल आते गए जैसे कि अखियों के झरोके, डॉन, नागिन और भी बहुत सी। तो हम बात कर रहे थे टाइगर जिंदा है की और सलमान खान की। ये फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 के एंड में रिलीज हुई थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पे काफी
काफी कामयाब फिल्म थी। टाइगर जिंदा है के बाद फैंस इसके सीक्वल की भी मांग करने लगे और बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस 3 के प्रमोशन के दौरान सलमान खान से जब पूछा गया कि क्या उनके हिट फिल्म टाइगर जिंदा है का सीक्वल भी बनने जा रहा है, तो इस पर सलमान खान ने कहा कि उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी है और उन्हें बहुत पसंद आई है, लेकिन अभी इस फिल्म में टाइम लग जाएगा। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जो बैक टू बैक फिल्म्स करने में बिजी हैं, जैसे कि रेस 3, भारत, डांसिंग डैड, दबंग 3 और उसके बाद किक 2। इन फिल्मों के बाद कहीं टाइगर जिंदा है का सीक्वल बनने का चांस है। सलमान खान कितने मजाकिया हैं वो तो हम सभी जानते हैं। सलमान खान से जब उस फिल्म का नाम पूछा गया तो उन्होंने फिल्म का नाम भी बता दिया। सलमान खान ने कहा कि टाइगर जिंदा है के सीक्वल का नाम जोया जिंदा है। अब चाहे आप इसे सलमान खान का मजाक समझकर मुस्कुरा ले या फिर उनके इशारों को समझ ले, मजाक मजाक में ही सही, उन्होंने ये तो बता दिया कि सीक्वल बन सकता है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यशराज फिल्म्स की ओर से फिल्म के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है। बात करें कि फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है, आपको याद होगा कि टाइगर जिंदा है के आखिरी हिस्से में जोया यानी कि कैटरीना कैफ की मौत दिखाई गई थी। सभी लोग जोया को मरा हुआ मान लेते हैं, जबकि लास्ट में हम देखते हैं कि असल में सलमान खान जोया को बचा लेते हैं और उसे छिपा कर रखते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहीं से टाइगर जिंदा है के सीक्वल की कहानी आगे बढ़ सकती है, लेकिन और नया क्या हमें देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे में फैंस के मन में भी बहुत से सवाल उठ रहे होंगे इस फिल्म को लेके कि इस फिल्म में क्या सलमान खान और उनकी टीम फिर से किसी मिशन पे जाएंगे, और अगर जाएंगे तो मिशन क्या होगा, क्या फिर से इस फिल्म में भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक होकर एज अ टीम काम करेगी। सवाल तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब वक्त आते आते क्लियर करेंगे। बात करें सलमान खान की तो सभी जानते हैं कि सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म रेस 3 के प्रमोशन में बिजी हैं और रेस 3 15 जून को रिलीज हो रही है। फिल्म को रिलीज होने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। अब ऐसे में ये फिल्म अपने पहले दिन कितने का कलेक्शन करती है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, ये भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में और कलेक्शन के बारे में? आज हम आपको टाइगर जिंदा है के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहते हैं। टाइगर जिंदा है एक इंडियन इंस्पायर्ड थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा है आदित्य चोपड़ा ने और डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। अली अब्बास जफर ने प्रॉमिस किया है कि इस बार टाइगर और जोया की स्टोरी बड़ी और बेहतर होगी। अली अब्बास जफर ने इससे पहले सुल्तान मूवी डायरेक्ट की थी सलमान खान के साथ। फिल्म टाइगर जिंदा है सीक्वल है एक था टाइगर की जो 2012 में आई थी, और ये फिल्म टाइगर फिल्म की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। टाइगर जिंदा है में सलमान खान, कैटरीना कैफ, परेश रावल और सुदीप लीड रोल में हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ 5 साल बाद हमें फिर से एक साथ देखने को मिलेंगे। इससे पहले इन दोनों ने एक साथ एक था टाइगर फिल्म की थी 2012 में और पब्लिक इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड है। इस फिल्म में 5 साल बाद एक्स लवर एक साथ देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में सुदीप संजीव नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। सुदीप संजीव एक इंडियन एक्टर, फिल्म मेकर और टेलीविजन प्रेजेंटर हैं। ये जाने जाते हैं अपने कन्नड़ सिनेमा की वजह से, सिर्फ कन्नड़ ही नहीं बल्कि तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्म्स के लिए भी जाने जाते हैं। सुदीप को अपनी फिल्म हुच्चा, नंदी और स्वाति मुथु के लिए लगातार 3 वर्षों तक फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर कर्नाड़ का अवार्ड मिला है, और सुदीप बिग बॉस रियलिटी शो होस्ट करते हैं कन्नड़ वर्जन में। और इस फिल्म में साइड रोल में है गिरीश कर्नाड, अंगद बेदी, कुमुद मिश्रा, नवाब शाह। बरसों से सलमान खान बॉलीवुड के लार्जर देन लाइफ हीरो के प्रतीक बन गए हैं। फैंस का मानना है कि उनके बिलव भाई ने दर्जनों को अकेले ही हराया है, जो उन्हें नॉन मैचों के अवतार में स्वीकार करने में असमर्थ है। तो ट्यूबलाइट के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन ने सबको दिखा दिया है कि भाई नॉन मैचों के अवतार में भी सुपर हिट है। सलमान खान की अगली फिल्म है टाइगर जिंदा है, और टाइगर ने अपने फैंस के लिए प्रॉमिस किया है कि ही इज कमिंग विद हाई ऑक्टेन स्टंट्स। इस मूवी के कुछ सीन शूट हुए हैं ऑस्ट्रिया, अबू धाबी और पेरिस में। ऑस्ट्रेलिया का शूट पूरा हो गया है और पूरी फिल्म शूट करने के लिए टाइगर की टीम दुनिया की ग्लोबल ट्रॉट कर रही है। इस बात को जान के आपको हैरानी होगी कि इस फिल्म को करने के लिए सलमान खान ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही हाँ कह दिया। जब उन्हें बताया गया कि फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल बन रहा है तो सलमान खान ने बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ कह दिया। इस मूवी के लिए सलमान खान को अपना वेट लॉस करना पड़ा क्योंकि इस फिल्म की डिमांड थी एक लीन लुक कैरेक्टर की, तो सलमान खान ने जिम शुरू कर दिया है वेट लॉस करने के लिए। और बैंड्रा के जिस फेमस रेस्टोरेंट में सलमान अक्सर खाना खाने जाते हैं, उस रेस्टोरेंट के शेफ से बोल दिया गया है कि जब भी सलमान आए तो उन्हें सिर्फ लो कैलोरीज वाला चिकन ही दिया जाए। इस फिल्म में जोया
यानी कैटरीना कैफ को भी काफी स्टंट सीक्वेंसेस करने पड़ेंगे, जिसके लिए कैटरीना कैफ भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही हैं। और अगर हम मिड डे न्यूज की बात माने तो अली अब्बास जफर को सलमान और कैटरीना पे पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि पोटेंशियली दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और दोनों का ऑडियंस कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। उनका कहना है कि ये मूवी हिट ही नहीं बल्कि सुपर डुपर हिट जाएगी। इस फिल्म में सलमान खान 125 करोड़ फीस ले रहे हैं और वहीं कैटरीना कैफ 20 करोड़ और इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर 5 करोड़ फीस ले रहे हैं। फिल्म का पोस्टर लॉन्च हो चुका है जिसमें सलमान खान अभी तक के एक्सट्रीम एक्शन लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर देख के लगता है कि इस फिल्म में हमें फिर से एक्शन देखने को मिल सकता है। एक था टाइगर, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन पब्लिक को टाइगर जिंदा है फिल्म से और हाई एक्सपेक्टेशन है। सलमान खान ने फिल्म के एक्शन सीन्स के बारे में खुलासा किया कि फिल्म के एक्शन सीन्स को डिजाइन करने के लिए हॉलीवुड की टीम टॉम स्ट्रूथर्स की हेल्प ली है ताकि एक्शन सीन्स को एक अलग लेवल मिल सके। टॉम स्ट्रूथर एक्शन डायरेक्टर हैं और अपने एक्शन सीन्स के लिए काफी मशहूर भी, और उन्होंने इंसेप्शन, बैटमैन डार्क नाइट और भी बहुत सी फिल्में डायरेक्ट की हैं। इस फिल्म की स्टोरी अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन सलमान ने ये भी खुलासा किया है कि ये फिल्म एक असली घटना से प्रेरित है। इस फिल्म की रिलीज डेट है 22 दिसंबर और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने और बैकग्राउंड स्कोर दिया है जूलियस पैकियम ने। टाइगर जिंदा है को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और प्रेजेंट कर रहे हैं YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। कितना रहा टाइगर जिंदा है का 8वें हफ्ते का कलेक्शन, कितना रहा पद्मावत का अब तक का टोटल कलेक्शन, क्या पैडमैन 100 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी इंडियन बॉक्स ऑफिस पे, ब्लैक पैंथर ने कितने का कलेक्शन किया इंडियन बॉक्स ऑफिस पे और वर्ल्ड वाइड में, और क्या टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। साथ ही जानेंगे बॉलीवुड हलचल और पढ़ेंगे लोगों द्वारा पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब देंगे इस वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है का बॉक्स ऑफिस पर सफर अभी भी जारी है। फिल्म की कमाई बहुत ही धीमी हो चुकी है, लेकिन सलमान खान के फैंस के बीच फिल्म की कमाई जानने का क्रेज अभी भी बरकरार है। वैसे भी टाइगर जिंदा है सलमान खान की अब तक की सबसे कामयाब फिल्म बन चुकी है। दिलचस्प है कि सलमान खान की टाइगर जिंदा है रशिया में भी रिलीज हो चुकी है। अगर बात करें इंडियन कलेक्शन की तो फिल्म ने पहले हफ्ते कलेक्शन किया था 206 करोड़ 4 लाख का, दूसरे हफ्ते 85 करोड़ 51 लाख, तीसरे हफ्ते 27 करोड़ 31 लाख, चौथे हफ्ते 10 करोड़ 89 लाख, पांचवे हफ्ते 5 करोड़ 81 लाख, छठे हफ्ते 2 करोड़ 63 लाख, सातवे हफ्ते 89 लाख, आठवे हफ्ते 8 लाख और इस फिल्म का अब तक का टोटल नेट कलेक्शन होता है 339 करोड़ 16 लाख। और बात करें इंडियन टोटल ग्रॉसर की तो वो है 434 करोड़ 82 लाख। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने बिजनेस किया है 545 करोड़ 82 लाख। ये फिल्म 15 फरवरी को रशिया में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को सिर्फ 70 स्क्रीन्स मिले थे और वही बाहुबली द कंक्लूजन को 300 स्क्रीन्स मिले थे। देखा जाए तो रशिया इतनी बड़ी मार्केट नहीं है मूवीज के लिए, मूवीज के कलेक्शन के लिए। जो सबसे बड़ी मार्केट है मूवीज के लिए वो है चाइना और उसके बाद है इंडिया। इंडिया में लगभग 6000 स्क्रीन्स है और लगभग 2200 मल्टीप्लेक्स। रशिया में टोटल 4200 स्क्रीन्स है जिनमें सिर्फ 70 स्क्रीन्स मिले हैं टाइगर जिंदा है को। तो रशिया में पहले हफ्ते कलेक्शन किया है टाइगर जिंदा है ने 5 लाख का। क्या पीके का रिकॉर्ड टूट पाया या नहीं? तो दोस्तों बिल्कुल पीके का रिकॉर्ड टूट चुका है। अगर पीके की लैंग्वेज में बोले तो पीके का रॉन्ग नंबर लग गया है। बात करते हैं 2018 में रिलीज हुई फिल्म्स और उनके कलेक्शन की तो 2018 की सबसे पहली फिल्म थी 1921। फिल्म का बजट था 15 करोड़। फिल्म ने कलेक्शन किया 23 करोड़ 4 लाख। कालाकंडी, फिल्म ने कलेक्शन किया 11 करोड़। मुक्केबाज, फिल्म ने कलेक्शन किया 11 करोड़। माय बर्थडे सॉन्ग, कलेक्शन 80 करोड़। वोट का डायरी, कलेक्शन 1 करोड़ 26 लाख। बात करते हैं पद्मावत, पैडमैन और ब्लैक पैंथर के कलेक्शन के तो फिल्म पद्मावत ने कलेक्शन किया था 19वें दिन 3 करोड़ 75 लाख, 20वें दिन 4 करोड़ 50 लाख, 21वें दिन 2 करोड़ 50 लाख और 22वें दिन 1 करोड़ 50 लाख। और इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 269 करोड़ 25 लाख। पैडमैन ने पहले हफ्ते कलेक्शन किया था 63 करोड़ का और अगर दूसरे वीक की बात करें तो फिल्म ने 13 दिन में कलेक्शन किया है 75 करोड़ 80 लाख का और फिल्म का इंडियन ग्रॉसर कलेक्शन है 101 करोड़। बात करते हैं फिल्म ने ओवरसीज में कितना कलेक्शन किया तो इस फिल्म ने ओवरसीज में 13 दिन में कलेक्शन किया है 30 करोड़ का। अब बात करते हैं हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्लैक पैंथर की। फिल्म ने कितने का कलेक्शन
किया इंडिया में। तो फिल्म रिलीज हुई थी इंडिया में 16 फरवरी को और इस फिल्म का बजट था 200 मिलियन डॉलर्स, मतलब कि लगभग 1280 करोड़। तो इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया है 4 दिनों में 22 करोड़ 60 लाख का और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3215 करोड़ का। अब बात करते हैं बॉलीवुड हलचल की। तो अभिषेक कपूर ने कहा कि शाहरुख खान जीरो में लग रहे हैं एलियन। अभिषेक कपूर जो कि डायरेक्टर हैं केदारनाथ के और उन्होंने कई फिल्मों के बारे में नेगेटिव बोला है, जैसे कि जीरो से बेहतर है केदारनाथ। धड़क के बारे में बोला कि साउथ की मिक्सिंग है। और भी बहुत सी फिल्मों के बारे में बोला इन्होंने। 60 साल की महिला बनेगी तापसी पन्नू और कृति सैनन। तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म वुमानिया जिनमें कृति सैनन भी नजर आएंगी। शाहरुख खान फैंस के लिए एक गुड न्यूज, दिसंबर में शुरू करेंगे शाहरुख खान डॉन 3 की शूटिंग। शाहरुख खान इन दिनों बिजी है जीरो में, इसलिए डॉन 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी दिसंबर में। इरफान खान हुए बीमार और जिसकी वजह से उनके सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होल्ड पर चले गए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इरफान खान ठीक हो और अपने कमिटमेंट्स पूरे करें और अच्छी से अच्छी फिल्म हमें दें। बन सकती है आशिकी 3। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अपोजिट नजर आएंगी आलिया भट्ट। दीपिका को दिए थे भंसाली ने 500 रुपए का नोट। पद्मावत के जौहर सीन में दीपिका के बेहतरीन एक्ट से इंप्रेस होके फिल्म के डायरेक्टर ने दिए थे 500 रुपए दीपिका को। तो दोस्तों अब बारी है उस सेक्शन की जहां हम और आप मिलते हैं, मेरा मतलब है कि कमेंट सेक्शन की। तो सबसे पहला कमेंट है सैयद मोहम्मद का, सुपर वीडियो भाई, ओम शांति ओम का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है। दोस्त धन्यवाद कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी। और हम आपको बता दे दोस्त, फिल्म का बजट था 35 करोड़ और फिल्म ने कलेक्शन किया था 150 करोड़ का। अगला कमेंट है बबरू स्वेद, हॉलीवुड की सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी कौन सी है। दोस्त उस फिल्म का नाम है द हॉर्बिट ट्रायोलॉजी। उस फिल्म का बजट है लगभग 650 मिलियन डॉलर्स और अगर इंडियन रुपीज में देखे तो लगभग 4480 करोड़। मुस्ताफी जुर रहमान, उनका कहना है कि हमें इस तरह की बॉलीवुड खबरें देने के लिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्रिस 4 के बारे में कुछ खबर है तो जरूर बताना। दोस्त सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपको हमारा चैनल और इस चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं और हमारी टीम की भी यही कोशिश रहती है। दोस्त अगर बात करें क्रिस 4 की तो ये फिल्म 2020 में रिलीज होगी। अगला कमेंट है गुड खान, थैंक्स अंकित भाई। हमारे हीरो SRK की मूवी बादशाह की सीक्वल बादशाह 2 भी बननी चाहिए, वो भी न्यू मिशन के साथ, प्लीज अपडेट करें। जहीर अब्बास खान फ्रॉम पाकिस्तान, दोस्त बिल्कुल बननी चाहिए क्योंकि शाहरुख खान को ऐसे रोल में देखे हुए हमें बहुत टाइम हो चुका है। ये होगा कि कब फिल्म मेकर्स इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं। लखन पडोलकर, टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवीज 2018, 2019 और 2020। दोस्त जहां तक फिल्म मेकर्स ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से टाइगर श्रॉफ की बहुत सी फिल्म्स आ रही हैं, जैसे कि बागी 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, रैम्बो और बागी 3। हसीब खान, दिशुम का बजट था 100 करोड़, इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 96 करोड़। दोस्त पहले तो जो आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। हम मानते हैं कि टीम से कभी कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर बार गलत हो। इस फिल्म का दिशुम का बजट है 65 करोड़, 55 करोड़ प्रोडक्शन और बाकी के 10 करोड़ जो पब्लिसिटी में लग जाते हैं, लेकिन फाइनल बजट देखें तो वो है 55 करोड़। और जैसा कि हमने कहा था कि फिल्म ने कलेक्शन किया है 121 करोड़ का, तो वो भी सच है। और जो आप कह रहे हैं कि फिल्म ने इतने का मतलब कि 96 करोड़ का बिजनेस किया, तो दोस्त हम आपको बता दें कि फिल्म का इंडिया और ओवरसीज मिला के होता है 98 करोड़ 32 लाख। उसके बाद फिल्म के थिएटर राइट्स होते हैं, म्यूजिक राइट्स होते हैं और अगर उन सबको ऐड किया जाए तो उतना ही होगा जितना कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। आदिल हुसैन, तो ये बात करें मेरे कल की वीडियो बागी 2 के बारे में। ये कह रहे हैं कि भाई कभी कहते हैं मुंबई और थाईलैंड में शूटिंग हुई है और कभी बहुत सारे नाम देता है। दोस्त लगता है आपने वीडियोस ध्यान से नहीं देखी, मैंने कहा है कि मैक्सिमम सीन्स मुंबई और थाईलैंड में शूट हुए हैं और बाकी जहां जहां फिल्म शूट हुई है वो लोकेशन बताई है मैंने। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि वो वीडियो बागी 2 का ट्रेलर ब्रेकडाउन फिर से देखें। कैसर अब्बास, सर पद्मावत मूवी बहुत ही जबरदस्त मूवी है, क्या बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। दोस्त बिल्कुल आपने सही कहा कि पद्मावत एक जबरदस्त मूवी है, लेकिन दोस्त ये बाहुबली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। अगर पद्मावत विवाद में ना फंसती और कई लैंग्वेजेस में रिलीज होती और अगर 5000 स्क्रीन से भी ज्यादा स्क्रीन मिले होते तब थोड़े बहुत चांसेस थे, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। भट्ट बिलाल बिलाल, भाई रोबोट 2 कब रिलीज होगी। सब बोल रहे हैं कि उसकी रिलीज डेट चेंज हो गया है। बिल्कुल इस फिल्म की रिलीज डेट शिफ्ट हो गई है क्योंकि अभी फिल्म बनकर तैयार नहीं हुई है और जैसी इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से ये फिल्म अगस्त के बाद ही रिलीज हो सकती है। और लास्ट कमेंट है प्रियंका सैनी का कि कमांडो 3 कब आएगी। दोस्त ये फिल्म आएगी इतना तो जरूर है और जैसा कि ये फिल्म मेकर्स ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से अभी स्क्रिप्टिंग हो रही है, तो जैसे ही स्क्रिप्टिंग पूरी होगी उसके कुछ समय बाद ही ये फिल्म फ्लोर पे आ जाएगी। अनुमान लगा सकते हैं 2019 में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दे और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों ध्यान रहे हमारे
हमारी टीम आप सभी के कमेंट्स पढ़ती है और कोशिश करती है उन सभी सवालों के जवाब देने की। हम जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत से लोगों ने अलग अलग तरह से पूछा होता है, पहले उन सबको वीडियोस में आंसर करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हमारी टीम जितना हो सके व्यूअर्स के कमेंट बॉक्सेस में ही आंसर करती है। एक्शन और रोमांस के तड़के से भरपूर है सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है। फिल्म फ्राइडे को रिलीज हो चुकी है और कहा जाता है कि टाइगर की एक बार फिर से वापसी हुई है, तो आइए डालते हैं एक नजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। अपने एक्शन अवतार में सलमान खान एक बार फिर दर्शकों के बीच में अपने फिल्म टाइगर जिंदा है को लेकर आ गए हैं। फिल्म का सेंट्रल पॉइंट इसका पावर पैक्ड एक्शन और देशभक्ति है। फिल्म की कहानी इस बार 40 नर्सों को बचाने के मिशन पर निकले टाइगर और जोया की है। इन नर्सों में 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी हैं, जिन्हें आईसीस ने बंधक बना रखा है। इस मिशन के लिए रॉ और आईएसआई एजेंट हाथ मिलाते हैं। जहां पिछली फिल्म एक था टाइगर अपने वतन से शुरू होती है, तो वहीं इस बार आतंकवाद की आग में बरसों से झुलसते सीरिया की जमीन से शुरू होती है। सलमान की ये फिल्म देखकर ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में फिल्म को क्यों रोका गया, जबकि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई और रॉ का एक साथ एक मिशन पर निकलना और कामयाब होना सिनेमा के पर्दों पर देखना अच्छा लगता है। हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते बेहतरीन एक्शन सीन, ऑस्ट्रिया और मोरक्को की गजब की खूबसूरत लोकेशन और एक्शन सीन्स फिल्म का प्लस पॉइंट है। सलमान का स्टाइल और उनका बदला हुआ अंदाज आपको पसंद आ सकता है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो अविनाश सिंह राठौर यानी कि सलमान खान टाइगर अब पापा बन चुके हैं और अपनी वाइफ जोया और बेटे के साथ टाइगर ऑस्ट्रिया की बर्फीली पहाड़ियों के बीच रहते हैं। लेकिन टाइगर अपने देश और रॉ को भुला नहीं पाते और इसी वजह से टाइगर अपनी मौजूदगी का संकेत नई दिल्ली में बैठे अपने बॉस शिवाय सर को भेजते रहते हैं। इस बीच आईएस का मुखिया उस्मान यानी कि साजिद डेलाफ्रूज एक के बाद एक कई शहरों पर अपना कब्जा करता है और उन्हें बर्बाद करता है, और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए और दहशत फैलाने के लिए वो कई बेगुनाह नागरिकों की हत्याएं करता है। और ऐसे में अमेरिका उस्मान के बेस कैंप को तबाह करने और उस्मान से ही दूसरे आतंकियों को मारने के लिए 7 दिन बाद अटैक करने का प्लान बनाता है। उस्मान के इसी अड्डे में भारत और पाकिस्तान के करीब 40 से भी ज्यादा नर्से हैं, जो उस्मान और उसके साथी बगदादी के कब्जे में हैं। उन भारतीय नर्सों को भारत वापस लाने के लिए सिनॉय टाइगर को मिशन सौंपते हैं। टाइगर अपनी टीम के साथ जाता है। वहीं पाक खुफिया एजेंसी की खास एजेंट रही जोया खान भी आईएस और उस्मान की गिरफ्त से पाकिस्तानी नर्सों को बचाने के मिशन पर सीरिया पहुंचती हैं। टाइगर के साथ रॉ की टीम और जोया के साथ आईएसआई के 2 लोग भी यहां इन सब की मदद करने में लगे हैं। मिशन का अंजाम क्या होता है ये देखने के लिए आपको टाइगर से तो मिलना होगा। पूरी फिल्म सलमान के कंधों पर टिकी है। फिल्म के क्लाइमेक्स में सलमान शॉट उतारकर हॉलीवुड फिल्मों के एक्शन स्टारर की तरह भारी भरकम बंदूक और स्टेन गन को चला के सिंगल स्क्रीन पर जादू चला देते हैं। फिल्म में जोया का जवाब नहीं है, उनके कुछ एक्शन सीन्स काफी अच्छे हैं और लगता है ऐसे खतरनाक स्टंट सीन करने के लिए कैटरीना ने काफी मेहनत की होगी। शुरुआत में फिल्म आपको एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर हटाने का मौका नहीं देगी, लेकिन इंटरवल के बाद न जाने क्यों फिल्म के क्लाइमेक्स को खींचा गया है। करीब 3.5 घंटे की फिल्म में एक्शन की भरमार है। और अगर फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक रिलीज से पहले ही हिट हो चुका है। तो ये तो रही स्टोरी की बात, आइए जानते हैं फिल्म क्रिटिक्स ने फिल्म के बारे में क्या कहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श का कहना है कि टाइगर जिंदा है की कहानी में काफी सारी मजबूत चीजें हैं, जैसे शानदार कहानी, दिलचस्प स्क्रिप्ट, जबरदस्त डायलॉग, ट्रेंडी साउंड ट्रैक और बेहतरीन तरीके से दिखाए गए एक्शन सीन्स। फिल्म क्रिटिक सुभ्रा गुप्ता का कहना है कि फिल्म में कुछ चीजों को बहुत बार रिपीट किया गया है और उसकी वजह से दर्शक बोर हो रहे हैं। अपने एक्शन किरदार में सलमान खान और कैटरीना कैफ काफी जच रहे हैं। कैटरीना को एक्शन करते हुए देख ये फिल्म बहुत लोगों को पसंद आएगी और अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो 100% ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। और वहीं अगर आप पहली फिल्म से इसकी तुलना करेंगे या कुछ नया देखकर इसे देखेंगे तो शायद आप अपसेट हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। आज टाइगर जिंदा है का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। टाइगर जिंदा है सीक्वल है फिल्म एक था टाइगर का। एक था टाइगर फिल्म बहुत अच्छी थी और बॉक्स ऑफिस पे खूब धमाल किया था। अब बारी है टाइगर जिंदा की। इसका ट्रेलर बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त और एक्शन से भरपूर है। ट्रेलर देख के लगता है कि ये फिल्म एक था टाइगर के मुकाबले फिल्म में डबल एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो एक्शन हो या रोमांस या फिर भाईजान के दमदार डायलॉग्स हो। ट्रेलर स्टार्ट होता है वॉइस ओवर से और उन्हीं वॉइस ओवर में एक आवाज है अंजना ओम कश्यप की। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और स्टोरी है उन 25 नर्सों की जिसे अबू इस्मान ने किडनैप कर लिया था और अब होता यह है कि उन्हें छुड़ाकर लाएगा कौन। तो नाम आता है टाइगर के साथ टाइगर यानी कि सलमान खान की जबरदस्त एंट्री होती है। सलमान की एंट्री का लुक और एक्शन इट्स अमेजिंग। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सलमान खान को
इतने इंटेंस लुक में मैंने पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर में सलमान ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ भी एक्शन करती नजर आ रही हैं। ट्रेलर देख के लगता है कि इस फिल्म में भरपूर एक्शन और रोमांस देखने को मिलेगा हमें सलमान और कैटरीना का। फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट है कि सलमान जो कि इंडियन रॉ एजेंट है और कैटरीना कैफ जो कि पाकिस्तानी रॉ एजेंट है, दोनों मिलकर साथ काम करते हैं अपने अपने तरीके से। अब देखना ये होगा कि ये लोग कब और कहां कैसे मिलते हैं और कैसे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है या फिर फिल्म में आगे क्या होता है। अब ये तो नेक्स्ट ट्रेलर या फिर हमें फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म में सलमान खान पहली बार बियर्ड लुक में नजर आएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सलमान ने अपना वेट लूज किया है, तो इसलिए भाईजान पहले से और यंग और स्मार्ट लग रहे हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है और हमें सबसे पहले बर्ड्स आई व्यू से इराक का एक खूबसूरत नगर दिखाई देता है। ट्रेलर में अगले सीन में कुछ लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पर लिखा है फ्रीडम अगेंस्ट ऑपरेशन, और उसी चौक में एक के हाथ में स्टॉक दिखाई देता है। उसे यूज किया गया है टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ इराक, और हम आपको बता दें कि ये एक सेट का पार्ट है। अगले सीन में बस में 25 नर्सें दिखाई देती हैं जिन्हें आईसिस अगवा कर लेता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि ये फिल्म रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, और ट्रेलर में डायरेक्टर ने भी बताया है कि ये फिल्म ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। उसके आगे के सीन में हमें एक टेररिस्ट का ग्रुप दिखाई देता है। उस सीन को देखा जाए तो असली आईसिस का फ्लैग का कलर ब्लैक होता है लेकिन फिल्म में रेड दिखाया गया है। अगर हम रियल इंसिडेंट की बात करें तो वो लोग नर्सों को किडनैप करके मोसुल में रखते हैं, जो कि हम इस ट्रेलर में भी देख सकते हैं इस टीवी एंकर के स्क्रीन पे। उसके आगे के सीन में दिखाया जाता है एक पोस्टर जो कि विलेन का होता है। विलेन का नाम फिल्म में अबू उस्मान है और असल में इनका नाम है सजाद डेलाफ्रूज, और इससे पहले इन्हें बॉलीवुड फिल्म बेबी में देखा गया है। बेबी फिल्म में इनका रोल एक डॉक्टर का था। ट्रेलर में दिखाई देता है कि वो उन सभी नर्सों को इराक के सिटी हॉस्पिटल इक्रिट में रखते हैं, जो एक तरह से विलेन का हेडक्वार्टर लगता है। वेल, हम आपको बता दें कि इराक में जो हॉस्पिटल था उसका नाम सिटी हॉस्पिटल टिक्रिट था, जिसे बाद में इराकी सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये जो बैकग्राउंड में लोकेशन रखा गया है वो एडिटेड है। अगले सीन में देखते हैं कि इंडिया में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ठीक ऐसा ही सीन हमने देखा था 2014 में जब नर्सों को अगवा कर लिया गया था। ट्रेलर में इससे इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है और बात हो रही है कि उन टेररिस्ट के हाथों से 25 नर्सों को छुड़ा के लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर का। वेल, फिल्म एक था टाइगर में हमने देखा था कि वो दोनों कहीं खो गए हैं और उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, लेकिन रॉ की टीम उन्हें कैसे ढूंढती है या फिर इन्हें कैसे कॉन्टेक्ट करके राजी करती है इस मिशन के लिए, अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। आगे के सीन में देखते हैं कि जैसे ही टाइगर का नाम आता है वो आइस स्केट के साथ जंप करते हैं। वेल, वो सीन ऑस्ट्रिया का है, और ये सीन देख के लगता है कि ट्रिपल एक्स द केस ऑफ एक्सेंडर में वैन डीजल की एंट्री पे देखा था, और सलमान को यहाँ देख के लगता है कि ये किसी मिशन पे आए हैं। उसके आगे अबू धाबी का सीन है, और हम सीन में अबू धाबी का एक फ्लैग भी देख सकते हैं। ऑटो में बकरियों के साथ सलमान और एक और एक्टर जो बैठे हैं उनका नाम है कुमुद मिश्रा, जो हमें सुल्तान फिल्म में एक ट्रेनर के रोल में दिखे थे। आगे सीन में देखते हैं कि सलमान खान और कुछ लोग ब्लू कलर के कपड़े में हैं और चलते आ रहे हैं। उसमें एक एक्टर दिखाई देते हैं जिसका नाम है अंगद बेदी, और इससे पहले अंगद बेदी उंगली पिंक और डियर जिंदगी में देखे जा चुके हैं, और इस सीन को देख के लग रहा है कि ये लोग प्लान करके हॉस्पिटल में घुसने की सोच रहे हैं। उसके बाद विलन अबू उस्मान का एक झलक देखने को मिलता है, और माना जाता है कि इस लुक को लिया गया है आईसिस के चीफ अबू बकर से। उसके आगे सीन में कुछ लोग घुटने में बैठे हैं और उनके पीछे लोग बंदूक लेके खड़े हैं, जैसा आईसिस के अधिकतर वीडियो में देखने को मिलता है हमें, और ये सीन उसी से इंस्पायर्ड है। सीन को देख के समझा जा सकता है कि ये लोग घुटने पे जो बैठे हैं वो आर्मी वाले हैं जिन्होंने आईसिस के कुछ लोगों को मार दिया है, और ये लोग पकड़े गए हैं और इनका गला काटा जा रहा है। इन सभी सीन्स के बीच में टाइगर और जोया का एक छोटा सा रोमांस देखने को मिलता है। आगे के सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं सलमान के साथ, और देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बच्चा टाइगर और जोया का ही है। इस सीन में सभी नर्स प्रे कर रही हैं। ट्रेलर में हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है, और ये सभी सीन वही हैं जहां आईसिस वाले आर्मी वालों का सर काट रहे हैं। ये सीन देख के लगता है कि फिल्म का एंड है। बस वाले सीन को देख के लग रहा है कि सलमान उन नर्सों को बस में बिठा के कहीं ले जा रहे हैं, और ये ट्रक का सीन देख के लग रहा है कि ये तबका है जब सलमान अबू उस्मान के अंपायर में घुसते हैं। अगले सीन में लॉन्चर चलाना सलमान का वो भी जबरदस्त लग रहा है। ये सीन फिल्म का एंड होगा जहाँ ये लोग सभी नर्सों को लेके दूसरे बॉर्डर पर पहुँच गए होंगे। उसके आगे हम देख सकते हैं कि कुछ नर्सें भाग रही हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक नर्स की बॉडी पे बम लगा हुआ है। फिर उसी सीन में टाइगर और विलन का आमना सामना होता है, और टाइगर एक धमाकेदार पावरफुल डायलॉग मारते हैं। उसके बाद हमें टाइगर रैम्बो के स्टाइल में बाहर निकलते नजर आते हैं। वेल, हम आपको बता दें कि ये सीन इंस्पायर्ड है हॉलीवुड के सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टालोन से, और ऐसा लगता है कि टाइगर का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है अबू इजराइल से, जिसने आईसिस के हजारों सैनिकों को मार गिराया है और उन्हें इराक में रैम्बो कहा जाता है। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो ट्रेलर में देख के लगा। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। फिल्म प्रेजेंटेड बाय YRF
डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। टाइगर जिंदा मूवी की टिकट और नॉर्मल मूवीज की टिकट में कितने का है डिफरेंस? फिल्म को कितने लोग कह रहे हैं कि हम फिल्म को देखने नहीं जाएंगे? और क्रिसमस का क्या होगा फायदा सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है को? तो आइए डालते हैं एक नजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग स्टार्ट हो गई है और भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि टाइगर जिंदा है इस साल की सबसे धमाकेदार फिल्म साबित होने वाली है। इसका अनुमान फिल्म की एडवांस बुकिंग से लगाया जा रहा है। इंडिया में संडे से फिल्म की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और इंडिया के साथ ही इस फिल्म की टिकट बुकिंग और भी कंट्रीज में स्टार्ट हो गई है। माना जा रहा है कि फिल्म की रिलीज के एक महीने बाद भी हाउसफुल रहेगा और ये फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छा बिजनेस करने वाली है। सूत्रों की माने तो सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है अपनी पिछली फिल्म ट्यूबलाइट की कलेक्शन को भी पूरा कर देगी और फिल्म को क्रिसमस रिलीज का फायदा मिलने वाला है। माना जाता है कि ज्यादातर क्रिसमस रिलीज फिल्में सुपर हिट होती हैं और शानदार कलेक्शन करती हैं। क्रिसमस वाले वीक में लोग ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि उस समय ऑफिसेज में छुट्टी होती है, कॉलेजेस में भी छुट्टी होती है और इस वजह से भारी तादाद में लोग सिनेमा हॉल्स में पहुंचते हैं और इस वीक में तो सिर्फ सलमान खान ही हैं और कोई नहीं, तो इसका फायदा भी फिल्म को जरूर मिलेगा। आने वाले फ्राइडे को बहुत से रिकॉर्ड टूटते नजर आएंगे क्योंकि 22 दिसंबर को सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हो रही है। फिल्म की धमाकेदार एंट्री की एक झलक हमें पहले ही देखने को मिल चुकी है ट्रेलर में। फिल्म के रिलीज से पहले ही खबर मिली है कि बहुत से PVR हाउसफुल हो चुके हैं। इस बात की जानकारी तरण आदर्श ने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा कि फिल्म की अच्छी शुरुआत हो चुकी है। माना जाता है कि टाइगर जिंदा की एडवांस बुकिंग को धमाकेदार शुरुआत मिली है और कई PVR हफ्तों के लिए हाउसफुल हो चुके हैं। फिल्म की ओपनिंग धमाकेदार होगी और इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म जबरदस्त होने वाली है, जैसा कि हमें ट्रेलर देख के लगा। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि फिल्म कितने स्क्रीन पर रिलीज हो रही है, तो हम आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है इंडिया में 4,500 स्क्रीन पर लॉन्च हो रही है। फिल्म अगर इतने सारे स्क्रीन पर लॉन्च हो रही तो मतलब तो साफ है कि भाईजान की मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन सुपर डुपर होने वाला है। एक सर्वे के हिसाब से पता चला कि इस फिल्म को 100 में से 95 वोट मिले हैं, जहां सलमान खान की एक था टाइगर को 100 में से 27 वोट मिले और पार्टनर को 72, बॉडीगार्ड को 69। तो ये सलमान खान की पहली फिल्म है जिसे लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। टाइगर जिंदा है फिल्म की टिकट प्राइस की बात करें तो जहां बाकी सब मूवीज की नॉर्मल टिकट प्राइस 200 से 250 तक होती है, वहीं इस फिल्म की टिकट प्राइस है 400 से 450 तक की और कहीं कहीं तो 1,000 से लेकर 1,400 तक के प्राइसेस हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है का भी हाल ही में एक नया वीडियो जारी किया गया है। उस वीडियो में कैटरीना को धमाकेदार अंदाज में देखा जा सकता है। डायरेक्टर अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है के रिलीज में अब कुछ ही समय रह गया है। फिल्म के ट्रेलर और गानों को काफी पसंद किया गया है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का एक और वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें हम सलमान के साथ कैट को भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाते देख सकते हैं, जहां एक और सलमान दुश्मनों से लड़ते नजर आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ कैटरीना भी उनका साथ दे रही हैं। इस वीडियो की खास बात ये है कि इस वीडियो में कैटरीना के मूव्स काफी खतरनाक लग रहे हैं और इस सीन को देख के लगता है कि दर्शक इस सीन को बार बार देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को खुद सलमान खान ने शेयर किया था। अभी हाल ही में टाइगर जिंदा है फिल्म का एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिंदा है। इस सॉन्ग को गाया है सुखविंदर और रफ्तार ने। एक सूफी सॉन्ग का कॉम्बिनेशन और अरेबिक म्यूजिक रखते हुए रफ्तार ने जो इसमें अपना अंदाज डाला है रैप से, माइंड ब्लोइंग। इस सॉन्ग के वीडियो में फिल्म के और भी बहुत से सीन सामने आए हैं। इस गाने को देख के लगता है कि सलमान खान और उनकी टीम इराक में चुपके से घुस आए हैं और इन लोगों के पास सिर्फ 2 दिन होते हैं उन नर्सों को बचाने के लिए। इस गाने में और भी बहुत से ऐसे सीन हैं जो हमें ट्रेलर में देखने को नहीं मिला था। टाइगर जिंदा को रिलीज होने में सिर्फ अब 90 आवर्स रह गए हैं। फिल्म की रिलीज डेट है 22 दिसंबर और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा। फिल्म प्रेजेंटेड बाई YRF, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई YRF। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। इसका ट्रेलर बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त और एक्शन से भरपूर है। फिल्म में डबल एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो एक्शन हो या रोमांस या फिर भाईजान के दमदार डायलॉग्स हो। ट्रेलर से पता चल रहा है कि फिल्म की स्टोरी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और स्टोरी है उन 25 नर्सों की जिसे अबू इस्मान ने किडनैप कर लिया था और अब होता यह है कि उन्हें छुड़ाकर लाएगा कौन, तो नाम आता है टाइगर का और उसी के साथ टाइगर यानी कि सलमान खान की जबरदस्त एंट्री होती है। सलमान की एंट्री का लुक और एक्शन, इट्स अमेजिंग। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सलमान खान को इतने इंटेंस लुक में पहले कभी नहीं देखा। ट्रेलर में सलमान ही नहीं बल्कि कैटरीना कैफ भी एक्शन करती नजर आ रही हैं। फिल्म में सलमान खान पहली बार बियर्ड लुक में नजर आएंगे। सलमान ने अपना वेट लूज किया है तो इसलिए भाईजान पहले से और यंग
और स्मार्ट लग रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर जिंदा है का खाड़ी से फिल्म का रिव्यू आया है, तो आइए डालते हैं उस पर एक नजर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है फिल्म कल रिलीज हो रही है, लेकिन भाईजान के कुछ लकी फैंस हैं जिन्होंने आज ही ये फिल्म देख ली होगी और वो फैंस है खाड़ी के। खाड़ी में फिल्म रिलीज से पहले ही फिल्म क्रिटिक्स ने टाइगर जिंदा है को रेटिंग्स दे दी हैं और माना जा रहा है कि फिल्म पैसा वसूल एंटरटेनिंग फिल्म है, मतलब कि दर्शक वो सब देख सकते हैं जो उन्हें पसंद है, जैसे कि भरपूर एक्शन, रोमांस, केमिस्ट्री और सुपर डुपर हिट रियल इंसिडेंट इंस्पायर्ड स्टोरी। और इन सब को मिला के देखा जाए तो कह सकते हैं कि फिल्म में एंटरटेनमेंट का डोज बहुत होगा। फिल्म में जो एक्शन है वो हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं, लोकेशन भी बहुत अच्छी चूज की गई है, हर जगह बात हो रही है एक्शन की। तो हमने इससे पहले भी टाइगर जिंदा से रिलेटेड बहुत से वीडियोस अपडेट किए हैं जिसमें टाइगर से जुड़ी सभी खबरें आपको मिलेंगी, और उन वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। फिल्म का ट्रेलर देख के लगता है कि फिल्म सिर्फ थ्रिलर और रोमांटिक है, फिल्म कई लेवल में हमें एंटरटेन करेगी। और डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इस फिल्म में एक मैसेज भी रखा है। देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम डायरेक्टर हैं जो सलमान खान से कुछ अलग करवा पाते हैं या कुछ अलग करने की हिम्मत रखते हैं, और अली अब्बास जफर उन डायरेक्टर में से एक है। फिल्म कहीं भी अपने ट्रैक से इधर उधर नहीं जाती, फिल्म में एक्शन काफी खतरनाक है और ऐसा कि फिल्म में बार बार एक्शन देख के या रोमांस देख के बोर नहीं होना पड़ेगा। फिल्म के सभी किरदारों ने अपना काम बखूबी किया है और सबसे अच्छा काम किया फिल्म के विलन सजार डेलाफ्रूज ने। सजार डेलाफ्रूज के बारे में बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। माना जाता है कि फिल्म सलमान खान की है, लेकिन फिर भी कैटरीना को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिल्म में कैटरीना को एक नए रोल में देखने को मिलेगा जो उम्मीद है कि दर्शकों को काफी पसंद आएगा। फिल्म में कैटरीना को बहुत कम दिखाया है, लेकिन जितना भी पार्ट है उनका बहुत जबरदस्त है। फिल्म के एक्शंस, लोकेशंस और सॉन्ग्स फिल्म को और दर्शकों को बांध के रखेगी और दर्शक बोर फील नहीं करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट है और 2017 में बॉलीवुड को इससे अच्छा एंड नहीं मिल सकता। टाइगर जिंदा है कल देखते ही देखते सारे रिकॉर्ड्स धराशाही कर देगी और इस फिल्म को 4.5 स्टार मिले हैं। और आप फिल्म को कितने स्टार देते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। टाइगर जिंदा है कैसे करेगी बिजनेस 7,700 करोड़ का? टाइगर जिंदा है ने कितने का बिजनेस किया 29 और 30वें दिन? क्या टाइगर जिंदा है का तीसरा पार्ट आएगा या नहीं? टाइगर के सामने आमिर खान की फिल्म पीके नहीं टिक पाई और पीछे हो गई, जानेंगे कैसे। पीके का हिंदी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए टाइगर को और कितने का कलेक्शन करना होगा? 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स कौन कौन सी हैं और वो कौन सी फिल्म है जो नंबर 1 पे है कलेक्शन के मामले में? और बात करेंगे किस एक्टर की कितनी फिल्मों ने 100 करोड़ क्लब को क्रॉस किया है। साथ में ये भी बात करेंगे टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के कुछ ऐसे सीन्स और डायलॉग जो लोगों को, ऑडियंस को बहुत पसंद आए थे। और हमारे आने वाले सभी वीडियोस में एक कमेंट सेशन होगा जहां हम अपने व्यूवर्स के पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के उनके नाम सहित इस वीडियो के एंड में जवाब देंगे। तो आइए चलते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। 2017 साल में बहुत से फिल्म्स आई और वो सभी फिल्म्स PVR में कलेक्शन के मामले में बढ़ चढ़ के बोली और एक दूसरे को टक्कर दिया या यूं कहें कि कंपटीशन रखा। पर ऑडियंस और व्यूवर्स को जो सबसे ज्यादा फिल्म्स पसंद आई और जिन फिल्मों ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया वो फिल्म्स है गोलमाल अगेन। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 309 करोड़ 45 लाख। रईस 308 करोड़ 88 लाख वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और टाइगर जिंदा है 562 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और ये सिर्फ 26 दिन तक का ही है। अली अब्बास जफर डायरेक्टेड फिल्म टाइगर जिंदा है को दर्शकों को काफी प्यार मिल रहा है और फिल्म को 30 दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म अभी भी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी सलमान खान का ये नया अंदाज काफी लोगों को पसंद आया और इस जोड़ी को, मतलब कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। इस फिल्म ने 29वें दिन बिजनेस किया था 78 लाख का और 30वें दिन 1 करोड़ 27 लाख का। इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है इंडिया में 331 करोड़ 80 लाख और फिल्म का 26 दिन तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 562 करोड़। और जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 1 करोड़ 56 लाख का 29वें दिन और 30वें दिन 2 करोड़ 25 लाख का और इस फिल्म का 30 दिन तक का टोटल होता है 490 करोड़ 21 लाख।
और बाहुबली का बेस्ट सीन जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था, पसंद आया था, जब देवसेना के यहाँ महल में आक्रमण होता है और बाहुबली और देवसेना युद्ध जीत जाते हैं, मगर देवसेना को बाहुबली की सच्चाई का पता चल जाता है कि वो एक योद्धा है और देवसेना के बार बार पूछने के बावजूद बाहुबली नहीं बताती, वो टालते हैं। और फिर कटप्पा बाहुबली के बारे में बताता है, महेशमती के होने वाले सम्राट राजमाता शिवगामनी के प्रिय पुत्र, भयभीत था संसार जिसके उसके काल के संहारक वीरों के वीर अमरेंद्र बाहुबली। उसके बाद सभी तलवार नीचे गिरती हैं और सभी झुक जाते हैं। वो सीन एक एपिक सीन था, माइंड ब्लोइंग सीन था, और इस सीन पे पीवीआर सीटियों और तालियों से गूंज गया था। गोलमाल अगेन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 29वें दिन 60 लाख का और 30वें दिन 40 लाख का, और इस फिल्म का 30 दिन तक का टोटल होता है 204 करोड़ 36 लाख। दंगल इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 29वें दिन 1 करोड़ 19 लाख का, 30वें दिन 2 करोड़ 10 लाख का, और इस फिल्म का 30 दिन तक का टोटल होता है 386 करोड़ 39 लाख। इस फिल्म का एपिक सीन जहां आमिर खान अपने ऑफिस में टीवी पर रेसलिंग देख रहे होते हैं और उनके बगल में कोई आके खड़ा होता है और आमिर खान कहते हैं कि ना पैसे ना फैसिलिटी, किस तरह जीतेंगे मेडल अपने छोरे, सिर्फ मुंह चलाने से कुश्ती जीती जाती ना भाई साहब, तो आप तो कब के मेडल जीत चुके होते। नया है के तब भी मैं सोचूं, कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाती है। आपके लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट, अखाड़ा होता ना तेरी कर देता, अखाड़े की क्या जरूरत है। फिर दूसरी तरफ कमेंट्री हो रही होती है टीवी पर और दूसरी तरफ इधर ऑफिस में कुश्ती हो रही होती है। तीन राउंड हारने के बाद कहते हैं, दम है तेरे में, स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने, रे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से हराया तू, वाह क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तो ये वो एपिक सीन था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। तो बात करते हैं रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे है, दंगल नंबर 2 पे और टाइगर जिंदा है नंबर 3 पे है। अब सवाल आता है कि किस एक्टर की सबसे ज्यादा फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब को क्रॉस किया है, तो नाम आता है सबके चहेते भाईजान यानी कि सलमान खान। सलमान खान की 12 फिल्मों ने 100 करोड़ के क्लब को क्रॉस किया है, तो नंबर 1 पे है सलमान खान, नंबर 2 पे है अक्षय कुमार, खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की 8 फिल्म है और अजय देवगन की 6 फिल्म। बात करते हैं कि कैसे फिल्म 7700 करोड़ का बिजनेस करेगी, उससे पहले जानते हैं कि मूवी का वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे ऐड किया जाता है, या तो उसमें इंक्लूड होता है फिल्म्स के थिएटर राइट, मतलब कि जिस जिस कंट्रीज में फिल्म्स रिलीज होती हैं, वो सभी कंट्रीज फिल्म के थिएटर राइट्स खरीदती है, जैसे यूएसए राइट, साउदर्न स्टेट राइट्स, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएसए हिंदी वर्जन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थिएटर राइट्स के बाद आता है म्यूजिक इन ऑल वर्जन, फिर सैटेलाइट राइट्स, यूट्यूब व्यूज, अब यूट्यूब में भी ट्रेलर व्यूज, टीजर व्यूज, फिल्म मेकिंग वीडियो व्यूज, फिर आता है फिल्म्स मीडिया पार्टनर्स, एडवर्टाइज कलेक्शन और भी बहुत से डील्स होते हैं। प्लस जैसा कि हम कह रहे हैं कि फिल्म अभी कुछ देशों में रिलीज नहीं हुई है, जैसे कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तो जब ये फिल्म इन देशों में रिलीज होगी तो जरूर ये फिल्म 7700 जितना बिजनेस करेगी। और आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, सुनने में आया कि शायद ये फिल्म चाइना में बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, हालांकि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट फिल्म को लेकर जैसे खलबली मची है चाइना में, उसे देखकर कह सकते हैं कि फिल्म शायद बहुत जल्द ही रिलीज होने वाली है और बहुत अच्छे स्क्रीन्स पे रिलीज होगी, 6000 और 7000 स्क्रीन्स के बीच रिलीज हो सकती है ये फिल्म। और अगर ये फिल्म इतनी सारी स्क्रीन्स पे रिलीज होगी तो इस फिल्म को शायद 7700 करोड़ या इससे भी अधिक बिजनेस करने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि इस वीडियो के एंड में कमेंट सेशन है जहां लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, तो सबसे पहले कमेंट है हर्षित प्रजापति का कि ट्यूबलाइट का चाइना लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे सूत्रों से पहले पता चला था कि ये फिल्म ट्यूबलाइट चाइना में रिलीज होने वाली थी, पर अभी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि फिल्म रिलीज नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एवरेज कलेक्शन। तो दोस्त इस फिल्म का चाइना में कोई कलेक्शन नहीं है। सूरजीत ने पूछा था भाई क्या सुल्तान चाइना में रिलीज हुआ था, तो दोस्त ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है कि यह फिल्म चाइना में रिलीज होगी। और एक और सबसे बड़ी न्यूज, इस फिल्म के साथ सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान भी चाइना में रिलीज होने वाली है और ये दोनों फिल्म साल 2018 में रिलीज होंगी। SRK की वाइंस गोयल ने पूछा था कि क्या फिल्म टाइगर पीके को पीछे छोड़ देगी, तो दोस्त बता दूं कि टाइगर के 28वें दिन के कलेक्शन ने पीके का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टाइगर का 28वें दिन का कलेक्शन था 78 लाख और पीके का 57 लाख, तो टाइगर ने पीके को पीछे कर दिया है। और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पीके का है 340 करोड़ 80 लाख और अभी टाइगर जिंदा है का है 331 करोड़ 80 लाख।
तो दोस्त हमें जहां लगता है कि ये फिल्म आराम से पीके का रिकॉर्ड तोड़ देगी और सिर्फ 9 करोड़ और चाहिए टाइगर को पीके का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। सातार आलम ने पूछा था कि सुल्तान और बजरंगी भाईजान कब रिलीज होगी। दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ये दोनों फिल्म चाइना में 2018 में रिलीज होंगी। बजरंगी भाईजान मार्च में रिलीज हो रही है और हालांकि सुल्तान का अभी नहीं पता चला, लेकिन बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। मर्शद बट्टो ने पूछा था कि धूम 4 में सलमान खान है। वैसे देखा जाए तो यूट्यूब पे डेली फेक्स वीडियोस डलते हैं कि सलमान खान धूम 4 और बस एक फोटो लगा देते हैं फ्रंट पे और लोग उसे देखते हैं और उस वीडियोस में सलमान खान की मिक्स्ड मूवीज की क्लिप्स होती हैं जो कि एडिटेड होती हैं। तो ये सवाल उठना तो बनता ही है। दोस्त ये तो अभी नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दें कि ट्वीट पे सलमान खान के फैंस ने टाइगर की बधाई देते हुए अली अब्बास जफर को सजेस्ट किया कि सलमान खान को धूम 4 लेके बनाया जाए, हम उनको धूम 4 में देखना चाहते हैं। तो अली ने रिप्लाई किया कि मैं धूम के मेकर्स तक आपका ये मैसेज पहुंचा दूंगा कि धूम 4 सलमान खान को लेके बनाए। लेकिन दोस्त अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना पता है कि फिल्म में आमिर खान और ऋतिक रोशन नहीं है। सचिन खुजरिया वो कहते हैं कि सुल्तान का डायलॉग भी बता देना प्लीज, और बजरंगी भाईजान का भी और दंगल का भी। तो दोस्त दंगल का तो ऊपर मिल ही गया होगा आपको। रही फिल्म सुल्तान और बजरंगी भाईजान का, तो मैं सुल्तान का वो एपिक सीन बताना चाहूंगा जो लोगों को बहुत अच्छा लगा था और जहां लोग बहुत ही इमोशनल हुए थे। सलमान खान दिल्ली जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, पर रणदीप हुड्डा उनका मजाक उड़ाते हैं और बहुत ही भला बुरा बोलते हैं और सलमान खान रिप्लाई करते हैं, मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है पर लंडा नहीं भूला। क्या कह रहे अंग्रेजी में, अलाइव एंड किक, ठीक है। बहुत खूब। सोनू हेला का कमेंट आया था, क्या पार्ट 3 आएगा? तो दोस्त india.com की रिपोर्ट्स की माने तो हाँ, टाइगर जिंदा है फिल्म का तीसरा पार्ट आ सकता है और उस रिपोर्ट की माने तो तीसरे पार्ट पर काम भी शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दे और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए कमेंट करें। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसका पूरा इस्तेमाल करें और सवाल पूछें। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं अपने आने वाली वीडियोस में रिप्लाई करने की। बॉलीवुड का भाईजान यानी सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की दहाड़ बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कायम है। टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर 2017 में रिलीज हुई थी और तब से अभी तक कलेक्शन के मामले में ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टाइगर जिंदा है कि कमाई का सिलसिला अभी तक जारी है। ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने अपने 43वें दिन में भी 15 लाख का कलेक्शन किया है और टाइगर जिंदा है का अभी तक का टोटल कलेक्शन 338.34 करोड़ हो चुका है। IMDB के अनुसार इस फिल्म से ऊपर आमिर खान की PK है, जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 340 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि अब टाइगर के लिए PK का रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल लग रहा है, पर कमाई अभी भी जारी है तो शायद सलमान खान की टाइगर जिंदा है आमिर खान की PK के कलेक्शन के और करीब जा सकती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन दीवान और स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। देखा जाए तो 300 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली सबसे ज्यादा फिल्में बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की है, जैसे बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर जिंदा है। जबकि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो इनमें आमिर खान की 2 फिल्म्स हैं, जिनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अभी तक कोई छू भी नहीं पाया है। तो अब बात करते हैं टाइगर जिंदा है के पर वीक कलेक्शन की। टाइगर जिंदा है ने अपने पहले वीक में 206.4 करोड़ की कमाई की थी और अपने दूसरे वीक में 85.51 करोड़ की और अपने तीसरे वीक में 27.31 करोड़ की कमाई की और चौथे वीक में 10.79 करोड़ की कमाई की और अपने पांचवें वीक में 5.81 करोड़ की और छठे वीक में 2.63 करोड़ की। तो इसका अभी तक का टोटल कलेक्शन हुआ 338.19 करोड़। टाइगर जिंदा है PK का रिकॉर्ड तोड़ पाए ये तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि लास्ट वीक भी टाइगर जिंदा है ने केवल 2.63 करोड़ का कलेक्शन किया। पर जैसा कि अभी भी कमाई जारी है तो शायद PK के 340 करोड़ की बराबरी कर सकती है। अब बात करते हैं फिल्म पद्मावत के कलेक्शन के बारे में। पद्मावत लंबे समय से चल रहे विवादों को पार कर आखिरकार रिलीज हो ही गई और इस मूवी ने विवादों और विरोधों के बाद भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है। पद्मावत ने अपने प्री रिलीज यानी 24 जनवरी पर 5 करोड़ का कलेक्शन किया और अपनी ऑफिशियल रिलीज डेट यानी कि 25 जनवरी के दिन 19 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म के सेकेंड डे यानी 26 जनवरी की छुट्टी की वजह से फिल्म के कलेक्शन में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। देखा जाए तो फिल्म के मॉर्निंग के शोज की ऑक्यूपेंसी थी 90% और रात के शोज की थी 100% ऑक्यूपेंसी। सेकेंड डे सारे शोज हाउसफुल थे। फिल्म ने सेकेंड डे पर भी 28 करोड़ का कलेक्शन किया था। पद्मावत ने अपने तीसरे दिन यानी 27 जनवरी को 24 करोड़ का बिजनेस किया, 28 जनवरी को 32 करोड़ का और अपने पांचवें दिन यानी 29 जनवरी को 15 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं फिल्म के छठे दिन यानी 30 जनवरी को ये अनुमान लगाया गया था कि वो 12 से 15 करोड़ तक की कमाई करेगी और फिल्म ने अपने सातवें दिन यानी 31 जनवरी को कुल 12 करोड़ का बिजनेस किया।
ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श के अनुसार फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 167.50 करोड़ का कलेक्शन किया और दूसरे हफ्ते में टोटल 46 करोड़ का कलेक्शन किया। तो अभी तक पद्मावती का टोटल कलेक्शन है 212.50 करोड़। टाइगर जिंदा है ने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में टोटल 286.46 करोड़ का कलेक्शन किया था और पद्मावत ने अभी तक अपने फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के कलेक्शन को मिलाकर 212.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। कलेक्शन के मामले में देखा जाए तो पद्मावत टाइगर जिंदा है से पीछे रह गई। अभी पद्मावत का कलेक्शन जारी है तो देखते हैं क्या आगे पद्मावत टाइगर जिंदा है के कलेक्शन को बीट कर पाती है या उसके आसपास भी आ पाती है या नहीं। तो ये था दोस्तों टाइगर जिंदा है और पद्मावत का अभी तक का कलेक्शन। अभी तक कलेक्शन के मामले में पद्मावत टाइगर जिंदा है से पीछे चल रही है, पर अब आगे आप सबको क्या लगता है, क्या पद्मावत टाइगर जिंदा है के कलेक्शन तक पहुंच पाएगी या उसके कलेक्शन को बीट कर पाएगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो कल हमारी वीडियो पे काफी चाहे कि टाइगर जिंदा है 2500 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएगी, ये न्यूज फेक है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि फिल्म 2500 करोड़ कैसे पहुंचेगी और ये हम प्रूफ करेंगे बाय सिंपली कंपेयरिंग कि छठे दिन तक के कलेक्शन किस फिल्म का क्या रहा और कैसे रहा। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के चौथे और पांचवें दिन के कलेक्शन के बारे में बात की थी, तो आज मैं बात करूंगा छठे दिन के कलेक्शन की। और उन वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। टाइगर जिंदा है आजकल जहां भी सुनो सिर्फ नाम है टाइगर जिंदा है का। और फिल्म में जो खास बात है या जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है सलमान खान का उस फिल्म में पिता होना। इस फिल्म से पहले सलमान ने किसी भी फिल्म में पिता का रोल नहीं किया है। इस फिल्म में सलमान एक पिता के रोल में नजर आए हैं। फिल्म वाकई काबिले तारीफ बनी है। फिल्म में जैसे दो देशों की टीम एक साथ काम करते दिखाया है एक मिशन के लिए और उनका सक्सेस होकर लौटना लोगों को स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगा। फिल्म टाइगर जिंदा है पाकिस्तान में बैन हो गई थी। पाकिस्तान के CBFC को लगा कि फिल्म में अनएथिकल कंटेंट है जो कि पाकिस्तान के पब्लिक को पसंद नहीं आएगी। लेकिन फिल्म के रिव्यू के बाद जब लोगों को पता चला कि फिल्म शांति का मैसेज दे रही है और फिल्म में ऐसा कोई भी दृश्य नहीं है जो उनके सेंटीमेंट को हर्ट करे, तो पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर ने पाकिस्तान के CBFC को ब्लेम किया कि बोर्ड ने ये बहुत गलत डिसीजन लिया है और जिसकी वजह से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को बड़ा नुकसान हुआ है। तो बात करते हैं फिल्म टाइगर जिंदा के छठे दिन के प्रेडिक्शन के बारे में। टाइगर जिंदा के छठे दिन का प्रेडिक्शन है लगभग 36 करोड़ रुपए और इसके साथ ही भाईजान की मूवी को देखा जाए तो ये फिल्म 250 करोड़ के क्लब को छूने में थोड़ा सा पीछे रह गई। फिल्म के छठे दिन के कलेक्शन को मिलाकर टोटल होता है 240 करोड़। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन था इंडिया में 26 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 50 करोड़। इस फिल्म का टोटल हुआ 220 करोड़। दंगल, ये फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसने चाइना में सबसे ज्यादा बिजनेस किया है और उसी बिजनेस की वजह से ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में 2500 करोड़ क्लब के अंदर आ गई। इंडिया में दंगल फिल्म का कलेक्शन था छठे दिन का 21 करोड़ रुपए और पहले दिन से लेके अब तक का इस फिल्म का टोटल हुआ 176 करोड़ रुपए। फिल्म गोलमाल अगेन, इस फिल्म से उतनी उम्मीद नहीं थी। इस फिल्म को कह सकते हैं कि ये फिल्म छुपा रुस्तम निकली बिजनेस करने में, मतलब कि बिजनेस तो किया लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये फिल्म इतने का बिजनेस कर जाएगी। और इस फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन था 13 करोड़ रुपए और इस फिल्म का छठे दिन का टोटल हुआ 130 करोड़ रुपए। तो ये तो था फिल्मों के छठे दिन का कलेक्शन। तो जैसा मैंने ऊपर कहा था कि आज का दिन बहुत ही शुभ है हमारे लिए और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज हमारे भाईजान का यानी कि सलमान खान का जन्मदिन है और आज सलमान खान 52 साल के हो गए हैं। और कल रात ही सलमान खान के चाहने वाले उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के आगे भीड़ लगाए खड़े थे सलमान खान को विश करने के लिए। ये भीड़ देख के कहा जा सकता है कि सलमान खान का स्टारडम और डूडिज्म लोगों को बहुत पसंद आता है। सलमान खान सबके चहेते हैं। तो हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे सलमान खान, आप हजारों साल जिए और ऐसे ही काम करते रहे हमें एंटरटेन करने के लिए। रेस 3 की शूटिंग के दौरान अनिल कपूर और सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। अनिल कपूर का कल जन्मदिन था और वो हो गए हैं 61 साल के और सलमान खान आज हो गए 52 साल के। जैसा कि सब जानते हैं साल 2017 बॉलीवुड फिल्मों के लिए अच्छा नहीं रहा। इस साल ऐसी ऐसी फिल्में आई और फ्लॉप हो गई जिनसे लोगों को अच्छी खासी कमाई करने की उम्मीद थी। हालांकि इस साल के आखिर में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने राहत दी, जिस कारण अभी भी फिल्म उद्योग में खुशी का माहौल बना हुआ है। टाइगर जिंदा है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा क्रॉस करेगी। पहले हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाई जाती थी, लेकिन सलमान खान की इस फिल्म में दो देशों को एक साथ मिलाने का काम किया गया है, क्योंकि पिछले 7 दिनों में ही सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने सभी कमाऊ फिल्मों को धूल चटा दी है। फुकरे रिटर्न 76 करोड़, तुम्हारी सुल्लू 36 करोड़, सीक्रेट सुपरस्टार 63 करोड़, जुड़वा 2 138 करोड़, शुभ मंगल सावधान
43 करोड़, बादशाहों 78 करोड़, बरेली की बर्फी 34 करोड़, टॉयलेट एक प्रेम कथा 134 करोड़, जब हैरी मेट सेजल 64 करोड़, जग्गा जासूस 54 करोड़, ट्यूबलाइट 119 करोड़, हिंदी मीडियम 69 करोड़, जॉली एलएलबी 2 117 करोड़, रहीस 137 करोड़, काबिल 103 करोड़। आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म गोलमाल अगेन की लाइफटाइम कलेक्शन को भी 7 दिनों में क्रॉस कर गई है। इस फिल्म ने 205 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया था। टाइगर जिंदा है फिल्म इसलिए सुपरहिट साबित हो रही है क्योंकि ये फिल्म रोमांस, लव और एक्शन से भरपूर है और साथ ही साथ ये फिल्म दो देशों को एक साथ मिलाने का काम कर रही है। क्योंकि टाइगर जिंदा है फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ अभी भी सिनेमा घरों की तरफ रुख कर रही है। ये फिल्म भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही है। इसलिए फिल्म समीक्षकों का मानना है कि ये फिल्म 3000 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी। बाहुबली द कंक्लूजन को कैसे पीछे किया टाइगर जिंदा है ने, दंगल भी पीछे रह गई टाइगर जिंदा है के आगे, और फिल्म का कितना रहा 13वें और 14वें दिन का कलेक्शन, फिल्म टाइगर जिंदा है ने कैसे बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड और किस तरह ये फिल्म 6500 करोड़ क्लब को क्रॉस कर जाएगी, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो फाइनली सलमान खान बन ही गए बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पे नंबर वन और सबको दिखा दिया कि टाइगर आखिर टाइगर ही होता है और अपनी हर दहाड़ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी ही ये फिल्म दहाड़ मारती रही तो जरूर ये फिल्म एक दिन बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल के लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। ये सभी फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल लगातार 8 वीक तक चली थी और अगर टाइगर जिंदा है भी ऐसी चली तो जरूर लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात की थी टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 13वें और 14वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि वो कौन सी फिल्म है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक नंबर वन पे है, नंबर टू पे और नंबर थ्री पे है। तो आजकल जो दहाड़ रही है बॉक्स ऑफिस पे उसकी बात करते हैं, मतलब कि टाइगर जिंदा है की। तो टाइगर जिंदा है का 13वें दिन का कलेक्शन है 5,84,00,000 और 14वें दिन का कलेक्शन है 5,09,00,000। इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 293,92,00,000। उसके बाद नाम आता है उस फिल्म का जिसे चाइना में सबसे ज्यादा स्क्रीन मिले और चाइना में कलेक्शन करने के बाद ये फिल्म नंबर वन बन गई इंडियन बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के मामले में और साथ ही ये इंडिया की पहली फिल्म बन गई जो 2000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। ये वही फिल्म है जिसने इंडियन फिल्मों को इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे लाके खड़ा कर दिया और एक नई पहचान दी कि बॉलीवुड फिल्में भी हॉलीवुड फिल्मों जितना बिजनेस कर सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म दंगल के बारे में। इस फिल्म का 13वें दिन का कलेक्शन था 9,23,00,000 और 14वें दिन का कलेक्शन था 9,12,00,000 और इस फिल्म का 14 दिन तक का टोटल होता है 313 करोड़। रोहित शेट्टी फिल्म गोलमाल अगेन ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें अजय देवगन, तुषार कपूर, तब्बू, परिणीति चोपड़ा, अरशद वारसी, प्रकाश राज और नील नितिन मुकेश। इस फिल्म में ऐसा लगता है कि आधा बॉलीवुड आ गया है और इस फिल्म ने 13वें दिन कलेक्शन किया था 3,78,00,000 का और 14वें दिन 3,38,00,000 का और इस फिल्म का 14 दिन तक का टोटल होता है 170,10,00,000। बाहुबली द कंक्लूजन ये एक बहुत बड़े बजट की मूवी थी और इस फिल्म के हर एक सीन पर बहुत ही खास काम किया गया था, यहाँ तक इस फिल्म के लिए एक नई लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। इस फिल्म का 13वें दिन कलेक्शन था 17,25,00,000 और 14वें दिन 12,75,00,000 और इस फिल्म का 14 दिन तक का टोटल होता है 384 करोड़। इस रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर जिंदा है नंबर तीन पे है, दंगल नंबर टू पे और बाहुबली द कंक्लूजन नंबर वन पे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि कैसे टाइगर जिंदा है ने दोनों फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो आइए जानते हैं। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। शुरुआत के 12 दिनों में फिल्म ने 280 करोड़ का बिजनेस किया और जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कमाई के मामले में सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने हिंदी सिनेमा की दो सबसे बड़ी फिल्मों को बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ हम बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल की ओवरऑल कमाई की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि रिलीज के दूसरे सोमवार के कलेक्शन की बात कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के दूसरे सोमवार टाइगर जिंदा है ने करीब 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और इसी के साथ सलमान की फिल्म ने दोनों फिल्म का रिकॉर्ड ब्रेक किया। बता दें दूसरे सोमवार बाहुबली के खाते में 16,53,00,000 आए और दंगल के 12,97,00,000। 21 दिसंबर को रिलीज हुई टाइगर जिंदा है ने शुरुआती दो दिन में 50 करोड़, 3 दिन में 100 करोड़ और 4 दिन में 150 करोड़, 7 दिन में 200 करोड़ और 10 दिनों में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।
अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी ये फिल्म साल 2012 में आई एक था टाइगर की सीक्वल है। एक था टाइगर का कुल बजट था 75 करोड़। वहीं सलमान खान की फीस को छोड़कर टाइगर जिंदा है का कुल बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है। रिलीज के चौथे दिन ही फिल्म अपनी लागत निकालने में कामयाब रही। सुपरस्टार सलमान खान के फिल्म टाइगर जिंदा है को रिलीज हुए 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिल्म का क्रेज दर्शकों के बीच अभी भी बरकरार है। इसका अंदाजा आप फिल्म के कलेक्शन से लगा सकते हैं। पहले हफ्ते में फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने के बाद सलमान कैटरीना की ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने को तैयार है। हॉलीडे पे ताबड़तोड़ कमाई करने के बाद वीकेंड पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के मुताबिक फिल्म ने बुधवार को 5 करोड़ 84 लाख का बिजनेस किया और बृहस्पतिवार को 5 करोड़ 9 लाख का। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई होती है 293 करोड़ 92 लाख। जिस रफ्तार से टाइगर जिंदा है कमाई कर रही है उससे साफ है कि फिल्म जल्द ही सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। बता दें कि सुल्तान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ 45 लाख का बिजनेस किया था और टाइगर जिंदा है ने पहले हफ्ते 206 करोड़ का कलेक्शन किया और वही फिल्म ने दूसरे हफ्ते में 293 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी के साथ फिल्म ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये फिल्म फिजी में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म बन चुकी है। इन सारे आंकड़ों को देखा जाए और हिसाब लगाया जाए तो कहा जा सकता है कि ये फिल्म 6,500 करोड़ क्लब को बहुत जल्द ही क्रॉस कर जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दें और फिल्म से रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। टाइगर जिंदा है ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? वो कौन सी फिल्म है जिसका शिकार किया टाइगर ने? ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिनका रिकॉर्ड तोड़ सकती है सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है? फिल्म का कितना रहा 15 और 16वें दिन का कलेक्शन? कैसे फिल्म टाइगर जिंदा है करेगी 7,000 करोड़ का बिजनेस? और क्या शाहरुख खान की फिल्म जीरो आने वाले समय में सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है को बॉक्स ऑफिस पे टक्कर दे सकती है या नहीं, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। बॉक्स ऑफिस पर 16 दिन का सफर कर चुकी फिल्म टाइगर जिंदा है। क्रिसमस पर रिलीज हुई फिल्म टाइगर जिंदा है का बोलबाला है आजकल बॉक्स ऑफिस पे और फिल्म धुआंधार बिजनेस कर रही है और एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। फिल्म ने 10 दिन में ही 400 करोड़ की आंकड़े को पार कर चुकी है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में देखे तो फिल्म ने दूसरे दिन 50 करोड़ और तीसरे दिन 100 करोड़ का बिजनेस किया था। और इन बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों को देख के कह सकते हैं कि सलमान खान साल 2017 के लास्ट में आए, लेकिन उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो टाइगर का टाइटल है या जो खिताब है वो सिर्फ सलमान के पर ही शूट करता है। तो बात करते हैं 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों ने 15 और 16वें दिन कितने का बिजनेस किया और जानते हैं क्या रहा रिपोर्ट टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पे और कौन सी फिल्म है आगे और कौन सी फिल्म है सबसे पीछे, जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं टाइगर जिंदा है से। वैसे तो सलमान खान उन एक्टरों की लिस्ट में शामिल है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देते हैं और अपनी इस फिल्म के साथ सलमान ने बहुत से नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। पिछले 7 सालों से सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पे जलवा दिखाया है जो कि फिलहाल कुछ सालों के लिए रुकने वाला नहीं है। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट से थोड़ा ब्रेक जरूर लगा था पर टाइगर जिंदा है ने उस फिल्म का भी कसर पूरा कर दिया। फिल्म ताबड़तोड़ सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही है। 2017 का एंड और 2018 की धमाकेदार शुरुआत कर चुकी है ये फिल्म और ये फिल्म हर रोज शिकार पे निकलती है। फिल्म ने 15वें दिन कलेक्शन किया था 3 करोड़ 72 लाख का और 16वें दिन 5 करोड़ 60 लाख का और इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 300 करोड़ 89 लाख। और इसी के साथ फिल्म टाइगर जिंदा है ने सुल्तान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि टाइगर जिंदा है ने सुल्तान का शिकार कर दिया है और ये फिल्म 300 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली 5वीं बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है। पहले फिल्म है मतलब कि जो टॉप पे है वो है दंगल, उसके बाद पीके, फिर है बजरंगी भाईजान, उसके बाद सुल्तान, लेकिन 300 करोड़ क्लब में एक और फिल्म का नाम जुड़ गया है और वो फिल्म है टाइगर जिंदा है। और अगर ये फिल्म ऐसी ही चलती रही तो एक दिन उम्मीद है कि ये फिल्म दंगल और पीके का भी इंडियन बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब बात करते हैं बाहुबली का कंक्लूजन की। फिल्म ने 15वें दिन कलेक्शन किया था 10 करोड़ 5 लाख का और 16वें दिन 14 करोड़ 75 लाख का। तो इस फिल्म 16 दिन तक का टोटल होता है 400 करोड़ 80 लाख। गोलमाल अगेन, इस फिल्म ने 15वें दिन कलेक्शन किया था 2 करोड़ 4 लाख का और 16वें दिन 3 करोड़ 70 लाख का। इस फिल्म का 16 दिन तक का टोटल होता है 175 करोड़ 74 लाख। दंगल, इस फिल्म ने 15वें दिन कलेक्शन किया था 6 करोड़ 66 लाख और 16वें दिन 10 करोड़ 80 लाख का। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म टाइगर जिंदा है नंबर 3 पे है, दंगल नंबर 2 पे और बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे। अब बात करते हैं कि कैसे ये फिल्म 7000 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। तो टाइगर जिंदा है जब रिलीज हुई थी तो उसके पास 4600 स्क्रीन्स थे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड को मिला के 5700 और फिल्म ने अपने दूसरे वीक में 300 करोड़ का बिजनेस करके ये दिखा दिया कि फिल्म को 7000 करोड़ क्लब को छूने से कोई नहीं रोक सकता। फिल्म का दर्शकों के बीच उत्साह बनाए रखने के लिए और फिल्म बाकी के कंट्रीज में रिलीज हो जाए, इसके
इसके लिए YRF की टीम बहुत से पैतरे आजमा रही है और उन पैतरों में से एक पैतरा है कि YRF की टीम सीन्स मेकिंग, सॉन्ग्स मेकिंग और फिल्म के खास पलों को YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। जहां एक तरफ YRF की टीम अपने दर्शकों के लिए फिल्म मेकिंग की वीडियोस अपडेट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान ने अपने फैंस के लिए अपने फिल्म जीरो का टीजर लॉन्च किया है। साल की शुरुआत शाहरुख खान की टीजर से शुरू हुआ था और पिछले साल का इन सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है से शाहरुख खान की फिल्म का नाम है जीरो। ये शब्द सुनने के बाद दिमाग में अनगिनत ख्याल आते हैं, अनगिनत सवाल आते हैं कि फिल्म का नाम जीरो क्यों रखा गया, शाहरुख खान के फिल्म में बौना होना और इस जीरो का क्या ताल्लुक है, ये तो फिल्म के ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। तो बात करते हैं शाहरुख खान के फिल्म के टीजर की। तो इसे 7 दिनों में 13 मिलियन व्यूज मिले हैं और इस टीजर ने सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के टीजर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि टाइगर फिल्म की टीजर के नाम पे सिर्फ एक म्यूजिक लॉन्च हुआ था और उस टीजर को 2 महीने हो गए हैं और उसको व्यूज मिले हैं सिर्फ 8 लाख, जहां जीरो के टीजर को 26,500 कमेंट मिले हैं, वहीं टाइगर जिंदा है को सिर्फ 950 कमेंट मिले हैं। फिल्म टाइगर में 2 स्टार हैं, सलमान खान और कैटरीना कैफ, तो वहीं जीरो में 3 स्टार हैं, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा। इन तिगड़ी की पहले भी एक फिल्म आई थी जिसका नाम है जब तक है जान। फिल्म का बजट था 78 करोड़ और इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 211 करोड़, मतलब कि इनकी जोड़ी ऑलरेडी पहले से ही सुपर हिट है और ये जोड़ी फिर से 6 साल बाद आ रही है। फिल्म जीरो साल के एंड में आ रही है और फिल्म को कमाने के लिए काफी समय मिलेगा, लेकिन बीच में एक अड़चन आएगी रणवीर सिंह के नाम की, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म के बिजनेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप क्या उम्मीद करते हैं फिल्म जीरो से, कि फिल्म कैसा बिजनेस करेगी और क्या टाइगर को टक्कर दे पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं। टाइगर जिंदा है ने कितने का किया बिजनेस 27 और 28वें दिन। फिल्म टाइगर कब रिलीज होगी चाइना में और पाकिस्तान में कब रिलीज होगी टाइगर, और बहुत से व्यूवर्स ने पूछा था कि ये फिल्म चाइना में कब रिलीज होगी या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे थे, और वो ये लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, रोहित रसैली, विशाल शाह, रवि गौतम और संजू थापा, और भी बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैं इस टॉपिक पे या इन सभी सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो के एंड में। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा था कि मैं पीके और टाइगर के कलेक्शन को कंपेयर करूं और पूछा था कि क्या फिल्म टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। साथ ही बात करेंगे टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में और वो कौन सी फिल्म है यशराज प्रोडक्शन की जिसने बहुत ही कम समय में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, और साथ ही टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के कुछ फेमस और अटपटे डायलॉग्स या सीन्स की बात करेंगे जो ऑडियंस और व्यूवर्स को सबसे ज्यादा पसंद आए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स दंगल, बाहुबली द कंक्लूजन, गोलमाल अगेन, और जैसा कि आप सभी लोगों ने पीके का नाम लिया था तो इस रिपोर्ट में पीके को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो टाइगर जिंदा है ने कलेक्शन किया था 27वें दिन 88 लाख का और 28वें दिन 77 लाख, और फिल्म का अब तक का टोटल होता है 330 करोड़ 5 लाख। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म ने 27वें दिन बिजनेस किया था 2 करोड़ 70 लाख का और 28वें दिन 2 करोड़ 70 लाख का, तो इस फिल्म का 28 दिन तक का टोटल होता है 486 करोड़ 40 लाख। दंगल, इस फिल्म ने बिजनेस किया था 27वें दिन 1 करोड़ 16 लाख का और 28वें दिन 1 करोड़ 4 लाख का, और इस फिल्म का 28 दिन तक का टोटल होता है 375 करोड़ 1 लाख। इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है हिंदी बॉक्स ऑफिस पे 383 करोड़ 10 लाख। गोलमाल अगेन, इस फिल्म ने बिजनेस किया था 27वें दिन 39 लाख का और 28वें दिन 40 लाख का, टोटल होता है 28 दिन का 202 करोड़ 80 लाख का। बात करते हैं इस फिल्म के मजेदार डायलॉग्स के बारे में। तो फिल्म के लास्ट में जहां सबको पता चलता है कि खुशी यानी कि परिणीति चोपड़ा भूत हैं, और जब एंट्री होती है बबली भाई की, और लक्ष्मण यानी कि श्रेयस तलपड़े बबली भाई को कहते हैं कि बबली सर प्लीज यहां से कल टी हो जाओ। कल टी क्यों, मैं आज टी पीऊंगा, तो ऐसे रिप्लाई करते हैं हमारे बबली भाई। मजेदार है ना। सभी टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे दंगल और नंबर 3 पे टाइगर जिंदा है। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में पीके को टाइगर से कंपेयर करने को कहा था, तो आमिर खान की पीके, इस फिल्म ने 27वें दिन बिजनेस किया था 1 करोड़ 10 लाख का और 28वें दिन 92 लाख का, और इस फिल्म का 28 दिन तक का टोटल होता है 333 करोड़ 81 लाख, और इस फिल्म का लाइफ टाइम हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 340 करोड़ 80 लाख। और दूसरी तरफ टाइगर का टोटल कलेक्शन है सिर्फ इंडिया में 330 करोड़ 5 लाख। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म आराम से पीके का रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि अभी टाइगर जिंदा है PVR के स्क्रीन पे लगी है और अभी वीकेंड भी है, तो इस फिल्म का कलेक्शन वीकेंड में रफ्तार पकड़ेगा और एट द एंड शायद पीके को पीछे या यूं कह कि पीके का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और बात करें इस फिल्म के मजेदार सीन के बारे में, तो आमिर खान और अनुष्का दोनों जेल में बंद होते हैं और आमिर खान अपनी भाषा में समझा रहे होते हैं, यहाँ तो बोलते कुछ है और मतलब कुछ और निकलता है, एक ही शब्द के चाचा मतलब, ऐसे मुंडी हिलाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड, आप बड़ी करके बोलो अच्छा है, मतलब शाक में है,
तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा शक, फिर गुस्सा आता है तो आवाज लाउड हो जाती है। अच्छा हम कौन सिखा रिया है। अच्छा, और इन सभी बातों पे अनुष्का का रिएक्शन, मैं किस पागल के यहाँ फंस गई। वो इरिटेट होती है, सर को अपने हाथों पर पटकती है। तो ये वो सीन था जो काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग था, जो लोगों को पसंद आया था। कमेंट में लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि क्या फिल्म चाइना में रिलीज होगी या नहीं। तो उससे पहले चाइना फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि चाइना कब, कैसे और किस बात को ध्यान रखते हुए बाहर की फिल्म रिलीज करती है। तो सबसे पहले बता दूं कि चाइना में बाहर की फिल्म एक साल में सिर्फ 34 रिलीज हो सकती हैं, चाहे वो हॉलीवुड फिल्म हो या तालिबान या फिर पाकिस्तान मींस की लॉलीवुड या फिर बॉलीवुड हो, सिर्फ 34 फिल्म ही रिलीज हो सकती हैं। और इन सभी इंडस्ट्रीज को भी डिवाइड कर रखा है कि किस इंडस्ट्री से कितनी फिल्म आएंगी और रिलीज होंगी। तो इन 34 फिल्म में से इंडिया की सिर्फ 4 फिल्म रिलीज हो सकती हैं, वो भी एक साल में। तो जो 2017 में चाइना में बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, दंगल, बाहुबली द कंक्लूजन, ट्यूबलाइट और सुल्तान। देखा जाए तो सलमान खान की एक साल में 2 फिल्म रिलीज हुई हैं, मतलब कि सलमान खान के चाहने वाले चाइना में भी भारी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ तक कि सलमान खान की फिल्म चाइना के लोगों को इतनी पसंद आई कि शंघाई फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान की फिल्म सुल्तान विनर रही थी, जबकि सामने थे सलमान खान के जैकी चैन। फिर भी शंघाई फिल्म फेस्टिवल में उन्हें बेस्ट एक्शन के लिए अवार्ड मिला था। और जैसे कि आप लोगों ने पूछा था कि फिल्म चाइना और पाकिस्तान में रिलीज होगी या नहीं, तो चाइना में फिल्म इसलिए रिलीज नहीं हो पाएगी क्योंकि इस साल का 2017 का कोटा फुल हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये फिल्म नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। 2018 में इंडिया की पहली फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार चाइना में रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म रिलीज हुई थी 19 जनवरी को। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बता दूं कि चाइना बिग बजट की मूवी सबसे ज्यादा रिलीज करता है और इसीलिए बॉलीवुड के मुकाबले हॉलीवुड की फिल्म ज्यादा रिलीज होती है चाइना में। और चाइना बोर्ड ये भी देखता है कि फिल्म में ज्यादा फाइट सीन ना हो, इंटीमेट सीन ना हो, स्पेशल इफेक्ट्स का यूज ना किया गया हो और भी बहुत कुछ देखा जाता है। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो ये फिल्म टाइगर जिंदा है पाकिस्तान में बैन हो चुकी है, मतलब कि ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो सकती। लेकिन जिस वजह से बैन किया गया था या जिस सीन को लेकर बैन किया गया था, वो सीन या वो वजह फिल्म में कहीं नहीं दिखी। पाकिस्तान बोर्ड को लगता था कि फिल्म में पाकिस्तान की इमेज को गिराया गया है और इस फिल्म की वजह से वहां की अमन और शांति खराब हो सकती है। पर फिल्म में जब ऐसा कोई सीन नहीं मिला या फिर फिल्म देखने के बाद लोगों को लगा कि सलमान खान या वो सभी लोग जो फिल्म या आर्ट फील्ड से जुड़े हैं, वो सभी लोग दोनों देशों को एक साथ देखना चाहते हैं। और बता दूं कि इस फिल्म पे अभी भी बातचीत चल रही है कि फिल्म रिलीज करनी है या नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। और मैंने कहा था कि वो कौन सी फिल्म है यशराज प्रोडक्शन की जिसने कुछ ही दिनों में एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया, तो उस फिल्म का नाम है टाइगर जिंदा है। जी हाँ, इस फिल्म ने मात्र 24 दिनों में ही 540 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय दें और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें, उस कमेंट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ फिल्म्स के सीन्स या फेमस और अटपटे डायलॉग्स के बारे में बात करी, तो हम अपनी आने वाली वीडियोस में भी बॉलीवुड के ऐसे कुछ मजेदार सीन्स या उनके अटपटे और फेमस डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे। और आपको इन फिल्मों के कौन से सीन्स पसंद आए या अच्छे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कितने लोग मौजूद हैं और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां निकाल दी ये समझने के लिए कि कैसे वो फिल्म बने जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो, और कितने लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि कितना एक्शन डालें और कितना रोमांस डालें या किस स्टार के साथ फिल्म बनाएं कि कामयाबी की बुलंदी को छुए। लगता है कि वो फार्मूला मिल गया है, क्योंकि यह टाइगर जिंदा है की बात करें तो देखते हैं सलमान खान, कैटरीना कैफ और अली जफर, ये तीनों इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं। परंतु सलमान खान का मानना है कि 100 करोड़ के क्लब को तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है और हिट फिल्म का कोई फार्मूला नहीं होता। यदि हिट फिल्म का कोई फार्मूला होता तो इस इंडस्ट्री में फिल्में फ्लॉप नहीं होती। उनका मानना है कि उन्होंने जिस तरह से बचपन में फिल्में देखी थी और जिस किस्म की फिल्में देखी थी उसी तरह की फिल्में करना पसंद करते हैं। और जब सलमान खान से यह पूछा गया कि आपकी फिल्म 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर गई है, तो उनका कहना है कि बस दर्शकों का प्यार है जो हमारी फिल्में कामयाब हो रही है। बॉक्स ऑफिस पर टाइगर की दहाड़ जारी है, आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई करते जा रही है। अगर हम इस फिल्म की बात करें तो कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें दर्शक दोबारा देखने के लिए सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रहे हैं। इस फिल्म में जहां भी टाइगर की एंट्री होती है वहां पर जोया उनको बचाने के लिए आ जाती है। इस सीन के लिए कैटरीना का कहना है, मुझे बेहद खुशी मिली शूटिंग के दौरान इन सीन को शूट करने में। सलमान खान की फिल्म सुल्तान और बजरंगी भाईजान इससे पहले 300 करोड़ के क्लब को पार कर चुकी है। अगर मीडिया और सोशल मीडिया की बात माने तो
टाइगर जिंदा है 5,000 करोड़ या 7,000 करोड़ के क्लब को पार कर जाएगी, क्योंकि इंडिया में सलमान खान ही इकलौते एक्टर हैं जो हॉलीवुड के एक्टरों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते। कुछ लोगों का कहना है 7,000 करोड़ के क्लब को कैसे पार करेगी, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि इंडिया में पहले फिल्में 100 करोड़ के क्लब को भी नहीं पार कर पाती थी, लेकिन आजकल 100 करोड़ के क्लब को आसानी से छू लेती। तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की फिल्में 7,000 करोड़ के क्लब को आसानी से पार कर जाएंगी। फिल्म टाइगर जिंदा है कैसे करेगी 7,500 करोड़ का बिजनेस? फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया 25 और 26वें दिन? टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में से वो कौन सी फिल्म है जो अभी भी अपनी पोजीशन कायम रखने में कामयाब है? और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके कहा था कि आमिर खान की फिल्म पीके का कलेक्शन और टाइगर के कलेक्शन कंपेयर करने को, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि क्या टाइगर आमिर खान की फिल्म पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, और बात करेंगे उन टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के कुछ अटपटे और कुछ फेमस डायलॉग्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। ये बात तो सही है। फिल्म में जिस तरह सलमान ने ये डायलॉग बोला था, सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज गया था। सिर्फ यही डायलॉग नहीं, बल्कि तब भी जब फिल्म के एंड में सलमान कहते हैं कि उस्मान अगर तुझमें दम है तो तू अब मुझे रोक के दिखा। भाईजान ने जिस इंटेंस लुक के साथ बोला था, OMG। ये फिल्म रिलीज हुई थी 22 दिसंबर को और तब से लेके आज तक ये फिल्म बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। इस बीच बहुत सी फिल्में आई जैसे कि 1921, डाउन ऑफ द एग्जिट 796, कालाकंडी और मुक्केबाज, लेकिन ये सभी फिल्म टाइगर के कलेक्शन के रफ्तार को रोक नहीं पाई। टाइगर जिंदा है फिल्म ने 25वें दिन बिजनेस किया था 1,36,00,000 का और 26वें दिन 1,02,00,000 का। फिल्म का अब तक का टोटल होता है 328,09,00,000। फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया है सिर्फ 26 दिन में 328,09,00,000 का। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म का फेमस डायलॉग, देवसेना को किसी ने भी हाथ लगाया तो समझो कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया, और गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं तो उसका गला। इस फिल्म के डायलॉग्स अमेजिंग। इस फिल्म ने इंडिया में 25वें दिन कलेक्शन किया था 2,90,00,000 का और 26वें दिन 2,80,00,000 का, और इस फिल्म का 26 दिन तक का टोटल होता है 481 करोड़। गोलमाल अगेन, इस फिल्म का सबसे अच्छा और अटपटा डायलॉग जब श्रेयस तलपड़े अजय देवगन को समझाते हैं और कहते हैं कि जैसे क्रिसमस पे सब लोग बोलते हैं ना कि संता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा, और भी बहुत से मजेदार डायलॉग्स हैं इस फिल्म के। इस फिल्म ने 25वें दिन कलेक्शन किया था 41,00,000 का और 26वें दिन 50,00,000 का, और इस फिल्म का 26 दिन तक का टोटल होता है 202 करोड़। दंगल, इस फिल्म का बेस्ट डायलॉग, मारी छोरियो छोरों से कम है के, इसी बात के ऊपर पूरी फिल्म थी और ये बात खुद गीता और बबीता ने फिल्म में प्रूव कर दिया था। इस फिल्म में 25वें दिन बिजनेस किया था 1,37,00,000 का और 26वें दिन 1,27,00,000 का, और फिल्म का 26 दिन तक का टोटल होता है 372,57,00,000। तो दोस्तों, ये तो रहे रिपोर्ट टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे है और ये फिल्म अपनी पोजीशन बनाए रखने में कायम है। नंबर 2 पे है दंगल और नंबर 3 पे है टाइगर जिंदा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट करके कहा था कि टाइगर जिंदा है के कलेक्शन और आमिर खान की फिल्म पीके के कलेक्शन कंपेयर करने को, तो आमिर खान की फिल्म पीके ने 25वें दिन कलेक्शन किया था 1,41,00,000 का और 26वें दिन 1,24,00,000 का, और इस फिल्म का 26 दिन तक का टोटल होता है 331 करोड़। और जैसे कि ये फिल्म, मतलब कि टाइगर जिंदा है फिल्म, जैसे कलेक्शन कर रही है, तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये फिल्म आराम से पीके का शिकार कर देगी। और देखा जाए तो टाइगर ने ट्रेलर और टीजर व्यूज के मामले में पीके का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि ये फिल्म कैसे 7,500 करोड़ का बिजनेस करेगी, फिल्म ने इंडिया में बिजनेस किया है 328 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड 565 करोड़ का, और अभी बहुत सी कंट्रीज के कलेक्शन के रिपोर्ट्स आए नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ट्रेलर के व्यूज से फिल्म को कितना फायदा हुआ, टीजर से, फिल्म मेकिंग वीडियो से, तो अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आई। और हमने लोगों से पूछा था तो बहुत से लोगों ने अपनी राय देते हुए कहा था कि ये फिल्म आराम से 10,000 करोड़ तक का बिजनेस करेगी, और सही बात है। जैसा लोग फिल्म को लेके सोच रहे हैं कि फिल्म एक साल और चलेगी या फिर फिल्म पाकिस्तान, रशिया और चाइना और भी बहुत सी कंट्रीज में रिलीज नहीं हुई, तो फिल्म जब भी रिलीज होगी, फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस इतना हो
सकता है। और जैसे लोगों का फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस है, उसे देख के कह सकते हैं कि शायद ये फिल्म जरूर 7,500 करोड़ का बिजनेस करेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे, और फिल्म से रिलेटेड कुछ भी पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। क्या बाहुबली द कंक्लूजन का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी टाइगर जिंदा है? क्या टाइगर जिंदा है दंगल फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? 2017 के सभी टॉप फिल्मों का कैसा रहा बिजनेस 10वें दिन, और फिल्म टाइगर जिंदा है कैसे 5,000 करोड़ का बिजनेस करेगी वर्ल्ड वाइड में, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में टाइगर जिंदा है, बाहुबली द कंक्लूजन, गोलमाल अगेन और दंगल, इन सभी फिल्मों के 8वें और 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात की थी। इन फिल्मों ने कितने का बिजनेस किया 8वें और 9वें दिन, और फिल्म का टोटल कलेक्शन कितना हुआ अब तक का, और वो कौन से फिल्म्स हैं जो टॉप 3 में हैं बिजनेस के मामले में, उन वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें। सलमान खान मेरा फेवरेट हीरो है, तो सबसे पहले मैं सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के बिजनेस के बारे में बात करूंगा। टाइगर जिंदा ने बिजनेस किया था 10वें दिन इंडिया में 22 करोड़ 23 लाख का। फिल्म का 10वें दिन तक का टोटल होता है 254 करोड़ 75 लाख इंडिया में। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म का इंडिया में 10वें दिन का कलेक्शन था 34 करोड़ 5 लाख। फिल्म का 10वें दिन तक का टोटल होता है 327 करोड़। गोलमाल अगेन का 10वें दिन का कलेक्शन है 13 करोड़ 58 लाख। फिल्म का 10वें दिन तक का टोटल होता है 153 करोड़ 93 लाख। दंगल, इस फिल्म ने बिजनेस किया था 10वें दिन 31 करोड़ 27 लाख का। फिल्म का 10वें दिन तक का टोटल होता है 260 करोड़। तो ये तो रही टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के टॉप रिपोर्ट्स, और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि फिल्म टाइगर जिंदा है थर्ड नंबर पे है, और सेकंड पे है दंगल, और नंबर वन पोजीशन पे है बाहुबली द कंक्लूजन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि ये फिल्म 5000 करोड़ का बिजनेस कर जाएगी, और मैंने लोगों से राय मांगी थी कि उनका क्या कहना है। तो सलमान खान के बहुत से फैंस ने कहा था कि ये फिल्म 5000 करोड़ क्या 10000 करोड़ तक का बिजनेस कर जाएगी, जैसे कि अवेश खान ने कमेंट में 5000 करोड़ लिखा है, सलीम खान ने 10000 करोड़, इदरीस खान दवार ने लिखा है 5000 करोड़ वर्ल्ड वाइड। सॉरी दोस्तों अगर मैंने इनमें से किसी का भी नाम गलत लिया हो तो उसके लिए, और मैं बताना चाहूंगा कि ये कोई फिल्म के क्रिटिक्स नहीं है और ना ही फिल्म के एनालिस्ट्स है, ये एक सच्चे फैन से सलमान खान के, जो फिल्म के नेगेटिविटी को हटा के फिल्म के पॉजिटिविटी को देखते हैं। ये तो हमें भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये फिल्म इतने का बिजनेस कर जाए, लेकिन हम अपनी फिल्मों के सपोर्ट में हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन अभी आगे चल रही है बिजनेस के मामले में, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है। फिल्म बाहुबली और दंगल दोनों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है फिल्म टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है फिल्म चाइना और पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। और करें दंगल के रिकॉर्ड्स की, तो दंगल चाइना में 9000 स्क्रीन्स पे रिलीज हुई थी, और इस फिल्म ने बिजनेस किया था चाइना में 1500 करोड़ का। बाहुबली द कंक्लूजन, इस फिल्म को चाइना में स्क्रीन्स मिले थे 6000, और इस फिल्म ने कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड 1700 करोड़ का, और हिंदी वर्जन में फिल्म ने बिजनेस किया था सिर्फ 500 करोड़ का। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और सलमान खान के फैंस के पॉजिटिविटी को लेके हमने ये अनुमान लगाया कि ये फिल्म टाइगर जिंदा है 5000 करोड़ का बिजनेस करेगी। और जब टाइगर जिंदा है इतने बड़े स्क्रीन पे रिलीज होगी चाइना और पाकिस्तान में, तो जरूर ये फिल्म बाहुबली और दंगल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और अपनी राय देने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है एक और नए रिकॉर्ड के करीब पहुंचने वाली है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अभी तक फिल्में 100 या 200 करोड़ क्लब में शामिल होती आई हैं, लेकिन अब 300 करोड़ क्लब में शामिल होने की टक्कर है। सलमान खान की ये फिल्म भी घरेलू सिनेमा घरों में 300 करोड़ रुपए कमाने के करीब पहुंच चुकी है। 300 करोड़ क्लब में शामिल होते ही सलमान खान इकलौते एक्टर बन जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा 300 करोड़ की फिल्में दी है। अभी तक आमिर खान की फिल्म दंगल और पीके ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाकर सलमान खान की बराबरी कर रखी है। सलमान खान की पिछली फिल्में बजरंगी भाईजान और सुल्तान ने 300 करोड़ रुपए कमाए थे। सलमान खान की टाइगर जिंदा है भारत समेत दुनिया भर में कमाई के नए कीर्तिमान बना रही है, और उसका तहलका बरकरार है क्योंकि इस फिल्म में एकता और सद्भावना का संदेश दिखाया गया है। इसीलिए ये फिल्म फिजी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने धूम 3 को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर इसी तरह कमाई करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये फिल्म 6000 करोड़ क्लब को भी पार कर जाएगी। पाकिस्तान और चाइना में कब रिलीज होगी टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान और सुल्तान?
फिल्म ने कितने का बिजनेस किया 8वें और 9वें दिन और कौन सी फिल्म टॉप पे है 2017 में, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। सलमान खान की फिल्म अभी तक 2017 में सेकंड टॉप पे चल रही है और बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के 7वें दिन के कलेक्शन के बारे में बात की थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूंगा फिल्म के 8वें और 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में। और हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें। अभी हर जगह चर्चा है बस सलमान खान की, तो सबसे पहले सलमान खान की मूवी टाइगर जिंदा है के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। फिल्म के 8वें दिन का इंडिया में कलेक्शन है 11 करोड़ 56 लाख और 9वें दिन का है 14 करोड़ 92 लाख, तो इस फिल्म का इंडिया में टोटल होता है 232 करोड़ 52 लाख और ये फिल्म इंडिया में सेकंड नंबर पे है बॉक्स ऑफिस में। फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन जो कि 2017 की फिल्मों में नंबर 1 पे चल रही है कलेक्शन के मामले में, और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस फिल्म का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता है। फिल्म ने 8वें दिन बिजनेस किया था 20 करोड़ का और 9वें दिन बिजनेस किया था 26 करोड़ 50 लाख का और इस फिल्म का टोटल होता है 294 करोड़ इंडिया में। गोलमाल अगेन, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन था 7 करोड़ 25 लाख और 9वें दिन 10 करोड़ 61 लाख और इस फिल्म का अब तक का टोटल हुआ 223 करोड़। दंगल, इस फिल्म का कलेक्शन था इंडिया में 8वें दिन 18 करोड़ और 9वें दिन 22 करोड़ 72 लाख और इस फिल्म का टोटल हुआ इंडिया में 229 करोड़ 72 लाख। तो दोस्तों ये तो रही टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के रिपोर्ट्स, और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे है और टाइगर जिंदा है सेकंड नंबर पे। मेरी पिछली वीडियो में लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि फिल्म पाकिस्तान में कब रिलीज होगी। मैं बताना चाहूंगा कि टाइगर जिंदा है को लेके काफी विवाद हो रहे हैं पाकिस्तान में। खबरों के मुताबिक सलमान की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने फिल्म के कई सीन पर आपत्ति जताई और इसी वजह से फिल्म को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है। खबरों की माने तो फिल्म में पाकिस्तान की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान में कानून स्थापित करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव ढंग से दिखाया गया है। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी पूछा था कि बजरंगी भाईजान, सुल्तान और टाइगर जिंदा है फिल्म चाइना में कब रिलीज होगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि चाइना में एक कोटा होता है जिसके बेसिस पे बॉलीवुड फिल्म्स या कोई भी फॉरेनर फिल्म्स रिलीज होती हैं। जैसे कि फिल्म की कितनी डिमांड है, फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कैसा है और जो फिल्म रिलीज होगी उससे चाइना के ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सूत्रों की माने तो एक पॉलिटिशियन लेवल पे चाइना को देखे तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और इंडिया और यूएसए के अपोज में है। माना जाता है कि अगर फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई तो चाइना में भी रिलीज नहीं होगी, ऐसा सूत्रों को मानना है। अब देखना है कि आगे क्या होता है और रिलीज के मामले में फिल्म को अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि फिल्म्स की डिमांड है और फिल्म बिजनेस भी बहुत अच्छी कर रही है। टाइगर जिंदा है ने कितने का किया कलेक्शन 31वें और 32वें दिन, क्या रहा टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों का कलेक्शन 32 दिन तक का, कौन से फिल्म का शिकार करने वाली है टाइगर जिंदा है, जानेंगे फिल्मों की कुछ इंटरेस्टिंग बातें और बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस के क्लॉजेस, और हम बात करेंगे बॉलीवुड फिल्मों के कुछ ऐसे सीन्स और डायलॉग्स की जो लोगों को बहुत पसंद आए थे। और वीडियो के एंड में हमारे एक कमेंट सेक्शन होता है जहां हम पूछे गए इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं उनके नाम सहित, तो आइए बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। टाइगर जिंदा है को रिलीज हुए 32 दिन हो गए और अभी भी ये फिल्म दहाड़े मार रही है और फिल्म के कलेक्शन को देख के लगता है कि शेर अभी भी भूखा है। अभी ये फिल्म और बिजनेस करने को तैयार बैठी है सिनेमा घरों में और लगता है कि सभी फिल्मों का शिकार करेगी टाइगर जिंदा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे अभी भी बहुत अच्छी पकड़ बना रखी है, यहाँ तक कि देखा जाए जनवरी में रिलीज हुई फिल्मों से भी कहीं ज्यादा अच्छा कलेक्शन कर रही है। जनवरी में सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई थी 1921, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने और इस फिल्म का 1 वीक का कलेक्शन है सिर्फ 13 करोड़। काला कंडी, इस फिल्म का 1 वीक का कलेक्शन है 4 करोड़ 50 लाख और इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन है सिर्फ 1 करोड़ 5 लाख। जहां टाइगर जिंदा है ने 31वें दिन भी इस फिल्म से भी ज्यादा का बिजनेस किया। सलमान खान इंडिया में पॉपुलर तो है ही, लेकिन वो बाहर की कंट्रीज में भी उतने ही फेमस और पॉपुलर है जितना कि इंडिया में। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बाहर के देशों में सिर्फ 1100 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी और फिल्म ने एक महीने में ही अप्रोक्स 130 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और ये आंकड़ा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिल्म जितनी पुरानी हो रही है उतना ही कलेक्शन अच्छा कर रही है। बात करते हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस की। टाइगर जिंदा है ने 31वें दिन बिजनेस किया था 1 करोड़ 84 लाख का और 32वें दिन 71 लाख का और इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 334 करोड़ 21 लाख। बाहुबली 2, इस फिल्म ने बिजनेस किया था 31वें दिन 3 करोड़ 16 लाख का और 32वें दिन 1 करोड़ 34 लाख का और इस फिल्म का 32 दिन तक का टोटल होता है 493 करोड़ 91 लाख।
और हम आपको बता दें कि अभी तक बाहुबली 2 इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे महंगी फिल्म है। फिल्म का बजट था 250 करोड़ और फिल्म के सिर्फ ग्राफिक्स पे ही 85 करोड़ रूपए खर्च हुए थे। और इस फिल्म का सेट यूं कह कि किंगडम 200 एकड़ में तैयार किया गया था। 1000 से भी ज्यादा वर्कर्स ने लगातार 200 दिनों तक काम किया, तब कहीं जाके ये किंगडम तैयार हुआ था। दंगल इस फिल्म ने बिजनेस किया था 31वें दिन 2,83,00,000 का और 32वें दिन 94,00,000 का, और इस फिल्म का 32 दिन तक का टोटल होता है 390,16,00,000। और हम आपको बता दें कि जहां गीता और बबीता के कोच को नेगेटिव दिखाया गया है, गीता बबीता को डीमोटिवेट करते दिखाया गया था, तो हम आपको बता दें कि हमारी टीम ने रिसर्च किया और पता लगाया जो फिल्म में दिखाया गया था ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि रियल लाइफ में उनके कोच उन दोनों को बहुत मानते थे और मोटिवेट करते थे। बहुत पहले से ही महावीर सिंह फोगाट को जानते थे और उन लोगों के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता था। गीता के कोच उनकी शुरू से ही बहुत रिस्पेक्ट करते थे। गोलमाल अगेन इस फिल्म ने 31वें दिन बिजनेस किया था 43,00,000 का और 32वें दिन 11,50,000 का, और इस फिल्म का 32 दिन तक का टोटल होता है 204,91,00,000। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे दंगल और नंबर 3 पे है टाइगर जिंदा है। बात करते हैं कि क्या पीके का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, तो हम आपको बता दें कि टाइगर ने पीके का डे वाइज कलेक्शन का रिकॉर्ड फिर से तोड़ा है। जी हाँ, टाइगर का 31वें दिन का कलेक्शन था 1,84,00,000 और पीके का 1,27,00,000। और साथ ही टाइगर को अगर पीके का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ना है तो इसके लिए सिर्फ 6,60,00,000 का और बिजनेस करना होगा, जो कि शायद हमें लगता है कि आसानी से टूट जाएगा। अभी भी ये फिल्म टाइगर जिंदा है बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। ये फिल्म अभी भी ट्रैक पे है और देखा जाए तो अभी रिपब्लिक डे आ रहा है और उस दिन हॉलीडे है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि टाइगर के कलेक्शन में उछाल हमें जरूर देखने को मिलेगा। और अगर बात करते हैं टाइगर का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दिलवाले का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कंपेयर करें तो टाइगर को सिर्फ 67 करोड़ का कलेक्शन और करना होगा। मतलब कि दिलवाले का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 409 करोड़ और टाइगर का है इंडियन बॉक्स ऑफिस में 334 करोड़ 21 लाख। और अगर ये फिल्म टाइगर इतनी का कलेक्शन और कर लेती है तो बहुत ही आराम से ये फिल्म दिलवाले का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और अगर हम टाइगर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन मिलाते हैं तो टाइगर ने बहुत पहले ही इस फिल्म का शिकार कर दिया है। और अब बात करते हैं एक्टर्स एक्ट्रेस क्लॉजेस, मतलब कि क्या शर्त होती है उनके फिल्म साइन करने से पहले, और साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे सीन्स जो ऑडियंस के बीच पॉपुलर होते हैं या बहुत ही चर्चे में होते हैं। तो सबसे पहले क्लॉजेस, सोनाक्षी सिन्हा, उनका क्लॉज है नो इंटीमेट सीन और नो किसिंग सीन। करीना कपूर, इनका क्लॉज था शादी के बाद नो किसिंग नो बेडरूम सीन, लेकिन इनका ये क्लॉज टूट गया था बिकॉज ऑफ फिल्म की एंड का। ऋतिक रोशन, इनका क्लॉज है कि अगर ये एक्स्ट्रा शूट करते हैं शेड्यूल टाइम और शूट टाइम से ज्यादा तो फिर ऋतिक रोशन एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अक्षय कुमार, इनका क्लॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये संडे को शूट नहीं करते और हमें लगता है कि शायद कि अक्षय कुमार संडे के दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब बारी है कमेंट सेक्शन की, जहां लोगों द्वारा पूछे गए इंटरेस्टिंग सवालों के हम जवाब देते हैं। तो सबसे पहला नाम है एमडी नुशाद भाई, गोलमाल अगेन चाइना में रिलीज होगी क्या? दोस्त, जैसा कि चाइना में बॉलीवुड फिल्म्स एक साल में सिर्फ 4 रिलीज होती हैं, तो 3 फिल्म्स का नाम ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और यहां तक कि पहली मूवी रिलीज भी हो चुकी है। फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार और बाकी बची 2 फिल्म्स बजरंगी भाईजान और सुल्तान। तो दोस्त, अभी सिर्फ 1 इंडियन फिल्म रिलीज हो सकती है, अब वो टाइगर जिंदा है रिलीज हो या फिर गोलमाल अगेन, अब ये तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। तनुज कर, इस साल चाइना में कौन कौन सी बॉलीवुड मूवीज रिलीज होने वाली हैं? दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि इस साल सिर्फ 3 फिल्मों का नाम अभी सामने आया है, जिनमें से 1 फिल्म रिलीज हो चुकी है और बाकी की 2 रिलीज होनी है, और वो फिल्म्स हैं सीक्रेट सुपरस्टार, सुल्तान और बजरंगी भाईजान। ताहिर अली, ब्रो 2.0 की रिलीज डेट को पोस्टपोन क्यों किया गया? ये 2.0 मूवी को 25 जनवरी को रिलीज करना था, पर ये हुआ नहीं, वजह जरूर बताना अपनी अगली वीडियो में। दोस्त बिल्कुल, पहली बात कि फिल्म का नाम 2.0 है और इसलिए इस फिल्म की डेट पोस्टपोन की गई है क्योंकि जिस कैलिफोर्निया की टीम को फिल्म के VFX पे काम करने के लिए दिया गया था वो टीम दिए हुए टाइम पे पूरा नहीं कर पाई और इसी वजह से फिल्म मेकर्स को इंडिया की बहुत से VFX कंपनी को वो काम देना पड़ा। और एक ये भी रीजन है कि अगर ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होती तो फिल्म उतना बिजनेस नहीं कर पाती जितना अप्रैल में करेगी, बिकॉज अप्रैल में बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं। तो बेसिकली ये एक मार्केट स्ट्रेटजी है। एमडी रकीब, लव दी वीडियो, यू आर सुपर्ब, फैंटास्टिक, फैबुलस एंड भाई डॉन 3 कब रिलीज होगी? दोस्त, तहे दिल से धन्यवाद आपका कि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्त, वैसे तो मार्केट में डेली कोई ना कोई वीडियो सामने आती रहती है डॉन 3 के नाम से, पर हम आपको बता दें कि अभी शाहरुख खान बिजी है 0 में, उसके बाद किसी भी फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो शायद हम कह सकते हैं कि इस फिल्म पे काम हो, लेकिन हाँ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता कितना समय लग जाए। अमर जजोरिया,
नाइस वीडियो। क्या सलमान खान शादी करेंगे या नहीं? दोस्त, सलमान खान इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम, स्मार्ट और इंटेलिजेंट माने जाते हैं और उनके लाखों फैंस हैं जो उनसे, मतलब कि सलमान खान से शादी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि सलमान खान के खुद के अफेयर जो मीडिया में काफी चर्चे में रही हैं, जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन, कैटरीना कैफ और लूलिया। लेकिन ब्रेकअप के भी किस्से बहुत आए हैं सामने, और अगर हम फिल्म टाइगर को देखें और उसकी कुछ बातों पे गौर करें तो लगता है पुराना प्यार नया हो रहा है, या यूं कहें कि मुरझाए हुए गुलाब के पौधे में फिर से हरियाली आ रही है। लेकिन दोस्त, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और वैसे भी शादी करना उनका निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है। अब वो कब शादी करते हैं ये तो हम एग्जैक्ट आपको नहीं बता सकते, लेकिन कभी उन्होंने शादी ना करने से मना भी नहीं किया। हमें लगता है कि जब भी वो शादी करेंगे या जब भी उनकी शादी होगी, बहुत ही धूमधाम, जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। तो आई होप कि आपका जवाब आपको मिल गया होगा। और लास्ट कमेंट है आज का, औरंगजेब हीरा। अंकित भाई, 2017 में बिल्कुल बहुत सी मूवी आई, लेकिन इसके साथ ही 2017 और 18 में मैं आपके चैनल पे आया और आपको सुना। आपकी बैकग्राउंड आवाज बहुत मस्त है, ब्रो सल्यूट। अंकित भाई, ग्रेट वर्क, मी फैन ऑफ यू, रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू दोस्त, बस आप सभी लोगों का प्यार है और हम कोशिश करते हैं कि आप सभी लोगों तक अच्छी से अच्छी और बेहतर इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे। और जैसा आप सभी लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो हमारी टीम को काम करने में और भी मजा आ रहा है, सो थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय दे, और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए क्या करना है आप सभी लोगों को तो पता ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल, नीचे कमेंट करना है, उस खाली डब्बे को भरना है अपने सवालों से और अपने प्यार से। ध्यान रहे दोस्तों, हमारी टीम आप सभी के कमेंट्स पढ़ती है और कोशिश करती है रिप्लाई करने की। तो आप लोग जब भी सवाल पूछें, उसके अगले दिन अपने सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे इस चैनल की वीडियो जरूर देखें। कितना रहा टाइगर जिंदा है का कलेक्शन 44 और 45वें दिन? क्या टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? 2017 में बॉलीवुड की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स कौन कौन सी थी? साथ ही जानेंगे बॉलीवुड की हलचल कि कौन से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, कौन से फिल्म का टीजर आया, फिल्म को रिलीज होने में डिले क्यों हो रहा है, सब कुछ। और पढ़ेंगे लोगों द्वारा पूछे गए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल इस वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। 2017 की दो ऐसी फिल्म्स जिनका दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन दो फिल्मों से सिनेमा हॉल्स के मालिकों को बहुत फायदा होने वाला था, और वो दोनों फिल्में थी पद्मावत और टाइगर जिंदा है। पद्मावत किसी कारणवश तो रिलीज नहीं हो पाई, फिल्म की रिलीज डेट डिले हो गई, जिसकी वजह से पीवीआर कंपनी को भारी नुकसान हुआ। लेकिन इन दोनों फिल्मों में से एक ऐसी फिल्म थी जिसका परचम लोगों के दिलों पे सर चढ़ के बोल रहा था, टाइगर टाइगर टाइगर, मतलब कि टाइगर जिंदा है। 2017 के एंड में फिल्म आई थी टाइगर जिंदा है, और फिल्म की एडवांस बुकिंग हो रही थी, जहां लोगों ने अपना प्यार टूट कर दिखाया। फिल्म के आने के 2-3 हफ्ते बाद भी हाउसफुल आ रहे थे। ये लोगों का प्यार है सलमान खान के लिए, तभी उनकी फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, अभी भी कर रही है। और हम आपको बता दें कि लोगों के प्यार को देखते हुए सलमान खान भी एक से बढ़के एक फिल्म लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारे लिए वो खतरों से भरे स्टंट्स खुद करते नजर आते हैं। वो अपने फैंस के लिए एक अच्छी, बेहतरीन और दमदार फिल्म देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है उन्हीं सब फिल्मों में से एक थी। टाइगर जिंदा के ट्रेलर को लोगों ने अपने सर पे बिठा दिया, उसे इतना प्यार दिया कि उस ट्रेलर ने बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिया। सिर्फ ट्रेलर को ही नहीं, बल्कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत जैसे एनर्जेटिक और दिल दिया गल्ला जैसे रोमांटिक सॉन्ग्स को भी बहुत प्यार दिया। टाइगर जिंदा को रिलीज हुए आज 45 दिन हो गए हैं, जहां बाकी फिल्म्स इतना लंबा सफर करने के बाद थक जाती हैं और पहले ही हार मान जाती हैं, कलेक्शन करना बंद कर देती हैं, पीवीआर से निकल कर किसी डब्बे में बंद हो जाती हैं। लेकिन इस फिल्म ने, टाइगर जिंदा है ने, अभी भी अपना पैर जमा रखा है अंगद के पैर की तरह। चाहे कितनी ही फिल्म आई, लेकिन इस फिल्म को हिला नहीं पाई। और जहां तक हमें लगता है कि ये फिल्म पीके का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ही हटेगी, ऐसा लग रहा है कि पीके इसके लिए रावण हो गया हो, जिसके आने के बाद, रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ही हटेगी। टाइगर जिंदा है ने 44वें दिन कलेक्शन किया था 22 लाख का और 45वें दिन 27 लाख का, और इस फिल्म का अब तक का टोटल होता है 338 करोड़ 83 लाख। फिल्म ने पहले हफ्ते कलेक्शन किया था 206 करोड़ 4 लाख, दूसरे हफ्ते 85 करोड़ 51 लाख, तीसरे हफ्ते 27 करोड़ 31 लाख, चौथे हफ्ते 10 करोड़ 90 लाख, पांचवे हफ्ते 5 करोड़ 81 लाख और छठे हफ्ते 2 करोड़ 63 लाख। अब बात करते हैं 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स के बारे में और उनके कलेक्शन के बारे में। तो वो फिल्म्स हैं बाहुबली द कंक्लूजन, पीके, दंगल और गोलमाल अगेन। बाहुबली द कंक्लूजन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 505 करोड़ 98 लाख, दंगल का है 387 करोड़ 39 लाख, पीके इंडियाज नेट कलेक्शन है 339 करोड़ 50 लाख और इंडियन ग्रॉसर की बात करें तो 490 करोड़, और टाइगर का है 338 करोड़ 83 लाख इंडियाज नेट और इंडियन ग्रॉसर की बात करें तो 528 करोड़। मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में टाइगर अपनी दहाड़ से फिल्म पीके का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देगी। गोलमाल अगेन इंडियन नेट कलेक्शन 205 करोड़ 72 लाख, ग्रॉसर 263 करोड़ 32 लाख।
तो इस रिपोर्ट के अनुसार बाहुबली द कंक्लूजन नंबर वन पे, दंगल नंबर टू पे, पीके नंबर थ्री पे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये प्लेस नंबर तीन का बहुत जल्द टाइगर अपने नाम करने वाला है। तो अब बारी है बॉलीवुड हलचल की, मतलब कि बॉलीवुड से जुड़े कुछ पुरानी और नई बातों को जानने का। मंगलवार को अजय देवगन की फिल्म रेड का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये फिल्म एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गोल्ड का भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। ऋतिक रोशन ने अपने फिल्म सुपर 30 का फर्स्ट लुक रिलीज किया है। ये फिल्म एक बायोपिक फिल्म है। परमाणु फिल्म की रिलीज डेट बार बार टल रही है और हम आपको बता दें कि इसके पीछे कोई और फिल्म नहीं है, बल्कि अभी फिल्म का प्रमोशनल सॉन्ग शूट नहीं हुआ है, इसीलिए फिल्म की रिलीज डेट बार बार टल रही है। अनुष्का शर्मा की अपकमिंग फिल्म परी का पोस्टर रिलीज हो चुका है और मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क का एक और सॉन्ग रिलीज हो गया है, इश्तेहार। अब बात करते हैं कुछ पुरानी खबरों की। ऐसी कौन सी फिल्म है सलमान खान की जो आज तक रिलीज नहीं हुई या सलमान खान के साइन करने के बाद पहले शेड्यूल में ही बंद हो गई है? तो सबसे पहले फिल्म है रण क्षेत्र 1989, जहां सलमान खान और भाग्यश्री ऑलरेडी स्टार की कैटेगरी में आ गए थे मैंने प्यार किया फिल्म से, और इस जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म रण क्षेत्र भाग्यश्री की वजह से डब्बे में चली गई थी। भाग्य ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का फैसला किया था और उन्होंने कहा था कि अब वो काम करेंगी शादी के बाद, जो कि शायद डायरेक्टर को पसंद नहीं था और ये जोड़ी दोबारा एक साथ आने में असफल रही। दिल है तुम्हारा 1990, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा, ये फिल्म तो बन चुकी है जिसमें प्रीति जिंटा, अर्जुन रामगोपाल, रेखा, जिमी शेरगिल और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन दोस्तों मैं उस फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक और फिल्म आने वाली थी जिसमें सलमान खान और सनी देओल एक साथ आने वाले थे। ये एक बहुत बड़े बजट की फिल्म थी, पूरे बॉलीवुड की आंखें इस फिल्म पे टिकी थी, लेकिन ये फिल्म पहले शेड्यूल के बाद ही बंद हो गई और उसके बाद ये जोड़ी सलमान खान और सनी देओल की जोड़ी जीत फिल्म में दिखी हमें 6 साल बाद। तीसरी फिल्म है ए मेरे दोस्त। सलमान खान और अरबाज खान की ये पहली फिल्म थी जहां दोनों पहली बार एक साथ नजर आने वाले थे पर नहीं आ पाए। फिर दोनों भाई एक साथ नजर आए फिल्म प्यार किया तो डरना क्या। चौथी फिल्म है राम। सभी लोग जानते होंगे कि सलमान खान के भाई सुहेल खान ने एज ए डायरेक्टर डेब्यू किया था फिल्म औजार से, लेकिन ये गलत है। सुहेल खान की पहली फिल्म थी राम, जो कि ओवर बजट होने की वजह से स्क्रीन पे नहीं आ पाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में किसी बॉलीवुड हलचल और पुरानी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले बारी है कमेंट सेक्शन की, जहां लोगों द्वारा पूछे गए इंटरेस्टिंग सवालों के हम जवाब देते हैं। तो सबसे पहला सवाल है ताहिर जमील का, ब्रो संजय दत्त की मूवी भूमि का टोटल कलेक्शन कितना था, कुछ आइडिया हो तो बताना जरूर। थैंक यू सो मच, यू एंड योर टीम इज द बेस्ट। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, और आपको बता दूं कि भूमि का लाइफ टाइम कलेक्शन था 14 करोड़ 84 लाख। अगला कमेंट है ऑल इन वन का, रामलीला बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताओ ब्रो। तो दोस्त इस फिल्म का बजट था 88 करोड़ और फिल्म ने बिजनेस किया था 220 करोड़ का। ताहिर अली, ब्रो टक्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर कब रेडी होगा? दोस्त हमें जहाँ तक पता है कि ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हो रही है, तो उम्मीद है कि ट्रेलर अगस्त के एंड तक आ सकता है। सिप्तेन नाजिर, भाई बाहुबली का थर्ड पार्ट आ सकता है या नहीं? तो दोस्त ये सवाल तो उठना बनता था क्योंकि आजकल यूट्यूब पे बाहुबली 3 के नाम से बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वो सारी वीडियोस फेक। अभी फिल्म बाहुबली 3 का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और हमें जहां तक लगता है कि ये फिल्म नहीं बनेगी। अगर बनना होता तो ये दोनों एक्टर्स या डायरेक्टर्स उस फिल्म का जिक्र जरूर करते या क्लू जरूर छोड़ते, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। संगनी भावेश, परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण कब रिलीज होगी और उसका ट्रेलर कब आएगा? तो दोस्त हम आपको बता दें कि फिल्म अभी पूरी तरह से शूट नहीं हुई है, तो अभी फिल्म को रिलीज होने में और ट्रेलर आने में कुछ वक्त और लग सकता है। सिप्तेन का एक और क्वेश्चन है कि भाई थग्स ऑफ हिंदुस्तान कब रिलीज होगी? तो दोस्त हमें जहां तक पता है कि ये फिल्म 7 नवंबर 2018 को रिलीज हो रही है। अगला सवाल है मार्वल डीसी कैबिन का कि क्या रेस 3 में पुनः जन्म का स्टोरी है? और इनका एक और सवाल है कि भाई SRK इज फ्लॉप और किंग? तो दोस्त पहले तो मैं बता दूं कि रेस 3 के बारे में जो आपने सुना है बिल्कुल सही सुना है, और इस फिल्म से रिलेटेड जानने के लिए आपको हमारी यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड रेस 3 लिखने से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको बता दें कि किंग किंग ही होता है, वो फ्लॉप नहीं होता। हाँ जरूर कुछ वक्त के लिए आराम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्लॉप हो गया। सो शाहरुख खान किंग है और किंग ही रहेंगे। तेजस परदेशी, योगेश मोहित, इन दोनों लोगों का सवाल एक ही जैसा है, 2.0 आएगी या नहीं, रोबोट 2 पोस्टपोन होने वाली है क्या या कब आ रही है? तो हम आपको बता दें दोस्त की फिल्म की रिलीज डेट टली है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब कि ये फिल्म रिलीज हो रही है 28 अप्रैल को। सदम जीलो, थैंक्स, रियली यू आर गुड। माय क्वेश्चन इज अबाउट रावण 2 एंड डॉन 3, विच एक्ट्रेस वर्क विद SRK? दोस्त अभी तक इन दोनों फिल्मों की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि अगर फिल्म बनी तो डॉन 3 में प्रियंका की जगह दीपिका पादुकोण होगी, और रावण 2 की बात करें तो शायद करीना कपूर ही होंगी, लेकिन दोस्त अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट लवर, ब्रो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज किसने दिया है? तो हम आपको बता दें कि सलमान खान और अक्षय कुमार ने सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। ज्योति सिंह, बाहुबली 2, अर्न मोर और पद्मावत? दोस्त हम आपको बता दें कि बाहुबली अभी भी आगे है कलेक्शन के मामले में। ये फिल्म बाहुबली काफी लार्ज स्केल पे रिलीज हुई थी एज कम्पेरिजन टू पद्मावत, सो द आंसर इज बाहुबली द कंक्लूजन। इमरान शेख, 0 का ट्रेलर कब रिलीज होगी? अगली वीडियो में जरूर बताना। तो दोस्त आपको बता दें कि जहां तक हमें लगता है कि इस फिल्म का ट्रेलर शायद अक्टूबर में रिलीज होगा। साद कॉल, ब्रो गुड एंड साउथ की फिल्म्स की अपडेट किया करो। पहले तो मैं आप सभी लोगों का
बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें हमारी टीम बातचीत कर रही है और आई होप कि बहुत जल्द आप लोगों को एक गुड न्यूज मिले। और लास्ट कमेंट है अंसारी सामिर का, भाई मुझे आपका चैनल अच्छा लगता है बट आप जानते हैं कि सलमान खान की रेस 3 के बाद कौन सी मूवी आएगी। सबसे पहले दोस्त आपका शुक्रिया कि आपको हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज अच्छा लगता है। और आपको बता दें कि सलमान खान रेस 3 के बाद दबंग 3 लेके आ रहे हैं, क्या बात है, इस बार तो सवालों की लड़ी लग गई है। और हमारी टीम को बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग सवाल पूछते हैं और बॉलीवुड के बारे में जानने को इच्छुक हैं। तो कितना रहा 12वें दिन टाइगर जिंदा है का कलेक्शन, फिल्म 6000 करोड़ तक का कैसे करेगी बिजनेस, बाहुबली द कंक्लूजन कितने दिनों तक बिजनेस करती रही और फिल्म दंगल कितने दिनों तक कलेक्शन करती रही। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो इन सभी बातों से हटके है पर इंटरेस्टिंग होगी। तो पहले फिल्म को हिट कब कहा जाता था, सुपर हिट या फ्लॉप किसे कहते थे, आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और पहले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत डिफरेंस है। यहाँ तक कि हिट, सुपर हिट और फ्लॉप के अलग रूल्स थे और आज हिट, सुपर हिट और फ्लॉप कहलाने के रूल्स बिल्कुल ही अलग हैं। 10 और 12 साल पहले अगर कोई मूवी 100 दिन तक लगातार किसी थिएटर में चल जाती थी तो फिर उस फिल्म को सुपर हिट मानते थे और पहले डायरेक्टर ये सोचते थे कि उनकी मूवी 100 दिन तक चले थिएटर्स में, फिल्म अपना पैसा कलेक्ट करे या ना करे, लेकिन फिल्म अगर इतने दिनों तक चल गई तो वो फिल्म सुपर हिट है। लेकिन आजकल की फिल्म कुछ ही दिनों में अपना पैसा निकाल लेती हैं, फिर फ्लॉप, हिट और सुपर हिट की कैटेगरी में आ जाती हैं। अगर 2017 की टॉप फिल्मों की बात करूं तो, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं बताता हूं कि बाहुबली द कंक्लूजन, दंगल और गोलमाल अगेन कितने दिनों तक बिजनेस करती रही। बाहुबली द कंक्लूजन पूरे 6 वीक तक चली थी, मतलब कि 42 दिन तक, और इतने में ही फिल्म सुपर हिट हो गई थी। दंगल ये फिल्म 6 वीक तक चली थी, फिल्म का बजट था 70 करोड़ और फिल्म ने चौथे दिन ही 100 करोड़ को क्रॉस कर लिया था, मतलब कि 4 दिन में ही ये फिल्म हिट की लिस्ट में शामिल हो गई थी और 50वें दिन ये प्रूफ हो गया था कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट है। गोलमाल अगेन ये फिल्म 5 वीक तक चली थी और ये फिल्म भी कुछ ही दिनों में हिट की लिस्ट में शामिल हो गई और 50वें दिन तक सुपर हिट की लिस्ट में। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के 11 दिन के कलेक्शन के बारे में बात की थी, तो आज मैं बात करूंगा 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में। टाइगर जिंदा है का 12वें दिन कलेक्शन है इंडिया में 9 करोड़ 6 लाख और वर्ल्ड वाइड 18 करोड़ 8 लाख और इस फिल्म का टोटल हुआ 283 करोड़ इंडिया में। गोलमाल अगेन इस फिल्म का 12वें दिन कलेक्शन है इंडिया में 4 करोड़ 6 लाख और जैसे कि कल मैंने बताया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है ने पहले दिन कलेक्शन कितने का किया था वर्ल्ड वाइड, तो आज मैं बात करूंगा गोलमाल अगेन की कि फिल्म ने कैसे शुरुआत की वर्ल्ड वाइड और फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कितना रहा। यूनाइटेड किंगडम 4 करोड़ 16 लाख, न्यूजीलैंड 2 करोड़, मलेशिया 7 लाख, ऑस्ट्रेलिया 3 करोड़, नॉर्थ अमेरिका 15 करोड़ और बाकी कंट्रीज 21 करोड़ 15 लाख और इस फिल्म का 12वें दिन का टोटल होता है इंडिया में 163 करोड़। बाहुबली द कंक्लूजन इस फिल्म का 12वें दिन का कलेक्शन था 15 करोड़ 75 लाख और इस फिल्म का टोटल होता है 359 करोड़ 50 लाख 12वें दिन इंडिया में। दंगल इस फिल्म का 12वें दिन कलेक्शन था 10 करोड़ 50 लाख और 10 दिन तक का टोटल होता है 295 करोड़। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक बाहुबली द कंक्लूजन नंबर 1 पे है, दंगल नंबर 2 पे और सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है नंबर 3 पे है। लेकिन अगर फिल्म टाइगर जिंदा है बाकी फिल्मों की तरह 7 वीक और 8 वीक तक चले जैसे कि बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल चली थी तो ये फिल्म भी इंडिया में आराम से 800 से 9 करोड़ तक का बिजनेस कर जाएगी। देखा जाए कि जनवरी और फरवरी में बहुत सी फिल्में आ रही हैं पर बाहुबली द कंक्लूजन और दंगल के समय भी बहुत सी फिल्में आई थी पर उसे दंगल और बाहुबली द कंक्लूजन के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और आई सभी नई फिल्मों को पीछे छोड़ती हुई आगे निकल गई और ऐसा ही होगा टाइगर जिंदा है के साथ। और अगर ये फिल्म चाइना, पाकिस्तान और रशिया में रिलीज होती है और 8 वीक तक चलती है तो भाईजान की मूवी के कलेक्शन में 4 चांद लग जाएंगे और इस फिल्म को 6000 करोड़ लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मेरी पिछली वीडियो में सिद्धार्थ वर्तकर का कमेंट आया था कि हमारी वीडियो को हिंदू लोग भी देखते हैं और ये फिल्म 5000 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाएगी, तो सबसे पहले मैं उनको कहना चाहूंगा कि दोस्त आप बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं और मैंने पाकिस्तान के फैंस की बात की है तो इसका मतलब ये नहीं कि सलमान खान के इंडिया में फैंस नहीं है, इंडिया में भी है और भारी तादाद में है। और रही बात 5000 करोड़ की तो हम जैसा होप कर रहे हैं अगर वैसा होता है तो ये फिल्म जरूर 5000 करोड़ को क्रॉस करेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय दें।
और फिल्म से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करें। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि टाइगर जिंदा है ने कितने का बिजनेस किया वर्ल्ड वाइड और इंडिया में, और जैसा कि हमने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि हमने क्यों अनुमान लगाया कि ये फिल्म 2500 करोड़ तक का बिजनेस करेगी, तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि हमने ये अनुमान क्यों लगाया था कि ये फिल्म 2500 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के बारे में बात की थी और बताया था कि किस फिल्म ने कितने का बिजनेस किया है और कौन टॉप पे है। आज सलमान खान के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है 2017 की आई सभी टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रही है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है सेकंड नंबर पे है और बाहुबली द कंक्लूजन नंबर वन पे। टाइगर जिंदा के सातों दिन का कलेक्शन था 15 करोड़ 42 लाख और इसी के साथ फिल्म ने गोलमाल अगेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गोलमाल अगेन के सातों दिन के कलेक्शन को मिलाकर टोटल हुआ था 205 करोड़ 70 लाख और टाइगर का है 206 करोड़ 4 लाख इंडिया में। फिल्म ने 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है और इसी के साथ ये फिल्म टॉप ग्रॉसिंग वर्ल्ड वाइड 15वें नंबर पर आ गई है। फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन जो कि 2017 की बॉक्स ऑफिस पे नंबर वन पोजीशन पे है। फिल्म ने सातवें दिन बिजनेस किया था 22 करोड़ 75 लाख का और इसी के साथ इस फिल्म का टोटल हुआ 247 करोड़ इंडिया में और वर्ल्ड वाइड होता है 535 करोड़। गोलमाल अगेन के सातवें दिन का कलेक्शन था 9 करोड़ 13 लाख और इस फिल्म का टोटल हुआ 205 करोड़ 70 लाख। दंगल, दंगल फिल्म का कलेक्शन था इंडिया में 19 करोड़ 50 लाख और इस फिल्म का टोटल हुआ 197 करोड़। तो ये तो रही टॉप ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्मों के रिपोर्ट और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम लास्ट में बात करेंगे कि हमने ये अनुमान क्यों लगाया कि फिल्म टाइगर जिंदा है 2500 करोड़ का बिजनेस करेगी। दोस्तों, फिल्म ने अभी बिजनेस किया है 206 करोड़ का इंडिया में और वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। फिल्म को कलेक्शन के मामले में अभी भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आने वाले 26 जनवरी तक कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है और फिल्म आएगी भी तो इतनी बड़ी नहीं होगी जो टाइगर को टक्कर दे सके। तो इस अनुमान से अगर देखा जाए तो ये फिल्म आराम से 500 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी इंडिया में। एक और बड़ा रीजन है, अभी टाइगर जिंदा है चाइना और पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है बॉलीवुड फिल्मों के लिए। चाइना की वजह से दंगल फिल्म 2500 करोड़ क्लब में आई थी और बाहुबली द कंक्लूजन जिसने इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस किया और वर्ल्ड वाइड भी फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था और जिसकी वजह से ये फिल्म 1500 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस करने में कामयाब रही। बॉलीवुड फिल्म हो या हॉलीवुड फिल्म, जितना फेमस और चर्चे अपने कंट्रीज में होती है उतना ही डिमांड उन फिल्मों की बाहर बढ़ जाती है। जैसे कि बाहुबली द कंक्लूजन की डिमांड है रसिया में। अब बाहुबली द कंक्लूजन रसिया में भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है और वो वक्त दूर नहीं जब बॉलीवुड की सारी फिल्में हॉलीवुड के फिल्मों जितना बिजनेस करेंगी। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमारा अनुमान है कि ये फिल्म टाइगर जिंदा है 2500 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की बात करें तो सलमान खान के बहुत से फैंस पाकिस्तान में भी हैं और अपने पिछली वीडियो में मैंने लोगों से राय मांगी थी कि उनका क्या कहना है, क्या फिल्म 2500 करोड़ तक रीच कर पाएगी या नहीं। तो बहुत से पाकिस्तानी फैंस के कमेंट आए हैं कि ये फिल्म 2500 करोड़ क्या 3000 करोड़ तक जाएगी। जैसे कि सदाम अंसारी ने कमेंट किया था कि ये फिल्म 5000 करोड़ तक का बिजनेस करेगी। नाजिर अहमद का भी यही कहना है कि ये फिल्म 5000 करोड़ तक जरूर जाएगी। विकम कुमार का कहना है कि मेरी दिल से दुआ है कि ये फिल्म 2500 करोड़ का कलेक्शन कर जाए। वैसे तो देखा जाए कि इन लोगों के कहने से फिल्म इतना बिजनेस तो नहीं कर पाएगी लेकिन फिल्म को एक पॉजिटिव सपोर्ट जरूर मिलता है। और दोस्तों, फिल्म 2500 करोड़ का बिजनेस करे या ना करे वो अलग बात है। हम चाहते हैं कि हमारी बॉलीवुड फिल्म्स भी हॉलीवुड फिल्मों जितना बिजनेस करे और ये तभी होगा जब हम अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। हमें फिल्म के नेगेटिविटी को हटा के फिल्म के पॉजिटिविटी को देखना होगा। तो दोस्तों, ये तो है मेरी राय। आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपनी राय देने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज के तीसरे हफ्ते भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रिलीज के तीसरे मंगलवार यानी 19वें दिन 2.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है और इसी के साथ फिल्म ने भारत में 314 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का कहना है कि किसी फिल्म के सुपरहिट बनने के लिए उसमें हर किसी को एंटरटेन करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टाइगर जिंदा है बच्चों, युवाओं, बूढ़ों और परिवारों का मनोरंजन करने की क्षमता रखती है। सिनेमा घरों में जाने के लिए ये सभी के लिए एक परफेक्ट हॉलीडे फिल्म है क्योंकि ये फिल्म सार्वभौमिक है। टाइगर और जोया की प्रेम कहानी में बहुत मजबूत इमोशनल जुड़ाव है और इस फिल्म में संदेश मानवता से ऊपर है। उन्होंने फिल्म की सफलता का श्रेय कलाकारों और टीम के सदस्यों को दिया। टाइगर जिंदा है कि सफलता हर एक्टर की कड़ी मेहनत का नतीजा है। इस फिल्म में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने अपना 200% दिया है और यही कारण है
कि फिल्म दर्शकों से जुड़ पाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर जिंदा है के न्यू सॉन्ग के बारे में, जिसका नाम है दिल दिया गल्ला। और इस सॉन्ग को बिग बॉस के सेट से रिलीज किया गया है। बिग बॉस में कैटरीना की एंट्री बहुत धूम धमाके से हुई। सलमान और कैट दोनों ने बिग बॉस के स्टेज पे स्वैग से करोगे सबका स्वागत पर डांस भी किया। दिल दिया गल्ला की प्रमोशन के लिए कैटरीना कैफ बिग बॉस के सेट पे आई थी और इस सॉन्ग को बिग बॉस के स्टेज पे ही रिलीज किया गया। ये टाइगर जिंदा है का दूसरा सॉन्ग है दिल दिया गल्ला और इसको ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। ये सॉन्ग रिलीज से पहले ही वायरल हो चुका है। इस गाने में सलमान खान और कैटरीना कैफ काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस सॉन्ग पर कैटरीना ने जहां तुरंत ही स्टेप सीख लिए थे, वही सलमान को स्टेप सीखने में समय लग गया था। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कैट ने सलमान की हेल्प की इस सॉन्ग में डांस के लिए। गाने के रिलीज से पहले ही फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने इसकी झलक दिखा दी थी। जफर ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर गाने का फर्स्ट लुक जारी किया था। कैटरीना पिंक कलर के गाउन में थी और सलमान प्रिंस सूट में, और दोनों इस लुक में राजकुमारी और राजकुमार नजर आ रहे थे। अब देखना है कि फिल्म के पहले गाने स्वैग से स्वागत की तरह ये भी लोगों की जुबान पर उतनी जल्दी चढ़ता है या नहीं। वैसे सलमान ने अपने फैंस से अपील की है कि इसे भी स्वैग से स्वागत की तरह पसंद करें। गाने के रिलीज के एक घंटे के भीतर ही इसे करीब 4.5 लाख लोगों ने देख लिया और करीब 6,000 लोगों ने कमेंट किया। 5 साल बाद कैटरीना और सलमान की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दिखेगी, जिसका उनके फैंस को लंबे समय से इंतजार है। गाने को लॉन्च करते वक्त कैटरीना ने कहा कि ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे खुशी है कि मैं सलमान के साथ इस गाने को लॉन्च कर रही हूँ। इस गाने का सबसे बेस्ट पार्ट है जहाँ सलमान खान बर्फ से बिछी चादर पर सलमान कैटरीना का तस्वीर बनाते हैं अपने हाथों से, वो सीन बहुत ही रोमांटिक है। वैसे तो पूरे सॉन्ग को बहुत ही ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किया है वैभवी ने। सॉन्ग को फील दिलाने में टीम ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। सॉन्ग में म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने, जिसे लिखा है इरशाद कामिल और गाया है आतिफ असलम ने, और गाने को कोरियोग्राफ किया है वैभवी मर्चेंट ने। टाइगर जिंदा है की रिलीज डेट है 22 दिसंबर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही। टाइगर जिंदा है दुनिया भर में 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करने वाली सलमान खान की तीसरी फिल्म बन गई है। इससे पहले बजरंगी भाईजान और सुल्तान ने ये कारनामा दिखाया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की 7वीं हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रोसर फिल्म बनकर उभरी है। रिलीज के 18 दिनों में 519 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड बॉलीवुड ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में 7वीं पोजीशन पर जगह बना ली। जल्द ही ये फिल्म आमिर खान की धूम 3 का रिकॉर्ड तोड़ देगी, जिसने 524 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। एक नजर बॉलीवुड की टॉप 10 ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रोसर फिल्मों। बाहुबली द कंक्लूजन 802 करोड़ रुपए, दंगल 702 करोड़ रुपए, पीके 616 करोड़ रुपए, बजरंगी भाईजान 604 करोड़ रुपए, सुल्तान 581 करोड़ रुपए, धूम 3 524 करोड़ रुपए, टाइगर जिंदा है 519 करोड़ रुपए 18 दिनों में, चेन्नई एक्सप्रेस 396 करोड़ रुपए, दिलवाले 372 करोड़ रुपए, प्रेम रतन धन पाए 365 करोड़ रुपए। टाइगर जिंदा ने रिलीज के पहले हफ्ते घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 206 करोड़ और दूसरे हफ्ते 85 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म तीसरे हफ्ते भी शानदार बिजनेस कर रही। तीसरे वीकेंड 17 करोड़ कमाने के बाद फिल्म ने सोमवार को भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। बॉक्स ऑफिस इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 18वें दिन फिल्म ने 2 करोड़ से अधिक रुपए कमा लिए। इसी के साथ टाइगर की कुल कमाई 311 करोड़ रुपए पहुंच गई। बता दे, टाइगर जिंदा ने शुरुआती 2 दिनों में 50 करोड़, 7 दिन में 100 करोड़, 4 दिन में 150 करोड़, 7 दिन में 200 करोड़, 10 दिनों में 250 करोड़ और 16वें दिन 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। और लोगों को उम्मीद है कि ये फिल्म 7000 का आंकड़ा भी पार कर लेगी। अगर टाइगर जिंदा है ऐसे ही बिजनेस करती रही तो ना जाने कितने फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और एक समय ऐसा आएगा कि टाइगर जिंदा है एक ऐसा रिकॉर्ड बनाकर चली जाएगी जिसका रिकॉर्ड तोड़ना हर फिल्म के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
कितना रहा टाइगर जिंदा है का 46, 47 और 48 दिन का कलेक्शन? क्या फिल्म टाइगर जिंदा है ने पीके का रिकॉर्ड तोड़ा? टाइगर जिंदा है ने कितने फिल्मों को पीछे किया? 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स कौन कौन सी थी और कितने का बिजनेस किया? साथ ही जानेंगे बॉलीवुड हलचल और पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और उनके जवाब देंगे इस वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। फिल्म टाइगर जिंदा है को रिलीज हुए आज 48 दिन से ऊपर हो गए हैं। फिल्म रिलीज हुई थी 22 दिसंबर को, 5,700 स्क्रीन्स मिले थे इंडिया में और 1,100 ओवरसीज एरिया में। अरसे बाद एक बार फिर से टाइगर की वापसी हुई थी तो सलमान के फैंस भी अपने चहेते टाइगर का वेलकम करने को बेताब हो गए थे। रिलीज से पहले ही फिल्म के ट्रेलर ने यूट्यूब पर एक नया रिकॉर्ड कायम किया और फिल्म के रिलीज से पहले ही सिनेमा घरों में 30 करोड़ से भी ज्यादा की एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया टाइगर ने। टाइगर जिंदा है लार्जर देन लाइफ मूवी है जो सलमान खान के स्टारडम को मैच करती है। फिल्म में ऐसे कई सीन्स डाले गए हैं जो दर्शकों को सीटियां और तालियां बजाने पे मजबूर करते हैं, जैसे कैटरीना कैफ का एंट्री सीन जहां वो कैमरे में बिना आए पल भर में ही गुंडों को ठिकाने लगा देती हैं, दो भारतीय एजेंट्स का बैग ऊपर रखने के लिए विवाद करना और बैग खोलने पर तिरंगा निकलना, भारतीय और पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ में बैठकर बातें करना कि यदि दोनों देश एक होता तो क्या समा होता, सचिन और अकरम एक ही टीम में खेलते, और फिल्म के एंड में पाकिस्तानी एजेंट्स का तिरंगा फहराना और फिर भारतीय एजेंट के कहने पर पाकिस्तानी झंडा भी साथ में लहराना। ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगी। जैसे कि लोगों का मानना है कि अली अब्बास जफर ने फिल्म के नाम पर खूब झूठ ली है, टाइगर और उसकी गैंग को इस तरह खुला छोड़ देना, इतना बेखौफ दिखाना, साथ ही गैंग कई चीजें बड़ी आसानी से कर देती है, ये बातें थोड़ी अजीब सी है, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता, और खाने में बेहोशी का दवा मिलाने का फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, मनमोहन देसाई के जमाने से चलता आ रही है। आई थिंक जो अब फिल्मों का लेवल है, जिस तरीके की ये फिल्म है उसके हिसाब से कुछ नया सोचना चाहिए था। जितनी खतरनाक वादी बताए गए उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स, उतनी कठिनाई, उतनी चुनौतियाँ दिखी नहीं हमें, या यूं कहें कि फिल्म मेकर्स पेश नहीं कर पाए। लोगों का मानना है कि राइटर ने गहराई के साथ उतरना पसंद नहीं किया है, मतलब कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया, लेकिन अगर वो आज के जमाने को लेके सोचते या यूं कहें कि सलमान खान को लेके सोचते तो फिल्म और भी अच्छी बनती। लोगों का मानना है कि ये फिल्म सिर्फ चली है सलमान खान की वजह से और उनके एक्शंस की वजह से, और कोई कारण नहीं है फिल्म के चलने का। फिल्म में इन कमियों को छुपाने के लिए तेज रफ्तार और रोमांचक एक्शन का सहारा लिया गया है, और ये एक रीजन है जिसके कारण दर्शकों ने सभी बातों पे गौर नहीं किया। टाइगर जिंदा है का बजट था 210 करोड़, लेकिन इसमें किसी भी एक्टर्स की फीस इंक्लूड नहीं थी। बात करते हैं कलेक्शन की, तो फिल्म ने 46वें दिन बिजनेस किया था 18 लाख का, 47वें दिन 14 लाख, 48वें दिन 12 लाख, और इस फिल्म का 48 दिन तक का टोटल होता है 339 करोड़ 27 लाख। वाओ, क्या बात है, मतलब कि माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, अमेजिंग। और अब जानते हैं 2017 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स, उनके बजट और इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो 2017 में करीब 120 बॉलीवुड फिल्म्स रिलीज हुई थी और उन 120 फिल्मों में से जो टॉप ग्रॉसर बनी सिर्फ 11 फिल्में, वो मूवीज है बाहुबली द कंक्लूजन, फिल्म का बजट था 250 करोड़ और फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया 505 करोड़ 98 लाख। सीक्रेट सुपरस्टार, बजट 15 करोड़, कलेक्शन 150 करोड़। गोलमाल अगेन, बजट 80 करोड़, कलेक्शन 307 करोड़। अ जेंटलमैन, बजट 60 करोड़, कलेक्शन 294 करोड़। जुड़वा 2, 65 करोड़ बजट, कलेक्शन 227 करोड़। टॉयलेट एक प्रेम कथा, बजट 18 करोड़, कलेक्शन 216 करोड़। ट्यूबलाइट, बजट 135 करोड़, कलेक्शन 211 करोड़ 14 लाख। काबिल, बजट 50 करोड़, कलेक्शन 209 करोड़ 5 लाख। बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बजट 45 करोड़, कलेक्शन 200 करोड़। जॉली LLB 2, बजट 30 करोड़, कलेक्शन 197 करोड़। तो इन 11 फिल्मों में से टॉप 3 देखे तो नंबर 1 पे है बाहुबली द कंक्लूजन, नंबर 2 पे टाइगर जिंदा है और नंबर 3 पे गोलमाल अगेन। बात करेगी क्या फिल्म पीके का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पे। फिल्म पीके ने कलेक्शन किया था इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 339 करोड़ 50 लाख का और अभी टाइगर ने कलेक्शन किया है 339 करोड़ 27 लाख का। मतलब ये हम कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में पीके का रिकॉर्ड टूटने वाला है। वैसे टाइगर ने सुल्तान और ट्यूबलाइट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब बहुत जल्द बारी है पीके की। अब बारी है बॉलीवुड हलचल की। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर 27 साल बाद फिर से वापस आ रहे हैं पर्दे पर। फिल्म 102 का पहला टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म ओ माई गॉड को डायरेक्ट कर चुके डायरेक्टर उमेश शुक्ला ने फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली है और फिल्म की कहानी भी लिखी है इन्होंने। सुपर 30 में ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगी टीवी शो कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस नेहा धूपिया के शो में दीपिका से सवाल किया
किया गया कि वो किस एक्टर के साथ रोमांटिक सीन फिल्माना चाहेंगी। दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड एक्टर का नाम लिया। एक्टर जेम्स फ्रैंको का नाम लेते हुए दीपिका ने कहा कि वो उनके साथ रोमांटिक सीन करना चाहेंगी। मिशन इम्पॉसिबल का आया पर्दे के पीछे का वीडियो, कैसे खतरनाक स्टंट करते हैं टॉम क्रूज। हॉलीवुड एक्टर टॉम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो में टॉम हेलीकॉप्टर स्टंट की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करते हुए टॉम ने कैप्शन लिखा, वो हमेशा इसी तरह की सीरीज करना चाहते थे। थ्री स्टोरीज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में सभी किरदार का परिचय कराया जाता है। फिल्म के ट्रेलर में कुछ अलग अलग लोगों की कहानियां एक साथ चलती है। फिल्म में रोमांस और थ्रिलर दोनों का तड़का है। फिल्म हम आपके हैं कौन में भाभी का किरदार निभा चुकी एक्ट्रेस रेणुका सहाणे ने एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी की है। बनेगा हम आपके हैं कौन का रीमेक। सलमान माधुर के रोल में नजर आ सकते हैं वरुण और आलिया। हाल ही में राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के सीक्वल को लेकर एक पोल कराया है। डायरेक्टर्स ने पोल में सवाल किया कि फिल्म हम आपके हैं कौन का सीक्वल देखना चाहते हैं। साल 1994 में रिलीज हुई सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म हम आपके हैं कौन ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि सूरज बड़जात्या फिल्म हम आपके हैं कौन का सीक्वल बना सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रोडक्शन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के सीक्वल को लेकर एक पोल कराया। पोल में लीड में नाम दिए गए वरुण धवन और आलिया भट्ट और इसके साथ ही डायरेक्टर्स ने अन्य का भी एक ऑप्शन दिया है। पोल में अब तक 2000 से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं लेकिन डायरेक्टर्स ने अभी स्टार कास्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। मुश्किल में है कंगना रनौत की फिल्म मणि कर्णिका। ब्राह्मण महासभा के विरोध, अब कर्णी सेना का समर्थन। पद्मावत पर विवाद करने के बाद अब कर्णी सेना ब्राह्मण महासभा के विरोध को समर्थन दे रही है। दरअसल ब्राह्मण महासभा कंगना रनौत की फिल्म मणि कर्णिका को लेकर विरोध कर रही है। फिल्म पर आरोप लगाया जा रहा है कि कंगना की पीरियोडिक फिल्म में झांसी की रानी को गलत दिखाया है। इस पर राजपूत कर्णी सेना के फाउंडर लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा है कि ब्राह्मण का खून बहेगा तो राजपूत क्या चुप रहेगा। जब राजपूतों का खून बहा तो ब्राह्मण कभी चुप नहीं रहा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि करीब 10,000 ब्राह्मणों ने एक पत्र में अपने खून से साइन कर पद्मावत के वक्त रिलीज के लिए हमारे संग विरोध किया था। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से इस फिल्म की प्री स्क्रीनिंग बोर्ड के सेटअप की बात की है। इसमें देखा जाए कि फिल्म में ऐसी कोई भी ऐतिहासिक तथ्य के साथ छेड़छाड़ न की गई हो। वहीं फिल्म के मेकर्स ने मंगलवार को कहा कि फिल्म में किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया गया है। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी को भी आपत्ति हो। तो बारी है कमेंट सेक्शन की। तो सबसे पहला सवाल है मोहित भट्ट का, प्लीज टेल द लाइफ टाइम कलेक्शन ऑफ बजरंगी भाईजान। दोस्त बजरंगी भाईजान का लाइफ टाइम कलेक्शन है 626 करोड़। सनी यादव, भाई रोबोट 2.0 का ट्रेलर कब आएगा। दोस्त जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है फिल्म मेकर से, भाई रोबोट 2.0 का ट्रेलर कब आएगा। दोस्त अभी तक जहां इन्फॉर्मेशन आ रही है फिल्म मेकर से, तो उम्मीद है कि 2.0 का ट्रेलर फरवरी के एंड तक आ सकता है। मोइन मैमोन, टाइगर तोड़ेगी बाहुबली का रिकॉर्ड। दोस्त अभी पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि फिल्म को रिलीज हुए काफी टाइम हो गया है और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि फिल्म अभी कुछ कंट्रीज में रिलीज नहीं हुई है। अगर ये फिल्म वहाँ रिलीज होगी तो मे बी चांसेस हैं। चिन्मया मोहंता, जीरो मूवी इतना लेट क्यों हो रहा है। दोस्त फिल्म बनके तैयार हो गई है पर एक रिलीज डेट देखनी पड़ती है बिजनेस के लिए और भी बहुत सी बातें होती है जैसे कि एडिटिंग, प्रमोशन, बहुत कुछ, इसलिए फिल्म को रिलीज होने में डिले हो रहा है। डिले किया इसलिए ये फिल्म दिसंबर में रिलीज हो रही है। दीपिका, व्हेन रिलीज दीपिका सपना दीदी विद इरफान खान एंड हु इज किक टू एक्ट्रेस बट आई विश दीपिका एंड सलमान ऑन स्क्रीन। दोस्त जो इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर की है उससे तो यही लगता है कि फिल्म सपना दीदी अक्टूबर में आ सकती है और अभी फिलहाल किक टू की एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई है, शायद जैकलीन फिल्म में ना हो। और भी विश दीपिका पादुकोण और सलमान खान के फिल्म जरूर आए। एक फोन नंबर है नाम की जगह और उनका कहना है कि प्रो आमिर खान ने की फिल्म्स कितनी की हैं और कितने अवार्ड्स मिले हैं। दोस्त आमिर खान ने बहुत से फिल्म्स की हैं जैसे कि यादों की बारात, मंजिल मंजिल, जबरदस्त, कयामत से कयामत, लगभग 25 से 30 फिल्में की हैं। और अगर अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स 9 मिले हैं और 23 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे। और अगर ऑल ओवर की बात करें तो करीब 70 अवार्ड्स मिले हैं उन्हें और करीब 100 से भी ज्यादा अवार्ड्स के लिए वो नॉमिनेट हुए हैं। छोटा बट, क्या जरीन खान की न्यू मूवी बता सकते हो, एनी आइडिया। दोस्त जहां तक फिल्म मेकर्स ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है तो उसके हिसाब से जरीन खान की फिल्म डिवाइन लवर के नाम से आ रही है। एमडी हुसैन, सर मुझे ये जानना है कि क्या सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की मूवी आने वाली है 2020 में। यूट्यूब पे ऐसा दिखाया जा रहा है। दोस्त अभी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकर्स ने शेयर नहीं की है और अगर ऐसा होता साथ काम करना होता तो वो एक साथ फिल्म पद्मावत कर सकते थे पर नहीं किया। वो लोग एक साथ काम नहीं करना चाहते। और बात करें यूट्यूब की तो यूट्यूब पे बहुत ऐसे कम चैनल है जो सच बताते हैं या मतलब ये जो रियल न्यूज है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अमित वाला, शोले मूवी कलेक्शन कितना है।
दोस्त फिल्म का बजट था 3 करोड़ और फिल्म ने बिजनेस किया था 150 करोड़ का। बाबू मलिक फिर हेरा फेरी कब आ रही है? दोस्त अभी तक जो फिल्म मेकर्स ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके हिसाब से ये फिल्म दिसंबर में आ सकती है। शाहरुख खान, भाई शेर खान आता है या नहीं? दोस्त अभी इस फिल्म के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है, यहाँ तक कि अभी ये भी फाइनल नहीं हुआ कि इस फिल्म में सलमान खान है भी या नहीं। और अगर सलमान खान है तो अभी बहुत लंबी लाइन लगी है उनके पास फिल्मों की, तो इस साल तो ये फिल्म नहीं आएगी। नौमी खान, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का हिसाब क्या होता है? आई मीन रिकॉर्ड एटसेट्रा, वर्ल्ड वाइड और इंडिया एटसेट्रा। दोस्त बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मीन्स की एक फिल्म ने एक सिनेमा हॉल्स में कितने का कलेक्शन किया। और अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म इंडिया में करीब 5,700 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और ओवरसीज में 1100। फिल्म जब पूरे एक दिन का कलेक्शन कर लेती है तो हर जगह कॉल किया जाता है, जितने भी सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई होती है हर जगह कॉल या मेल के थ्रू पता लगाया जाता है कि टिकट्स कितने बिके हैं या फिर कितना कलेक्शन हुआ है। और आफ्टर दैट सभी के कलेक्शन आ जाते हैं तो उसे टोटल किया जाता है और थ्रू फिल्म क्रिटिक्स और फिल्म एनालिसिस उस रिपोर्ट को अपडेट किया जाता है मीडिया में और न्यूज चैनल में। और बात करें वर्ल्ड वाइड की तो वर्ल्ड वाइड होता है कि पूरे देश में फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया है। जैसे अब उसमें आ जाता है इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया, ऑल कंट्री। जब सभी कंट्रीज के फाइनल कलेक्शन आ जाते हैं तब देखा जाता है कि कितना कलेक्शन हुआ है और किस फिल्म के कलेक्शन से आगे चल रही है, और जिस फिल्म से भी आगे चल रही है मतलब कि उस फिल्म का रिकॉर्ड टूट चुका है, तो ये सब ऐसे देखा जाता है। और अगर दोस्तों आपको फिर भी ना समझ आया हो तो आप हमें बताना, हम आपको दोबारा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय दे, और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल करें। दोस्त ध्यान रहे, हमारी टीम आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ती है और कोशिश करती है उन सभी कमेंट्स की रिप्लाई करने की। हम जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहुत लोगों ने अलग अलग तरह से पूछा होता है, पहले उन सबको वीडियोस में आंसर करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हमारी टीम जितना हो सके व्यूअर्स के कमेंट बॉक्सेस में ही आंसर करती है। तो दोस्तों डोंट बी अपसेट अगर किसी का नाम नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे अपनी अगली वीडियो में उसका नाम लेने की। और जानेंगे कि क्या 2018 में रिलीज होने वाली फिल्में टाइगर जिंदा है को टक्कर दे पाएंगी। तो चलिए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में। टाइगर जिंदा है को आज बॉक्स ऑफिस पर पूरे 24 दिन हो चुके हैं और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर टाइगर की दहाड़ कायम है। टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी और अभी भी सलमान के फैंस में टाइगर का क्रेज बरकरार है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरे 24 दिन हो चुके हैं और फिल्म की कलेक्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 23वें दिन टोटल 322 करोड़ का बिजनेस किया था और फिल्म का आज 24वां दिन है और आज संडे भी है, तो इसलिए टाइगर जिंदा है के कलेक्शन में एक जबरदस्त उछाल आया है। फिल्म ने आज बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ का कलेक्शन किया है, तो अभी तक का टाइगर जिंदा है का 24 दिन का टोटल कलेक्शन 326 करोड़ रहा है और अभी भी ये गिनती जारी है और ना जाने कहां जाके रुकेगी। जिस तरह से टाइगर बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रहे हैं इसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाइगर जिंदा है बहुत ही जल्द 350 करोड़ क्लब में एंट्री कर जाएगी। और अगर कलेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी तक टाइगर जिंदा है से आगे केवल आमिर खान की पीके, दंगल और बाहुबली है। पीके ने बॉक्स ऑफिस पर 339 करोड़ का बिजनेस किया, दंगल ने 387 करोड़ का बिजनेस किया और वही बाहुबली ने बस हिंदी वर्जन में ही 511 करोड़ का बिजनेस किया। और ये संभावना है कि ये मुकाबला अभी और भी कठिन हो सकता है क्योंकि इस साल बॉलीवुड की दो और बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, संजय लीला भंसाली की पद्मावत और अक्षय कुमार की पैडमैन। इन दोनों फिल्मों का क्रेज ही ऑडियंस में बना हुआ है। पद्मावत पर हुई कॉन्ट्रोवर्सी पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रही और वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार की पैडमैन एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर पब्लिक के सामने आ रही है। इन दोनों फिल्मों को लेकर भी पब्लिक में बहुत क्यूरियोसिटी बनी हुई है। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या टाइगर जिंदा है पद्मावत और पैडमैन के साथ टक्कर ले पाती है या नहीं। लेकिन ये दोनों फिल्में भारत में लोगों के बीच अपनी पैथ बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अगर हम फिजी और यूएई की बात करें तो वहाँ पर सलमान खान का जलवा सर चढ़कर बोलता है। अगर हम मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्ट को माने तो ये दोनों फिल्में टाइगर जिंदा है के सामने बॉक्स ऑफिस पर उतना कलेक्शन नहीं कर पाएंगी क्योंकि अक्षय कुमार के सिर्फ इंडिया में फैन फॉलोइंग है और पद्मावत में ऐसा कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं जिसकी इमेज इंटरनेशनल लेवल की हो, बल्कि सलमान खान की इमेज एक इंटरनेशनल एक्टर की है। उनकी फिल्मों को सारे रिलीजन के लोग देखते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। और सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है अभी तक किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी। आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में लोग इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जिनमें एंटरटेनमेंट हो और अपने फैमिली के साथ हॉलीडेज को एंजॉय कर सके। अगर देखा जाए तो जुमानजी के आने से भी टाइगर जिंदा है के कलेक्शन पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, फिल्म के कलेक्शन की रफ्तार थमी नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि जनवरी 2018 में जो भी फिल्में रिलीज हो रही हैं या जो रिलीज हुई हैं उनसे टाइगर जिंदा है के कलेक्शन पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता क्योंकि सुपरस्टार सलमान खान की अपनी ऑडियंस है और ऑडियंस के बीच उनकी अपनी एक अलग ही इमेज है, वो एक पीपल्स एक्टर है। इसके साथ फिल्मों में एक्शन, रोमांस,
एंटरटेनमेंट, ये सब भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। माना कि सैफ अली खान की फिल्म की आमिर खान और सलमान खान ने खुद तारीफ की है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी है और आप सभी लोग इस फिल्म को देखने के लिए अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जरूर जाएं। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सलमान खान सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि वो ये चाहते हैं कि और भी एक्टर्स की फिल्में लोगों को देखने को मिले, जिससे लोगों को और ज्यादा से ज्यादा एंटरटेनमेंट मिले। सलमान खान की इमेज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपनी फिल्मों के अलावा दूसरे एक्टर और एक्ट्रेस के फिल्मों का भी प्रमोशन करते हैं। वो इस फिल्म इंडस्ट्री में राइवलरी से दूर रहना चाहते हैं। वो हमेशा फ्रेंडशिप और यूनिटी में बिलीव करते हैं और ये बात उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है भी करती है। अभी हाल ही में बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने पद्मावत और पैडमैन का प्रमोशन बड़े जोर और शोरों से किया, इसीलिए उन्हें बड़ा एक्टर कहा जाता है, बड़े दिल वाला और सबका भाई जान कहा जाता है। अगर हम सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों को देखें तो वो आज के युग के नायक के रूप में अपने आप को पेश करते हुए नजर आएंगे, चाहे उनकी आने वाली फिल्म भारत हो या रेस 3। तो दोस्तों, हमारे आने वाली वीडियो में हम रेस 3 और भारत के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अब देखने की बात ये है कि ये जो नई फिल्में आने वाली हैं उनसे टाइगर की दहाड़ रुकती है या टाइगर की दहाड़ और तेज हो जाती है। आप सभी का इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर टाइगर जिंदा है फिल्म का असली नाम नहीं था तो क्या था फिर फिल्म का असली नाम? पाकिस्तानी फैंस के लिए क्या है बुरी खबर? टाइगर जिंदा है का बॉक्स ऑफिस पे क्या होगा फाइनल प्रेडिक्शन? और आखिर क्या वजह थी कि फिल्म का ट्रेलर नंबर 1 बन गया? तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ टाइगर जिंदा है के बारे में। टाइगर जिंदा है एक इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफर ने। दोस्तों, फिल्म का नाम सबसे पहले 360 आर्स रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके रखा गया टाइगर जिंदा है। अली अब्बास जफर ने स्टोरी तो लिख दी थी, लेकिन ये स्टोरी जब आदित्य चोपड़ा के पास पहुंची तो आदित्य ने कहा कि फिल्म की स्टोरी एक था टाइगर से रिलेट करके बनाई जाए और फिल्म का नाम रखा जाए टाइगर जिंदा है। ये फिल्म ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। जैसा कि सभी जानते कि फिल्म में कोई भी सीन रियल इंसिडेंट से नहीं लिया गया, और जब अली ने ये स्टोरी लिखी तो इसका नाम 360 आर्स रखा गया, लेकिन वो संशय में थे कि सलमान खान को नाम पसंद आएगा कि नहीं, इसलिए इस फिल्म का नाम चेंज किया गया। और जब भाईजान को इस फिल्म का नाम बताया गया और कहा गया कि ये एक था टाइगर फिल्म की सीक्वल है, तो सलमान ने बिना वक्त जाया किए ही हाँ कह दिया। फिल्म की जो स्टोरी है वो 360 आर्स की ही है, लेकिन फिल्म में टाइगर और जोया का प्यार, रॉय एजेंट या फिर इन नर्सों को बचाने के लिए टाइगर और जोया दोनों का जाना, ये सब 360 आर्स की स्टोरी में ऐड किया गया ताकि फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल लगे। फिल्म में लीड रोल में सलमान खान, कैटरीना कैफ और सजाद डेलफ्रूज। फिल्म में सपोर्टिंग रोल में अंगद बेदी, कुमुद मिश्रा और नवाब शाह। ये फिल्म एक था टाइगर की सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। फिल्म की स्टोरी रियल इंसिडेंट से ली गई है, लेकिन फिल्म पूरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड नहीं है। फिल्म में जहां 25 नर्सों को दिखाया गया, वहीं एक्चुअल इंसिडेंट में वो 46 नर्सें थीं। जून 2014 में आईसीस ने केरल के 46 नर्सों के एक समूह का अपहरण कर लिया था और उन्हें मोसुल से 23 दिन बाद रिहा किया गया। ये सभी 46 नर्सें केरल की थी और इराक के टिकट के हॉस्पिटल में काम करने गई थी। 20 जून में नर्सों को बंधक बनाया गया और 4 जुलाई को छोड़ दिया गया था। जब ये हादसा हुआ उसी महीने मौसम में भारतीय मजदूरों का एक और समूह गायब हो गया था और 3 साल बाद भी उनमें से किसी के मिलने की कोई पुष्टि नहीं हुई। फिल्म में दिखाया गया कि उन नर्सों को बचाने के लिए एक टीम भेजी गई है, पर रियल केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। डायरेक्टर अली अब्बास जफर का कहना है कि मुझे यकीन है कि दर्शकों को एक था टाइगर के मुकाबले ये फिल्म ज्यादा पसंद आएगी। और अली का मानना है कि टाइगर का रोल सलमान के अलावा और कोई नहीं निभा सकता। सलमान खान भारतीय सिनेमा के रॉकी और रैम्बो दोनों हैं और सलमान के स्टारडम को मैं सेलिब्रेट करता हूं। मुझे पता है कि फैंस उन्हें कैसे पसंद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ सलमान को भी मुझ पर भरोसा है और मुझे पता है कि बतौर एक्टर उनसे कुछ भी करवा सकता हूं। वो एक शानदार एक्टर हैं और हम दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते हैं। फिल्म का ट्रेलर बहुत पहले ही रिलीज हो गया था और ट्रेलर को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। ट्रेलर को सिर्फ एक महीने में ही 55 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं। माना जाता है कि पद्मावती और उसका ट्रेलर विवादों में ही उलझ कर रह गए और इसी की वजह से टाइगर जिंदा के ट्रेलर को नंबर 1 बनने का साफ रास्ता मिल गया। सूत्रों की माने तो पद्मावती की रिलीज डेट टलने की वजह से फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ पीवीआर कंपनी को काफी मुसीबतें उठाना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट टलने से पीवीआर को डेली करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस साल बॉक्स ऑफिस में बहुत सी फिल्में रिलीज हुई और अक्टूबर नवंबर में रिलीज हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई और ऐसे वक्त में पद्मावती से काफी उम्मीदें थी। माना जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट टलने से पीवीआर कंपनी को 400 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ है। फिल्म की रिलीज डेट टलने की वजह से कंपनी को डेली 13 करोड़ का लॉस हो रहा है,
जैसा कि सभी जानते हैं, पद्मावती काफी विवादों में थी और यहां तक कि फिल्म को कुछ स्टेट में बैन कर दिया गया और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म जनवरी 2018 में रिलीज हो सकती है। फिल्म पद्मावती के विवाद अभी खत्म नहीं हुए कि रानी पद्मावती पर एक और फिल्म बनने जा रही है जिसका नाम है मैं हूं पद्मावती और इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। सूत्रों की माने तो इस फिल्म को राजस्थान के ही राइटर ने लिखा है ताकि इसे वो विवाद ना झेलना पड़े जो फिल्म पद्मावती को झेलना पड़ा। फिल्म के प्रोड्यूसर ने ये कंफर्म करते हुए कहा है कि फिल्म में बिल्कुल नए चेहरे लिए जाएंगे और ये फिल्म हिंदी और राजस्थान लैंग्वेज में रिलीज होगी। पद्मावती और टाइगर जिंदा का ट्रेलर आस ही पास रिलीज हुआ था। टाइगर जिंदा का ट्रेलर लॉन्च हुआ और माना जाता है इस ट्रेलर जैसा हिट ट्रेलर बॉलीवुड में नहीं बना। फिल्म का ट्रेलर सभी मामलों में फुल पैकेज धमाका है। इस ट्रेलर में एक्शन से लेकर डायलॉग सब कुछ जबरदस्त है। ट्रेलर को देख के लगता है कि इस बार सलमान ने फिल्म में बहुत मेहनत की है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस फिल्म। डायरेक्टर अली अब्बास जफर को तो मानना पड़ेगा, उन्होंने कुछ ही समय में यह साबित कर दिया कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री में राज करने आए हैं और ट्रेलर देख के लगता है कि एक्शन फिल्मों में उनकी अच्छी पकड़ है। अभी हाल फिलहाल में टाइगर जिंदा है के पेज से एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें टाइगर वुल्फ के सामने खड़े हैं और उस पर लिखा है चाहे तुम टाइगर को वीडियो के सामने फेंक दो वो उन्हें भी हरा के वापस आ जाएगा क्योंकि वो टाइगर है। ये सीन ऑस्ट्रिया के घने पहाड़ों में शूट की गई है और वो सीन माना जाता है कि फिल्म का बहुत अहम सीन है। ये सीन हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर टॉम स्ट्रूथर ने डायरेक्ट किया है और इस सीन को करने के लिए हॉलीवुड की टीम की हेल्प ली गई है। टॉम स्ट्रूथर जो कि एक एक्शन डायरेक्टर हैं जिन्होंने डार्क नाइट राइज, वॉरक्राफ्ट, जॉन कार्टर, एक्समैन और भी बहुत सी हिट फिल्में डायरेक्ट की हैं। उस सीन में टाइगर वुल्फ के सामने खड़े हैं और उनके हाथों में कुल्हाड़ी है। दोस्तों ये वुल्फ नकली नहीं है, ये कोई कंप्यूटर ग्राफिक इमेज नहीं है बल्कि ये एक रियल वुल्फ है जिन्हें काफी ट्रेन कराया गया। ट्रेनिंग के बाद इन्हें सलमान खान के साथ फैमिलियर कराया गया, एक बॉन्डिंग बनाई गई और उसके बाद ये सीन शूट की गई। माना जाता है कि ये सीन हॉलीवुड की फिल्म रेवेनेंट से इंस्पायर्ड है। उस फिल्म में एक सीन था जिसमें एक्टर भालू से लड़ता है, हालांकि वो भालू रियल नहीं था, कंप्यूटर ग्राफिक इमेज था और अली अब्बास जफर भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि जो आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं हुआ तो वो हो और इसीलिए ये सीन रखा अली अब्बास जफर ने। ये सीन वाकई में एपिक होने वाला है जब स्क्रीन पे टाइगर और वुल्फ एक साथ लड़ते दिखेंगे और ये शायद पहली बार है कि सलमान इतना खतरनाक सीन कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो फिल्म के दो ट्रेलर बनाए गए थे, एक जिसमें टाइगर और जोया का फुल रोमांस था और दूसरा जो कि फुल ऑफ एक्शन था। तो सलमान के कहने पे दूसरा ट्रेलर रिलीज किया गया। अब सवाल आता है कि ट्रेलर में पूरी कहानी क्यों रिवील कर दिया गया। इस सवाल का कनेक्शन सलमान खान के फिल्म ट्यूबलाइट से है। फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर स्टोरी कुछ और बयां कर रही थी जबकि इस फिल्म की स्टोरी कुछ और ही थी। ट्रेलर में सलमान का वो डायलॉग सुन के कि जंग मुझे ही रोकनी होगी तो लगता है कि सलमान का कुछ अहम रोल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अली अब्बास जफर ने ट्रेलर में ही पूरी स्टोरी रिवील कर दी। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी और अभी हाल ही में आई कुछ फिल्मों की कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है। जैसे बात किया जाए सैफ अली खान की फिल्म एजेंट विनोद की तो वो कहानी कुछ ऐसी ही है कि कुछ रॉ एजेंट अलग अलग देशों में जाते हैं और दुश्मनों को मारते हैं। अक्षय कुमार की बेबी फिल्म की कहानी भी ऐसी कुछ थी कि रॉ के एजेंट सऊदीया में जाके आतंकियों को मारते हैं। फिल्म फैंटम की कहानी भी कुछ इसी से मिलती जुलती थी। टाइगर जिंदा का फिल्म का सेट 20,000 स्क्वायर फीट में तैयार किया गया था।